बड़े बड़े लोग हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर अभी पूरी दुनिया की बात करेंगे तो वो बात तो अलग रहेगी, लेकिन अपनी इंडिया की बात करते, मोदी जी कब मार्केट में आए और कब कहाँ बने, कहाँ तक पहुंचे, ये चीज तो आपको समझना। या बाकी बहुत सारे टॉप लीडर्स की अगर बात करेंगे, बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन की बात करेंगे उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लोग का कौन से एज के ऊपर, कौन से जो लेवल के ऊपर उन्होंने स्टार्टअप किया है। बहुत सारे लोग हैं 90 90 साल में भी उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करे हुए लोग भी आज मार्केट में, 90 साल, इस चीज को समझ रहे हैं, उनका उम्र है 90 साल और वो टाइम पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे तो भी सक्सेस हो रहे। किसका 60 ईयर, किसके 70 ईयर, किसी का 52 54, ये ऐसे एज में भी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए हैं और वो पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री क्रिएट करके और अच्छे लेवल पे उनका बिजनेस उन्होंने सेटअप करके दिखाया है, ये बायने रखते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो लाइफ में कितने बार फेल हुए, कितने बार फेल हुए पता नहीं है। हम छोटे से प्रॉब्लम को लेके हम दिक्कत में आते हैं, हम किसी को भी अगर सुनाते हैं बार बार का मेरा ये हुआ मेरा हुआ, लेकिन उससे आपसे कई गुना ज्यादा लोगों ने दिक्कतें मार्केट में झेली है, बहुत सारे प्रॉब्लम को मार्केट में शेयर किया फेस किया हुआ है और बाद में भी बार बार, 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार 100 बार उन्होंने फेलर 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 के सबसे देखा है, नुकसान नुकसान झेला है, फिर भी डटे रहे और पूरे दुनिया को दिखा दिया हम ये कर सकते हैं और हर आदमी ये कर सकता है, ये चीज को आपको समझना है। तो हम जो भी जिस लेवल पे भी रहेंगे ना, हमने कुछ भी हमारा कोई भी टाइम नहीं बिगाड़ा है, कोई भी अपना वेस्ट नहीं गए, हम आज भी अगर स्टार्ट करते हैं या जो भी स्टार्ट किया हुआ है उसको हम कभी भी आगे लेके जा सकते हैं और दुनिया में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा आदमी बना बना के दिखा सकते हैं, ये चीज को आपको समझना है। कभी भी ये नहीं समझना है कि मैं बहुत पीछे है, बहुत लोग बोलते मैं लेट हुआ, तो लेट कभी नहीं हुआ है, जब भी हमने स्टार्ट किया तब से स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। तो थैंक यू, ये वीडियो के माध्यम से अपने को यही सब सब लोगों को मोटिवेशन देना था और नेक्स्ट अभी ये वीडियो जो है अपना कंपनी के रिलेटेड स्टार्ट होगी, दो वीडियो जो है। यस तो और अभी हम सारे लोग जो खाना खाए हैं उसका डिनर का बिल दे रहे हैं पीएलसी कार्ड से। देखिए दोस्तों, ये खाने का बिल रिसिप्ट के साथ टाइम थैंक यू। आपने देखा, मैंने वही बोला उस दिन, जो भी लोग अगर अपना कोई भी वीडियो अगर शेयर करेंगे तो अपने एक एक वीडियो हम हर दिन लोगों को दिखाएंगे। और अगर एरिया से आप देख सकते हैं, अपने मिस्टर अपने जो आशीष सर, आशीष वानखड़े सर जो ब्लैक डायमंड इस कंपनी में, उन्होंने अपना खुद का पीएलसी कार्ड जो अपने रेस्टोरेंट में अपने यूज किया और उससे अपना पेमेंट कराया, तो ये इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा प्रोडक्ट अपने कंपनी का अपने बीच में है, जहाँ से हम इतनी अच्छी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको उसके माध्यम से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये दुनिया का नंबर वन का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड, इस चीज को आपको समझना है। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमारी कंपनी अगर अपने को यहाँ पे कर सकती है कंपनी, तो कंपनी आगे बहुत कुछ कर सकती है। बहुत सारे अपडेट में देते हुए मैं आपको बहुत सारी चीजें याद दिलाऊंगा थोड़ी देर के बाद। हम अभी अभी नेक्स्ट वीडियो जो कंपनी के ओनर मिस्टर अलेक्स सर के मैसेजेस है वो डेली हम देखना चाहते हैं, उसका पहला मैसेज गाइस जस्ट थिंक अबाउट अलीबाबा हैज कैशबैक नाउ, अमेज़न पेइंग कैशबैक 100% नाउ, ईबे पेइंग कैशबैक 100% नाउ, मेट्रो पेइंग कैशबैक 100% नाउ। बट फ्रॉम टुडे, यस फ्रॉम टुडे दे ऑल पेइंग यू 100% कैशबैक बिकॉज ऑफ पीएलसी यू कैशबैक प्रोग्राम। गाइस दिस इज गो इनक्रेडिबल, इफ यू बाय नेक्स्ट टाइम बाय अमेज़न यू बाय ओनली विद मनी विद कैशबैक, इफ यू बाय नेक्स्ट आईफोन यू बाय ओनली विद मनी फ्रॉम मनी फ्रॉम कैशबैक, इफ यू गो ट्रैवल टू समवेयर यू बाय द टिकट फर्स्ट क्लास और बिजनेस ओनली विद मनी विद कैशबैक, इफ यू बाय द flat only with money with cashback, if you buy the car, the vehicle, the sign, bicycle, does matter, next time if you buy the flowers for your wife only with the money from the with cashback, if you buy the food only money with cashback, if you pay your rent only with money with cashback, and then just play this game 1 year and you go crazy how much money you will save and earn
with catering program. And this is what I'm telling you. You need good habits. And this is spend money only if you got cashback for this. No cashback, no spending money. No cashback, no spending money. Okay? You have to pay education for your kids, pay it with the money from the cashback program. It's easy. ने देखा अपना कंपनी के माध्यम से 100% कैशबैक ऑफर अभी कुछ ही दिन के अंदर, कुछ ही समय के अंदर, एक दो तीन दिन के अंदर आपके कभी भी आपके हाथ में स्टार्टअप होने जा रहा है, जहाँ से हम एक्टिव इनकम के साथ साथ इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अपना कंपनी के ओनर मिस्टर एलेक्स सर का, I'm standing up with this goal, $10 billion, $10 billion total in this year, and I'm by $1 billion now. We are around about we did $1 billion turnover in this year, and I will do $1 billion. Anyway, I told to myself, extend. I have achieved extent, and this time I'm telling you guys, $1 billion. We are 100 million now, extend is $1 billion, because I know that all the money will go to the market, all money will go to people, and then you are just thankful, you are just happy, you are तो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसी हिसाब से, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के ओनर मिशाल ने बताया कि 100 करोड़ से मिलियन यूरो, 100 करोड़ प्लस मिलियन यूरो का इनकम हमारे लोगों के बीच में बांटा जाएगा, हमारे लोगों के बीच में यहाँ पे जनरेट होने वाला है। 2023 की बात करते हैं, सिर्फ 2023 की, तो ये चीज आपको समझना है। 2023 में से 1 month माइनस हो चुका है, अभी बचे हुए अपने लगभग 11 महीने बाकी है, और इसके अंदर ये सब पैसा यहाँ पे जनरेट होने वाला है। अभी जो मैं उसके बारे में थोड़ा आगे फिर वापस मेरे अपडेट में बात करूंगा, थोड़ा समय अपने हिसाब से। तो जो मैसेज है हमारे, दो मैसेज डेली कंटिन्यू रहेंगे जो लोगों को समझने के लिए अच्छा रहेगा, और उसके बाद अभी ये आज का जो मोटिवेशन जो वीडियो था आज के लिए मैंने आपको सब क्लियर दिखा दिया है। अभी हम स्टार्टअप कर दिया हमारा प्रेजेंटेशन, जो मिस्टर अश्विन जी अपने को आपके बीच में रखेंगे, जिसके सब लोग फैन बन चुके। तो अश्विन जी आप रेडी है? अश्विन जी जी सर, अभी आपका प्रेजेंटेशन देना है। यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच उपाध्याय सर, मेरे को बात प्रेजेंटेशन देने के लिए मौका दिए हैं। और दोस्तों आज मैं जो भी यहाँ पे शेयर करूंगा, सब कुछ सीखा हुआ है हमारा मेंटर्स मिस्टर राजेंद्र सर से, साथ साथ हमारा जो आप देख चुके हैं यहाँ पे कंपनी का जो सीईओ है मिस्टर एलेक्स सर, और यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। साथ साथ मैं ऑनलाइन में भी स्टडी करता हूँ, और साथ साथ वेबसाइट में जाके मैं सीखा हूँ, और उसके बारे में आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ टोटल प्रोजेक्ट। और दोस्तों एक चीज यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम लोग बोलते हैं, ये जो वेबिनार है फुल्ली इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेटिव वेबिनार है। हम लोग यहाँ पे आते हैं रोज 8:15 पे, और रोज हमारा जो भी नया गेस्ट आते हैं उनको हमारा प्रोजेक्ट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो भी बात होते हैं, इनकम की बात या कमीशन की बात होते हैं, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे, साथ साथ ये प्रोजेक्ट को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके आप अपना कितना इफोर्ट लगाते हैं, अपना लीडरशिप कैपेबिलिटी कैसा है, सब डिपेंड करता है आपका इनकम के ऊपर। यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं, चाहे मैं भी हूं, कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आप जो भी करेंगे अपना ही डिसीजन लेके यहाँ पे करना है। बट एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे, आज तक हम लोग यहाँ पे, मैंने जब सुना था, अगर मेरे बात करता हूं, मैं 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट के बारे में सुना था, शायद उस दिन मैंने लिसन किया था,
लिसन का मतलब क्या है, सिर्फ सुना ही नहीं था, समझने के लिए कोशिश किया था और 100% समझा था, जिसके बावजूद आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने बैठा हूं। उसका मतलब यही है, मैं उस दिन सुना था, समझा था और मैंने ये प्रोजेक्ट में काम किया और मैंने घर बैठे बैठे यहाँ पे लाखों रुपया भी कमाया और मेरा जो भी ड्रीम है सब कुछ यहाँ पे फुलफिल होने भी जा रहा है और बहुत सारा फुलफिल हो चुका है। तो इसीलिए सबको रिक्वेस्ट है, आप जहां पे भी है, चाहे आप बिजनेसमैन है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप स्टडी करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, आप अपना प्रेजेंट प्रोफेशन में रहते हुए भी अपना पार्ट टाइम कर सकते हैं यहाँ पे, और चाहते हैं आपके पास अगर कुछ काम नहीं है, आप अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं फुल टाइम देके भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हजारों लाखों लोग यहाँ पे फुल टाइम देके भी काम कर रहे हैं और अपना यहाँ पे करियर बना रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको वीडियो में आपको दिखा गया था कि यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू बूस्ट अवर अर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ विद द हेल्प बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपना प्रेजेंट अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, साथ साथ अपना पर्सनालिटी को भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपना वेल्थ को भी यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। और आज का टॉपिक यही रहेगा दोस्तों, तो इसलिए मैं बोलता हूं टॉपिक नया है, कुछ चीज ऐसा भी यहाँ पे लग सकता है अनबिलीवेबल, आपका बिलीव भी नहीं हो सकता है, बट ये हो रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूं डोंट हियर दिस प्रोजेक्ट बट लिसन इट केयरफुली, आपको सुनना ही नहीं, समझने के लिए कोशिश करिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आज का डिजिटल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों आप लोग जानते हैं आजकल सब कुछ डिजिटल हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र सर बोले कि दुबई में सर रहते हैं, इंडिया से बिलोंग करते थे, अभी दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग जो होता है बुर्ज खलीफा में उनका 2-3 प्लाट भी ले चुके हैं और ये सब हुआ है प्लाटिन वॉल के वजह से। और कितना दिन में, जस्ट 5 साल कल कंप्लीट होने जा रहे हैं, और वो प्लाटिन वॉल या ये टेक्नोलॉजी का यूज कर खुद किए और दूसरे को करवाए, दूसरे को सिखाए, दूसरे को सिखाते सिखाते आज उन्होंने अपना जो भी ड्रीम है सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर चुके हैं, करेंगे नहीं कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं भी आपको यही चीज बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा लिसन करिए प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों, और वो प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्लाटिन वॉल लिमिटेड। आज वही प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है प्लाटिन वॉल लिमिटेड। तो ये प्लाटिन वॉल लिमिटेड है क्या चीज दोस्तों, ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फिजिकल प्रोडक्ट को लेके मार्केट में बहुत सारा कंपनी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं, और उसी प्रोजेक्ट को हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यूज करते करते कंपनी में कुछ लोगों को हम लोग रिफरेंस भी देते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और वो करते करते आज बहुत सारा लोग प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट में भी अपना करियर बना चुके हैं। तो ये भी सेम वैसे ही एक प्रोजेक्ट बेस है, बट डिफरेंस यही है यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको मिलेगा और टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे और आप अपना करियर को, अपना अर्निंग को यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी कैसा रहेगा, यहाँ पे प्लाटिन वाल जो भी टेक्नोलॉजी लेके आता है उसी टेक्नोलॉजी के कॉमन मैन भी यूज कर सकता है, और उसके लिए ना आपको ज्यादा नॉलेज का जरूरत होता है, ना आपको ज्यादा फंड्स का जरूरत होता है, ना आप गांव से हैं या सिटी से, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, या ना आपका एज डिपेंड करता है यहाँ पे, हर कोई यहाँ पे अगर चाहेगा तो अपना ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना पर्सनल अर्निंग को साथ साथ अपना वेल्थ को यहाँ पे ग्रो कर सकता है। तो चलिए चलते हैं हमारा प्लाटिन वॉल लिमिटेड के पास। तो मैं आज को यहाँ पे लाइव दिखाना चाहूंगा, ये जो प्लाटिन वॉल लिमिटेड है ये एक टेक्नोलॉजी बेस है, जैसा कि बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप लोग जानते हैं इंटरनेट ऑन ब्लॉकचेन, जब से इंटरनेट आया तब से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया, और जब से टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन आया तब से हमको लेन देन में भी फैसिलिटी बढ़ गया, और आज को जानते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड ब्लॉकचेन में काम कर रहा है। जैसे कि इंडिया की बात करूं, इंडिया भी सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हो चुका है, इवन दैट यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने जा रहे हैं, और अभी तो लॉन्च कर चुका है डिजिटल करेंसी जो कि आरबीआई से होता है यहाँ पे। तो उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं क्रिप्टो टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी, उसी को जो लाइक करते हैं, उसी को जो लव करते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के साथ जो लोग इम्प्रूव करना चाहते हैं
उनका एक कम्युनिटी बेस है प्लाटिन वाल। यहाँ पे नॉर्मल आदमी प्लाटिन वाल में आता नहीं, या प्लाटिन वाल का प्रोडक्ट जो है टेक्निकल प्रोडक्ट वो यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज का जरूरत होता है, थोड़ा सा चाहत का जरूरत होता है। और चाहत क्या होता है कि अपने लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपना फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना है, उसके लिए यहाँ पे सीखते हुए दूसरे को सिखाते हुए आगे बढ़ता है, अपना फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करता है। तो वही बेस है प्लाटिन वॉल लिमिटेड। और उसके लिए आपको जाने के लिए हमारे कंपनी में आपको कहां जाना पड़ेगा, platinwall.com में आप विजिट कर सकते हैं साइड में, और इसके बारे में आप जान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ये अगर मैं बात करता हूं सिर्फ हम लोग इंडिया में नहीं, आप देख सकते हैं कहां पे कितना कंट्री, 120 प्लस कंट्री में ये रनिंग है। कितना दोस्तों, 120 प्लस कंट्री में रनिंग है। और ये 2016 से चालू है सर प्लाटिन वॉल लिमिटेड, और ये जर्मन बेस है, स्विट्जरलैंड से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो इनका अगर मैं क्रिएटर की बात करता हूं, जिनका नाम है आप यहां पे देख सकते हैं मिस्टर एलेक्स रेनहार्ड, इनका सीईओ एंड इनका क्रिएटर, तो आप जैसे कि मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और उनके बारे में अगर जानना है alexrenhard.com में आप जाएंगे तो इनके बारे में जान सकते हैं, जो कि प्लाटिन वॉल का क्रिएटर है। तो चलिए जानते हैं इनका क्रिएटर के बारे में। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूं, आप यहां पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टॉप अमेरिकन बिजनेस पब्लिकेशन, यहां पे एलेक्स सर के बारे में क्या बोल रहे हैं, एलेक्स सर जो कि टॉप 10 प्रोमिनेंट फिगर्स हैं क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जो होते हैं वर्ल्ड वाइज, जो टॉप 10 उनके बीच में आते हैं ये। और साथ साथ ये क्या है, एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, प्लस एक्सपर्ट फील इन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है। और ये बहुत सारा स्टार्टअप डेवलपमेंट में करते हैं, ये छोटा छोटा टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को लोग यूज करते अपना फाइनेंशियल कंडीशन को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे वो जो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो स्टार्टअप लेके आते हैं, वो लोगों के पास कैसे पहुंचता है, जैसे अभी पहुंच रहा है। इनका कोई टीवी में एड देता है, ना कोई पेपर में आता है, ये पब्लिक टू पब्लिक के हिसाब से जो भी स्टार्टअप लेके आते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट को लेके आते हैं, लोगों को लोगों से पहुंचाते हैं, ताकि यहाँ पे जो लोग टेक्नोलॉजी यूज करें उसको भी बेनिफिट मिले, और जो यहाँ पे रिकमेंड किए उसको भी बेनिफिट मिले। तो चलिए मैं बात करता हूँ कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि आज लगभग मिस्टर एलेक्स सर ने 24 प्लस टेक्नोलॉजी बना चुके। कितना, 24 प्लस टेक्नोलॉजी। और उनका बीच में आते हैं बहुत सारा टेक्नोलॉजी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्टिमा फार्म है, और यहाँ पे मैं बात करूंगा पीएलसी एक्स मिंटिंग फार्म है, टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और भी ऐसा बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो डेबिट कार्ड, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर राजेंद्र सर ने आप लोगों को यहाँ पे दिखाए। साथ साथ यहाँ पे और भी जबरदस्त प्रोजेक्ट है, मैं एक एक करके आपको दिखाना चाहूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी प्रोजेक्ट है। ये सब मैं कहां से दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्रिप्टो डेबिट कार्ड, ये ऐसा एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड है जो वर्ल्ड वाइज इसको यूज कर सकते हैं। इंडिया में भी हमारा जो आशीष सर ने वीडियो में दिखाए हैं, एक मीटिंग हुआ था वहां से क्रिप्टो डेबिट कार्ड से डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से डायरेक्ट रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे थे। और ये सब आपको कहां मिलेगा जानने के लिए, platinpassport.com में आप डिजिट करेंगे, कंपनी साइड में आप इसको देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे सबसे जबरदस्त जो जिसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड का लोग इसके पीछे जुड़ रहे हैं, और वो क्या है आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे प्लाटिन हीरो इज ए न्यू जेनरेशन ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्लाटिन हीरो कि अगर किसी के पास बड़ा प्रोजेक्ट है, बट फंड्स नहीं है, क्राउड फंडिंग के जरिए कंपनी के थ्रू यहाँ पे आपका फंड्स प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट किया जाता है। अदरवाइज आप भी अगर कोई प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, तो आप भी इसको विजिट करके जा सकते हैं। उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा platinhero.com में। साथ साथ यहाँ पे और एक प्रोडक्ट में दिखाता हूँ प्रोजेक्ट प्लाटिन डील। ये प्लाटिन डील प्लाटिन वॉल का एक प्रोजेक्ट है, जैसा कि अमेजन फ्लिपकार्ट होता है ना, यहाँ पे भी प्लाटिन डील। platinhero.com में जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट मिलता है जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी को देके भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और क्या प्रोजेक्ट है मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टिमा कैशबैक फॉर परचेस अप टू 100%। यहाँ पे अप टू 100% तक कैशबैक मिलने का भी चांसेस, एक तो प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है कंपनी ने। और जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र सर आप लोगों को बता रहे थे कि आप
प्लाटिन डील के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट बाय करेंगे उसका मतलब 100% तक आपको रिफंड मिलने का चांसेस है, और वो प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी हमारे पास स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो चुका है। साथ साथ यहाँ पे और एक चीज होता है, जो लोग अल्टीमा फार्म लिए थे लास्ट टाइम, अल्टीमा प्रोजेक्ट था एक तो मिंटिंग प्रोजेक्ट, उसमें अभी एक ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहते हैं अल्टीमा को पीएलसी एक्स क्लासिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, और 60 मंथ तक एवरी मंथ आपको वहां पे बेनिफिट मिलने का चांसेस है। तो दोस्तों ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा, कहां पे platinpassport.com में आप विजिट करेंगे तो सब कुछ आपको यहां पे दिखाई देगा। बट मैं यहां पे आपको जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा, और जिसको यूज करके आप यहां पे अपना फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं, और उसका नाम क्या है, पीएलसी एक्स मिंटिंग या फार्मिंग सेक्शन। पीएलसी एक्स इज ए न्यू वर्ड ऑफ फार्मिंग। आप क्या करेंगे, पीएलसी एक्स ये भी क्रिप्टो करेंसी है, आप लोग जानते हैं 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी थे, पीएलसी एक्स एक डिफरेंस क्रिप्टो करेंसी है क्योंकि ये मिंटिंग कॉइन है। यहाँ पे कोई भी हर एक्सचेंज में यहाँ के अवेलेबल नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्सचेंज में ये अवेलेबल है जिसका नाम है कॉइनस्पीट, और ये मिंटिंग के माध्यम से लोगों को प्रॉफिट दिलाता है। तो चलिए मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे हम लोग पीएलसी एक्स को कैसे यहाँ पे मिंटिंग कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और उसके लिए आपको विजिट करने के लिए आपको जाना कहां पड़ेगा, plcux.com में आप जाएंगे तो आप इसके बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, इसको हम लोग पीएलसी एक्स हम लोग कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये जो पीएलसी एक्स है इसके बारे में अगर बताऊं, ये एक प्रोजेक्ट है और लगभग ये 2 साल के लिए बना हुआ है। कितना लिए, 2 साल के लिए, किसके, क्यों, कि कंपनी का कम्युनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजी को लोगों के पास पहुंचाना है लोगों का भी प्रॉफिट दिलाना पड़ेगा, तो उसी का एक प्रोजेक्ट है पीएलसी एक्स। माइंड में भी सवाल आ रहा होगा, सर मार्केट में बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी लेके आ रहे हैं सर, उसके कंपनी जैसा है क्या हमारा कंपनी, नहीं सर मैं आपको बात करता हूं, मार्केट में जो लोग आते हैं कंपनी आते हैं बोलते हैं क्या हमारा टोकन है आप अभी खरीद के रखिए, इतना दिन या 1 महीने 2 महीने 1 साल के बाद ये इतना गुना बढ़ सकता है। अदरवाइज ऐसा भी होता है, हम क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूएसडीटी दीजिए, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी दीजिए, हम आपका फंड्स को यहाँ पे लगा के आपको हर डे डेली आपको इतना इतना परसेंट देंगे, महीने में इतना परसेंट देंगे, ऐसा भी बात होता है। बट मैं बात करना चाहूंगा हमारा प्रोजेक्ट का जिसका नाम है पीएलसी एक्स प्रोजेक्ट या पीएलसी एक्स मीटिंग, ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ है सर, और यहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी का एक्सपीरियंस अगर नहीं है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 12 मंथ आपको फार्मिंग करके देता है, टेक्नोलॉजी आपको ही काम करके देगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बोला था क्रिप्टो करेंसी को लेके टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ आपको जाना है, आपको जिसने भी बुलाया उनसे बात करिए, एक तो रिफरल लिंक लीजिए, अपने नाम को वेबसाइट में जाके रजिस्टर करिए, साथ साथ वहीं पे अल्टीमा फार्म 2 एप्लीकेशन होगा वहीं पे डाउनलोड कर लीजिए, अल्टीमा फार्म में अल्टीमा वॉलेट, उसके बाद आपको फार्म को एक्टिवेशन करना पड़ेगा और उसी फार्म में आपको पीएलसी एक्स लेके डालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप क्लियर नहीं हुए, चलिए मैं बताता हूं यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, ऐप स्टोर में जाइए और गूगल प्ले स्टोर में आप जा सकते हैं, 2 आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कैसे, आप पहले जाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको, हाउ डू आई गेट प्रॉफिट विद पीएलसी एक्स, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट करना पड़ेगा वॉलेट को, फार्म एंड वॉलेट, आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, हमारा बहुत सारे यहाँ पे फार्मर्स है या आपको जिसने भी बुलाया उनसे बात के लिए वो आपको बता देंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट छोटा सा मैं बताना चाहूंगा, आपने जैसे कि एक्टिवेशन फार्म डा, ये 2 एप्लीकेशन होते हैं, ये होता है आपका वॉलेट और ये होता है फार्म होता है, ये वॉलेट जो होता है ये आपका बैंक जैसा होता है, लॉकर जैसा होता है, यहाँ पे आप हमारा जो कॉइन है PLCUX और यहाँ पे PLCU को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और जो फार्म होता है ये हमारा टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, आपको इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं ये मोबाइल होता है, यहाँ पे सिम डालते हैं, सिम डालने के बाद आपको रिचार्ज करना पड़ता है टॉक टाइम के लिए या नेट के लिए, यहाँ पे भी हमारा फार्म को एक्टिवेशन करना पड़ेगा, और एक्टिवेशन के लिए
आपको प्लाटिन वाल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और एक्टिवेशन का जो की होता है वो अलग अलग पैकेज का अलग अलग प्राइस होता है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे PLCU आपको डालना पड़ेगा, या आपको फ्रोजन करना पड़ेगा, या स्टोर करना पड़ेगा, या लोड करना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे PLCU X डालते हैं तो आपको हर महीने यहाँ पे न्यू PLCU X, क्यों सर, न्यू PLCU X जेनरेट होके आएगा। वही टेक्नोलॉजी का खासियत है यहाँ पे। और कितना आएगा एट प्रेजेंट, अभी सिचुएशन की मैं बात करता हूँ कितना आएगा, चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ, आप देख सकते हैं मिंटिंग फैक्टर का अभी कितना आएगा, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कितना है दोस्तों, 6.2। उसका मतलब मान लीजिए आप फार्म में लेते हैं टेक्नोलॉजी, यहां पे एक क्वाइन अगर डालते हैं, क्या PLCU X अगर एक डालते हैं आपको 6.2 आपको जेनरेट होगा, क्या PLCU X आपको मिलेगा, कितना पूरे एक साल में, कितना साल में आपको 12 मंथ में मिलेगा। आपका माइंड में ये भी सवाल आ रहा सर 12 महीने के बाद मिलेगा या विद इन 12 मंथ, मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे विद इन 12 मंथ, मतलब एक अगर PLCU डालते हैं हर महीने आपको 0.516 PLCU मिलेगा। उसका मतलब कितना 51.6% यहाँ पे कितना 51.6% आपको एवरी मंथली आपको न्यू क्वाइन यहाँ पे जनरेट होगा सर। और ये कितना महीने तक, 12 महीने तक, और 12 महीने में आपको यहाँ पे 6.2 या आपको यहाँ पे बोल सकते हैं 620% आपको न्यू क्वाइन जनरेट करके आपको देगा यहाँ पे, कितना 620% दोस्तों। ओके तो चलिए मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे सवाल यही आता है सर ये जो 51.6% पर मंथ और साल में कितना 620%, इतना परसेंटेज आज तो हम लोग कहीं नहीं देखे, इतना परसेंटेज कहां से लेके आता है। तो मैं बता दूं दोस्तों ये मिंटिंग टेक्नोलॉजी है, और ये धीरे धीरे, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देता है, हर टाइम ये नहीं देता है आपको, ये आज और कल के लिए, कल के बाद ये जो 51% है और 620% ये कमने वाला है, मतलब कमते कमते जाएगा, क्योंकि ये जब स्टार्ट हुआ था अक्टूबर में 60% था, उसके बाद 58%, उसके बाद 56, और अभी कितना आया है 51.6%। आप अगर अभी करेंगे तो आपको हर महीने 51.6% न्यू क्वाइन जनरेट होगा। ओके तो चलिए आपका माइंड में ये भी आ रहा सर इतना परसेंट कहां से देता है हर महीने, तो यहां पे मैं बता दूं दोस्तों PLCU देता क्या है हमको, लोड का क्या करना है, PLCU X हमको फार्म में डालना है तो हमको क्या रिटर्न आने वाला है, वही PLCU X आएगा एवरी मंथ, कितना 12 महीने तक। आप बोलेंगे सर इतना PLCU, कितना PLCU है कंपनी के पास, मैं बात करता हूं सर ये जो PLCU X है ना, आप कंपनी यहां पे PLCU X नहीं देता, आपको PLCU X अगर यहां पे फार्म में डालना है तो आपको एक्सचेंज से लेके आना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ कंपनी क्या देता है, आपको टेक्नोलॉजी दी है ना, PLCU फार्म का एक्टिवेशन की यहां पे सेल करता है टेक्नोलॉजी का, आपको PLCU क्लासिक या PLCU X के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, कॉइनस्बिट से जाएंगे, INR से USDT, USDT से आप PLCU X को खरीदेंगे और यहां पे लाके डालेंगे, और हर महीने जो PLCU X आएगा आपको क्वाइन आएगा, फिर एक्सचेंज में जाके आपको सेल कर लेना है। बट फिर भी यहाँ पे लोगों का सवाल आता है सर सही तो बोले बट 620% सालाना और हर महीने 51.6% ये कहां से लेके आता है, तो चलिए मैं बात करता हूं, ये एक लिमिटेड प्रोजेक्ट है कहां से लेके आता है, बट उससे पहले देख लेते हैं ये इसका ब्लॉकचेन के बारे में, और PLCU जो आता है कितना आता है कहां से आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कितना है दोस्तों यहां पे अवेलेबल सप्लाई कितना है, मैक्सिमम सप्लाई कितना है 10 लाख है, कितना यहां पे 10 लाख टोटल यहां पे क्वाइन है, और अभी कितना 1,12,176 ऑलरेडी अवेलेबल आ चुका है यहाँ मार्केट में। और मैं जैसे बोला आप फार्म में डालेंगे हर महीने 51.6% न्यू क्वाइन आएगा यहां से आएगा सर, और ये लिमिटेड टाइम के लिए, हर टाइम ये सालों साल, जैसा कि मार्केट में बहुत सारा कंपनी मिल जाएगा, मैंने भी जब फिजिकली किसी को प्लान दिखाता हूं बोलते हैं सर ये कितना साल तक देगा, सर ये साल आपको 1 ईयर का प्रोजेक्ट है, और आप ये हर महीने हर 15 दिन में ये कमते कमते जाता है, क्योंकि ये इसका टोटल सप्लाई सर लिमिटेड है, 10 लाख क्वाइन ही है आपको, 10 लाख क्वाइन से आपको यहाँ पे हर महीने 51.6% देगा, और जिस दिन 10 लाख क्वाइन आने के लिए मार्केट में मीटिंग होके इतना फार्म अगर सेलिंग हो जाता है प्रोजेक्ट उसी दिन भी बंद हो सकता है। बट एक चीज बता दूं, आप अगर एक बार यहाँ पे लोड कर लिए
पूरा 12 महीने तक आपका फिक्स हो जाता है कितना 51.6%। अगर एक तारीख तक, कल तक ये लास्ट है, कल के बाद ये 50% में आ जा रहे दोस्तों। ओके, तो चलिए मेरे ख्याल से आप क्लियर हो चुके हैं। उसी हिसाब से ये प्रोजेक्ट काम करता है। और जो मैं दिखा रहा हूं ये ब्लॉकचेन है पीएलसी एक्स का, जो लोग इसके बारे में जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप साइड में विजिट करिए। और अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी लेना है, इसका व्हाइट पेपर भी है, आप व्हाइट पेपर में भी विजिट कर सकते हैं। मैं जो जो बात कर रहा हूँ ये सब कुछ यहाँ पे दिया है दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका एक्टिवेशन की कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको क्या साइन अप करना पड़ेगा, साइन अप किए, साइन अप ईमेल आईडी नाम देके साइन अप करने के बाद आपको लॉगिंग करना पड़ता है साइड में, साइनिंग। और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं एक तो आईडी साइनिंग करके, या plcx.com में जाना है। आप यहाँ पे मैं आपको साइनिंग करके दिखाऊं। जैसे कि आप साइनिंग करने के बाद आपको आपको यहाँ पे लाइसेंस की बाय करने का ऑप्शन यहाँ पे देगा, आप वहीं पे जाके आप बाय कर सकते हैं। ये आ गया आपका ultimafarm.com में, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। या ये पैकेज है, बहुत सारा पैकेज है, और जो कि मैं मिंटिंग फैक्टर भी दिखा रहा था आपको। तो ये छोटे से लेके बड़ा पैकेज है हमारे पास। सबसे कम वाला लाइट पैकेज है, उसके बाद यार पैकेज, स्टार्टर पैकेज, उसके बाद और क्या पैकेज है यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको। बेसिक मिंटर पैकेज है यहाँ पे, मीडियम मिंटर पैकेज है, क्लॉस मिंटर है, प्रो मिंटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम मिंटर पैकेज भी है और अल्टीमा मिंटर पैकेज भी है। तो आप बोलेंगे सर ये कितना से स्टार्ट होगा, अगर मैं स्टार्ट की बात करता हूँ 110 यूरो से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम कितना आता है, अनलिमिटेड है सर, आप जितना चाहे यहाँ पे फार्म बाय करिए, टेक्नोलॉजी लीजिए और जितना चाहे वहां पे लोड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा वाला पैकेज अगर मैं दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 550 यूरो का यहाँ पे सिर्फ फार्म मिलता है, 550 यूरो। अगर 1 यूरो इज़ इक्वल 100 रुपीज में मानता हूं तो यहाँ पे कितना होगा, 5.5 करोड़ का सिर्फ आपको क्या फार्म मिलेगा टेक्नोलॉजी। और उसी फार्म में आप लोड कितना कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.6 कॉइन पीएलसी एक्स। और मैं बता दू एक पीएलसी एक्स का रेट कितना है, $1,00,000 है। तो यहाँ पे कितना, $6,00,000। $1 का अगर मैं 87 मानता हूं तो कितना होता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसका हर महीने कितना ये वाला आएगा, और यहाँ पे हम लोग 6 कॉइन को एक साल में 41 कॉइन कर सकते हैं, कितना 41 कॉइन। तो वही हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे जो प्यारा वाला पैकेज होता है और कोई इसको पसंद करता है, और मैं जो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ ये पैकेज को ज्यादा लोग चुनते हैं। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज आपको गिफ्ट में भी मिलता है, जिसको बोलते हैं आपको बेसिक मिंटर पैकेज। और इसका प्राइस कितना है, 110-1100 यूरो होता है, जो कि लगभग 1,10,000 के आसपास होता है। और वहां पे आपको ये लोड करना पड़ेगा 0.0133, और हर महीने आएगा पर मंथ 12 महीने तक, 12 महीने में ये कॉइन आएगा पूरा एक साल तक। साथ साथ आपको यहाँ पे आपको एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड भी फ्री है, जो कार्ड का प्राइस कितना है सर, लगभग 1 लाख के आसपास इंडियन रुपीस में ये कार्ड आपको फ्री मिलेगा, क्रिप्टो डेबिट कार्ड। तो अगर ये आप पैकेज लेते हैं, बेसिक मिंटर पैकेज से लेके आपको बड़ा पैकेज जो भी है, उसमें सब पैकेज में आप यहाँ पे कार्ड ले सकते हैं सर। ओके, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो सेकेंड पैकेज जो मैंने बोला था, आप यहाँ पे क्या करेंगे, फार्म लेंगे, फार्म में पीएलसी एक्स लोड करेंगे, और हर महीने न्यू 51.6% आपको मिलेगा। अगर एक कॉइन यहाँ पे लोड करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 6.2 कॉइन, कितना, विद इन 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ नहीं, 12 महीने में आपको मिलता है। और हर महीने आपको 0.516 कॉइन आपको मिलेगा हर महीने, अगर एक कॉइन यहाँ पे डालते हैं। उसी हिसाब से आपको जिसने बोला उनसे पैकेज के बारे में बात कर लीजिए, आपको बता देंगे। तो चलिए साथ साथ मैं यहाँ पे और एक चीज बताया था, आप टेक्नोलॉजी को यूज करके पैसा कमा सकते हैं, और यहाँ पे किसी को रिकमेंड करके भी कमा सकते हैं। जैसे कि आपका माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर हमने फार्म लिया, हमने यहाँ पे एक्स डाला, हर महीने एक एक्स का हमने यहाँ पे 6.2x बना दिया, साथ साथ एक साल के बाद जो 1x ये भी डाला है, ये भी हमारा 1x रिटर्न हो जाता है, तो 7.2x हमको मिल गया। तो आपको क्या मिलता है, जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मैं बताया था दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन देता है कंपनी, कि आप
प्रोडक्ट को यूज करिए और दूसरे को रिकमेंड करिए, क्योंकि प्लैटिन वाल यहाँ पे जितना सारा भी टेक्नोलॉजी लेके आया, जो भी टेक्नोलॉजी लेके आया, इसका कोई भी एडवर्टाइज टीवी में नहीं देता, पेपर में नहीं देता, ये पब्लिक टू पब्लिक पहुंचता है सर। इसीलिए आप यूज करिए, अगर अच्छा लगा तो दूसरे को बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर दूसरे को बोलेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, जो हमको फायदा होने वाला है। इसीलिए तो हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में, यहाँ पे तो कुछ होता ही भी नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, अगर अगर किसी को आप रिकमेंड करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करने के साथ साथ, आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा रिकमेंड क्या होगा। अभी प्रेजेंट प्रोडक्ट है दोस्तों पीएलसी एक्स मिंटर। अगर आप मिंटर किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होता है, जैसे कि फास्ट इनकम होता है, यहाँ पे यूनी लेवल बोनस बोलते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए कंपनी में, आपने कुछ फार्म लिया, टेक्नोलॉजी लिया, आपने 12 महीने तक यहाँ पे बेनिफिट लिया। साथ साथ अगर आप किसी को रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड का मतलब क्या है, आप अगर टेक्नोलॉजी लेते हैं कहीं पे खोल के बैठे हैं ऑफिस में या कहीं पे बिजनेस सेंटर में या आप स्टूडेंट है या हाउसवाइफ है, किसी के साथ शेयर करते हैं कि मैं ऐसा ऐसे प्रोजेक्ट लिया हूं और फार्मिंग फार्म लिया हूं, यहाँ पे मैं एक्स डाला हूं और मेरे को 12 महीने तक एक कॉइन अगर मैं डालूंगा तो मेरे को 6.2 कॉइन मिलेगा, हमने रिकमेंड किया। अगर सामने वाला बोलता है कि मेरे को भी करना है तो उसको आपने रिकमेंड किया प्रोडक्ट, उसका हिसाब से आप जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करेगा, जैसे कि मैंने बोला 110 यूरो से लेके कितना सर 550,000 यूरो तक है आपको प्रोडक्ट, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट वो हमसे बाय करेगी या आपका थ्रू से कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट बाय करता है उसके ऊपर आपको यहाँ पे कमीशन देता है सर। और यहाँ पे कैसा कमीशन मिलता है मैं बता दूं इसका, जैसे कि एक बात बोलता हूँ, जैसे कि 1100 यूरो का मैं बात करता हूँ एक प्रोडक्ट, कंपनी यहाँ से क्या करता है 10% आपको टैक्सेशन में देता है, कितना 10% आपको टैक्सेशन में जाएगा, बाकी बच जाता है मान लीजिए वहां पे 1000 यूरो, इसका आपको 81% कंपनी जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, उसका मतलब जो लोग कंपनी का प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाते हैं, लीडरशिप लेके काम करते हैं, टीम लेके काम करते हैं, उनके पास जाता है और 90% ओनली कंपनी लेता है, किसका फार्म का सर, टेक्नोलॉजी का, जो फार्म के लिए आप पैसा देंगे। आप बोलेंगे जो फार्म के लिए पैसा देगा जो उसको क्या बेनिफिट होगा, वो जो बेनिफिट होगा हर महीने 51.6% मिलेगा सर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो स्टार्टिंग करते हैं, आपने किसी को रिकमेंड किया यू, तो ये होता है आपका फर्स्ट लेवल, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई रहे तो लेंगे, और जिसको बोलते हैं आपको डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे 30% देते हैं, किसका आपका टेक्नोलॉजी के सर, आप जो फार्म बेचेंगे यहाँ या फार्म किसी को रिकमेंड करेंगे उसका 30%, जैसे कि मैंने समझा दिया यहाँ पे। सेकेंड उन्होंने अगर किसी को रिकमेंड किया तो आपका टीम हो जाता है सेकेंड लेवल और यहाँ पे आपको 7% मिलता है, और उसके बाद उन्होंने अगर किसी को रिकमेंड किया, जैसे कि 3-4-5 लेवल तक आपको यहाँ पे बोनस मिलता है, कितना सर 3% मिलता है, और 6 से लेके 15 लेवल तक यहाँ पे मिलता है सर 1%, और ऐसे करके यहाँ पे 56% जो मैंने बताया था उसका 56% यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन करता है डायरेक्ट एंड टीम बोनस में सर। उसके बाद और क्या बेनिफिट करता है, आप अगर टीम को गाइड करते करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स करते हैं, जो भी आता है उसको समझाते हैं और काम करने से क्या होगा, फार्म को कैसे डाउनलोड करना है, अगर टीम को गाइड करते करते जाएंगे तो यहाँ पे एक तो बोनस मिलता है जिसको बोलते हैं रैंकिंग बोनस या प्रमोशन भी होने का यहाँ पे चांसेस होता है, और वो प्रमोशन बोनस कितना होता है सर, मैं अगर बात करूं यहाँ पे 100 यूरो से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है क्या 100 करोड़ यूरो का यहाँ पे होता है। अब जीरो कितना लगा मैं भी कंफ्यूजन होता हूँ, लगभग कितना होता है, अगर टोटल अगर मैं बात करूं यहाँ पे रैंकिंग बोनस 200 करोड़ का होता है जिसको बोलते हैं रिवार्ड बोलते हैं। आप अगर प्रमोशन लेके लेके जाएंगे एक स्टेप बाय दूसरे स्टेप में जाते जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रमोशन होगा और टोटल प्रमोशन का रिवार्ड होता है यहाँ पे 200 करोड़। आप बोलेंगे सर ये 200 करोड़ मिलता है सर, मिलता नहीं, लोग यहाँ पे ले चुके हैं और हमारे सामने भी बैठे मिस्टर राजेंद्र सर ने, उन्होंने भी ये बहुत जल्दी लास्ट स्टॉप में पहुंचने वाले हैं, आफ्टर प्रोजेक्शन मैं उनसे आप बात भी कर सकते हैं अगर कोई सवाल होगा तो। तो चलिए मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे रैंकिंग बोनस कैसे होता है। रैंकिंग बोनस पहले होता है सर अंबर, आप जिस टीम रजिस्ट्रेशन करेंगे कंपनी एक रैंकिंग बोनस रैंक देता है जिसको बोलते हैं रैंक, अंबर रैंक होता है, बट वहीं पे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद आपको सेकेंड रैंक आता है सर जड्डे रैंक,
क्या होता है जाड़े, और उसके लिए आपको 5000 यूरो का आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, मान लीजिए आपने 110 यूरो का किसी को प्रोडक्ट सेल किया टेक्नोलॉजी फार्म, उसके बाद मान लीजिए किसी ने 1100 यूरो का लिया, किसी ने 5500 यूरो का लिया, किसी ने 11000 यूरो का लिया प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट सेल होता है सर। और ये प्लस होते होते जब एक टारगेट में पहुंचता है कंपनी का, जो भी टारगेट हो रैंक के लिए, वहीं पे आपको यहाँ पे प्रमोशन होता है और आपको रैंकिंग बोनस मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फास्ट जाड़े के लिए 5000 यूरो होता है और यहाँ पे 100 यूरो का आपको रिवार्ड मिलता है, जो कि लगभग कितना होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं लगभग आपको 10,000 के आसपास आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलता है आपको फास्ट रैंक में सर, आप जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड जाडे से लिए आपको पॉल डायरेक्टर होना है या पॉल में आपको पहुंचना है। आपने 5000 कर दिया यहाँ पे और 5000 यूरो का बिजनेस करना है आप और अपना टीम मिला के, और यहाँ पे होता है कितना सर, 10,000 यूरो का होता है। और 10,000 यूरो अगर होगा तो यहाँ पे फिर दोबारा आपको 100 यूरो का मिलेगा। माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये जो है 5000 ये क्या है सर, मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, टर्म एंड कंडीशन है छोटा सा है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा फर्स्ट लाइन टर्नओवर 50%, उसका मतलब है आप यहाँ पे है कंपनी क्या बोलते हैं, आप जितना फार्म बेचना है, जितना लोगों को डायरेक्ट बेचना है, बेचना अगर रैंक अचीवमेंट करना है तो मैक्सिमम 1,00,000 से आपको 50% होना चाहिए एक आदमी से, और बाकी जितना भी लेंगे उसका 50% आपको होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था 5000 यूरो के लिए आपको 2500 यूरो का 1,00,000 में होना चाहिए और बाकी सब मिला के यहाँ पे 2500 यूरो का आपको फार्म सेल होगा तो आपको जाडे रैंक होता है सर। आप बोलेंगे सर दो लैख में होगा क्या, बिल्कुल सर आप अगर चाहेंगे यहाँ पे 2,00,000 बना के भी काम कर सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो वही यहाँ पे दिखा रहे 5000 × 2500 ये हिसाब से दिखा रहे है। तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट रैंक में, ऐसे करते करते आप यहाँ पे रैंक अचीवमेंट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, जैसे कि मैंने पॉल का बात कर रहा था, 1000 यूरो इक्वल टू आपको 100 यूरो मिलता है, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए 25000 यूरो 10000 है और यहाँ पे 15000 यूरो ऐड कर लेना है। आप बोलेंगे सर ये जो 10000 से 25000 जाना है कितना दिन चाहिए, नो सर यहाँ पे नो टाइम लिमिट। एक तो बिजनेस प्लस होते होते जाता है, सेकेंड यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, आप जो भी प्रोफेशन में है, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ है, सब करने के साथ साथ एक दो घंटा टाइम दीजिए सिर्फ जूम में, लोगों को बुलाइए और आप जब भी आपका 25000 यूरो हो जाता है आपका डाउनलाइन में बिजनेस 50-50 में, तो आपको यहाँ पे फिर दोबारा 300 यूरो का आसपास आपको रिवार्ड मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपको रूपी, और उसके लिए 25000 कंप्लीट है, 50000 यूरो का चाहिए होता है और यहाँ पे आपको 500 यूरो का फिर रिवार्ड मिलता है। वही हिसाब से आप जब यहाँ पे 1,00,000 यूरो का बिजनेस होता है तो आपको 1000 यूरो जो कि लगभग 1,00,000 के पास होता है, और यहाँ पे रैंक होता है डायमंड जिसके लिए 2,50,000 यूरो का यहाँ पे बिजनेस होता है और यहाँ पे आपको मिलता है 3000 यूरो। अगर डायमंड की बात होता है आप लोग जानते हैं बहुत सारा कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से ही डायमंड का बात होता है, और हमारा अगर प्लाटिन वाल का डायमंड की मैं बात करता हूं लगभग अगर डायमंड आप कंप्लीट होते हैं तो आपके पास मिनिमम सी रिवार्ड कितना मिलता है, 5,00,000 के आसपास सिर्फ रिवार्ड मिलता है सर। कितना, 5,00,000 के आसपास सिर्फ रिवार्ड होता है स्टेप बाय स्टेप और लेवल इनकम छोड़ के। उसके बाद क्या होता है वो बात सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज तक प्लाटिन वाल का जो डायमंड होता है इतना पैसा इनकम करता है जो आज तक कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में नहीं होता। उसका मतलब है एक बार अगर डायमंड में आप पहुंच गए तो आप ये टोटल नहीं हर महीने 5,00,000 से भी ज्यादा इनकम कर सकते हैं, और वो कैसे, इन्फिनिटी बोनस स्टार्ट हो जाते हैं सर, और नेक्स्ट में बताऊंगा वो कैसे होगा यहाँ पे। तो चलिए डायमंड के बाद यहाँ पे होता है आपका ब्लू डायमंड, और ब्लू डायमंड में अगर कंप्लीट करते तो 5000 यूरो 5,00,000 के आसपास होता है। उसके बाद ग्रीन डायमंड 10,00,000 के आसपास होता है रिवार्ड, पर्पल डायमंड के लिए 20,00,000 और रेड डायमंड के लिए यहाँ पे 80,00,000 के आसपास होता है रिवार्ड। सर आपका माइंड में ये भी आ रहा है सर ये रिवार्ड कब मिलता है, सर मैं बता दूं आपका जो टारगेट है ना, मान लीजिए आप रेड डायमंड कंप्लीट किए कितना हो गया सर आपको 60,00,000 कंप्लीट हो गया यूरो, तो आपको जिस टाइम कंप्लीट होगा ये सब रियल टाइम में होता है। मान लीजिए रात को 2 बजे भी आपको ये टारगेट कंप्लीट हुआ तो रात को 2 बजे भी आपका अकाउंट में 80,00,000 का क्या देगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे
अब रिवार्ड का जो देता है आपको यहाँ पे पी एल सी यू एक्स में देता है सर, पीएलसी एक्स आपको वॉलेट में शो करेगा, आप तुरंत वॉलेट में जाके एक्सचेंज के लेके आप अपना INR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वही हिसाब से अगर मैं बोलूं यहाँ पे लगभग 15 रैंक है सर, कितना सर 50 रैंक है, और टोटल रैंक की इनकम की मैं बात करता हूँ कितना सर 200 करोड़ प्लस यहाँ पे इनकम होता है सिर्फ रैंकिंग में, और ये एक दिन में नहीं होता है, बट अगर ठान लेंगे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि नो टाइम लिमिट है, यहाँ पे लोग 5 साल में कर चुके हैं 200 करोड़ से टारगेट को भी अचीव कर चुके हैं। अगर मैं बोलता हूँ 5 साल में भी नहीं होता है, अगर 15 साल में भी होता है 200 करोड़ तो क्या फर्क पड़ता है, नो टाइम लिमिट है ना, करते जाइए आप अपना प्रोफेशन में रहते हुए। ओके तो चलिए मैं नेक्स्ट जो बता रहा था आपको और क्या यहाँ पे बेनिफिट होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला डायमंड के बाद एक इंफिनिटी बोनस होता है और वो सबसे जबरदस्त होता है और मैं वही दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफिनिटी बोनस लिखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड में 50%, ब्लू में 16%, 17% ग्रीन, 18% पर्पल, 19% रेड, ऐसा करते करते यहाँ पे 23% तक दिया है। और ये क्या है सर, ये एक्स्ट्रा इनकम देता है, उसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कौन सा लेवल इनकम है, आपको यहाँ पे लेवल इनकम बताया था, फर्स्ट लेवल में आपको कितना देता है सर 30%, बट जब डायमंड कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे आपको 15% एड हो जाता है और यहाँ पे देता है कितना सर 45%। आप अगर किसी को डायरेक्ट रिकमेंड करते हैं जो भी टेक्नोलॉजी लेगा उसका 45% आपको यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड लेवल में जो 7% मिल रहा था यहाँ पे 15% एड हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा कितना सर 22% आपको मिलेगा। थर्ड लेग में 3 से लेकर 5 लेवल में 3% मिल रहा था और यहाँ पे 15% एड हो जाएगा और यहाँ पे टोटल मिलेगा सर 18% सर, किसका, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो 6 से लेकर 15 लेवल तक 1% मिल रहा था, यहाँ पे फिर आपको एड हो जाएगा 15% और ये हो जाता है 16%। माइंड में ये भी आ रहा होगा 15 के बाद क्या सर, 15 के बाद 15 ही होगा ना, यहाँ पे अनलिमिटेड लेवल तक आपको 15 लेवल के बाद आपका टीम में, मैं बात करता हूं ना, मैंने 15 लेवल के देखा, आप यहाँ पे है और आप डायमंड है, क्या है सर डायमंड है, 15 लेवल के बाद डायमंड के बाद आपका टीम में कहीं पे भी अनलिमिटेड डेप्थ तक अनलिमिटेड लेवल तक कहीं पे भी ज्वाइनिंग होता है आपको 15% मिलता है। आप बोलेंगे अगर मैं भी नहीं काम करूं मेरे टीम में अगर 1100 यूरो का अगर प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो कितना मिलता है सर, यहाँ पे 150 यूरो, जो कि लगभग कितना होता है सर यूरो में, अगर मैं काल करूं 2 जीरो लगा देता हूं कितना 15,000 प्रोडक्ट में अगर टीम में काम करते हैं तो ये इनकम बहुत जबरदस्त होता है। और आज मैं बोलता हूं 5 लाख से भी ज्यादा लोग इनकम कर रहे हैं, जो लोग डायमंड है एक्टिवली काम कर रहे हैं अपना टीम को यहाँ पे दे रहे हैं सर। तो वही हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था प्लाटिन वॉल में वो लोग काम करते हैं जो लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव रखते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को यूज करना आता है, जैसे कि फोन पे गूगल पे पेटीएम वगैरह होते हैं, उसी हिसाब से आप भी प्लाटिन वॉल में अगर जुड़ के प्लाटिन वॉल कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं तो आपको भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर जानेंगे बिलीफ होगा, अगर बिलीफ होगा तब ना आप यहाँ पे इनकम कर पाएंगे। और ये काम करते करते आज प्लाटिन वॉल में बहुत सारा लोग यहाँ पे इनकम कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे सर। बात यही होता है आप कितना समझते हैं सर प्रोजेक्ट को। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था एक चीज, क्या बताया था सर, कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को कितना समझते हैं सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने यहाँ पे बताया था कि आप अगर प्रोडक्ट को समझेंगे प्रोजेक्ट को तो आप यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका इनकम का, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और मैंने ये भी बताया था मैं जो भी बताऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एजुकेट करने के लिए बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप यस करते हैं या नो करते हैं। आप नो करेंगे फिर भी कंपनी चल रहा है, यस करेंगे सीखेंगे तो आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। मैंने भी 2 साल पहले यहाँ पे काम किया था और मैंने भी यहाँ पे मैं भी काम कर रहा हूँ, ग्रीन डायमंड हूँ, मेरा मिसेस भी काम कर रहे हैं वो भी ब्लू डायमंड है। और यहाँ पे आज कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ टीम को घर बैठे टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे रोज यहाँ पे हजारों रुपया कमा जा सकता है। आप अगर बोलेंगे एक दिन में कितना होता है, अगर परमिशन है तो मैं दिखा सकता हूँ, सुबह से आज तक मैं यहाँ पे बैठे बैठे 1 लाख रुपया कमा चुका हूं। तो यही टेक्नोलॉजी का मजा आता है, इसीलिए आप बिलीव करें या ना करें टेक्नोलॉजी अपने जगह पे इंप्रूव करते जा रहे हैं और लोग टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को इंप्रूव करते जा रहे हैं, अपना लाइफ को सुधार रहे हैं सर।
ओके, तो मेरा काम था आपको समझाना, बाकी करेंगे नहीं करेंगे आपको ऊपर डिपेंड करता है। ओके थैंक यू। अगर करेंगे, यहाँ पे सब सीनियर आपके साथ है, टोटल टीम आपके साथ है आपको सपोर्ट करने के लिए। ओके थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू दीपक सर। अश्विन जी बहुत बहुत थैंक यू। दिन ब दिन जैसे हमारी मीटिंग यहाँ पे चल रही है, वैसे ही आपका प्रेजेंटेशन अश्विन जी बहुत ही यानी कि दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है। आज का प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे प्यारे भारत के लाडले जिनको सब जन एक्साइटेड हो चुके हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, ऐसे हमारे प्यारे मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय जी हम आपको इनवाइट करते हैं। प्लीज आप हमें गाइडलाइन कीजिए। यस सर, आज के मीटिंग में दीपक, पहली बात तो आपने जो अपने अश्विन जी उनको थैंक्स, पूरे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, देने का जो हाथ में लिया हुआ एजेंडा है वो बहुत आगे लेके जाएंगे, और इसके माध्यम से हमारे दिन भी दिन लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या होगा, लोग ज्यादा होंगे और कुछ समय आएगा अपना मीटिंग शॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि जैसे भी कंपनी का अपडेट एक हफ्ते के अंदर स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमको टाइम नहीं मिलेगा इतना लंबा समय देने के लिए, शॉर्ट मीटिंग बनेगी ताकि लोगों को बिजनेस करने के लिए मौका मिलेगा। ये सब से आपको ध्यान देना है, अपने लोगों के लिए इतना ही मौका है, जब तक अभी कंपनी का कुछ अपडेट अपने हाथ में अच्छी तरह से न्यू टेक्नोलॉजी साथ स्टार्टअप होने के लिए जितना टाइम है, उतना ही टाइम आपको यहाँ पे ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ज्यादा लोगों को सुनने को मिलेगा। उसके बाद ये मीटिंग इतना लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि उतना टाइम ही अपने पास नहीं रहेगा, क्योंकि बिजनेस करना बाकी रहेगा, ये चीज को समझना है। तो ये मीटिंग जो भी एक हफ्ता अपने हाथ में है लगभग, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा ज्यादा लोगों को यहाँ पे एंट्री करके ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को यहाँ पे एजुकेट करना है। उसके बाद आज के जो लिस्ट है उसमें संतोष पवार जी का भी नाम वापस लिखना है, क्योंकि वो अभी अभी ज्येष्ठ पर्पल डायमंड बने, उनके लिए मेरा कन्वर्सेशन रहेगा जो मेरा अपडेट के बाद, अपडेशन के बाद उनको थोड़ा सा एक दो मिनट को वक्त देना है, उसका फोटो भी आपको भी शेयर किया, वो भी शेयर करना है। तो ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं जो मेरी तरफ से आप लोगों को जो अपडेट की जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली। तो आज का अपडेट बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा अपडेट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आलेख सर बताते हैं उसी हिसाब से काम बनते हुए जा रहा है, बोले थोड़ा आगे पीछे हो रहा है लेकिन 100% बन रहा है। जैसे आपने देखा होगा कल के हमने बहुत सारा, अगर फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे क्लासिक के बारे में, जो मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको अलग अलग एंगल से सिखाया, आज उसके बारे में मैं इतना बोलूंगा। सबसे अच्छा क्लासिक का रेट आज आप देख सकते हैं लगभग $350 हो चुका है, और कल हम जब मीटिंग ले रहे थे उसमें टाइम लगभग बहुत कम रेट था, यानी 200-225 के आसपास चल रहा था, अभी आज लगभग $350 यानी $100 विद इन 24 घंटे के अंदर बढ़ चुका है, 24 घंटे के अंदर। तो सब लोगों को मेरा इतना ही कहना है, ये क्रिप्टो मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारा वो वीडियो आपने सुना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, हम अभी जो सोच रहे हैं हमारा $80,000 का $100,000 का वो माइनस हुआ है, और वो कब कवर करके जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ उसके लिए डिमांड की जरूरत है, और डिमांड के लिए पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म कंपनी अपने लिए लेके आई है, पूरे वर्ल्ड में उसका यानी उसके जैसा कोई नहीं रहेगा, इसको समझना। जो 5 साल का जो स्टेकिंग का पार्ट है ना अपना, कि इतना बड़ा पार्ट है अपने प्लेटफॉर्म को, अपने प्लेटफॉर्म का एजेंडा आगे लेके जाने के लिए हम सोच नहीं सकते, क्योंकि 5 साल का स्टेकिंग या 10 साल का जो स्टेकिंग कंपनी लेके आ रही है ना, आया है ना, और अभी स्टार्टअप कर चुके हम लोगों ने, उस तरह से अगर आप देखेंगे कि इतना बड़ा डिमांड मार्केट में क्रिएट करने वाला है, क्योंकि इन्होंने एक को नहीं बढ़ाया, यानी खाली क्लासिक का या पुराना अल्टीमा उसके लिए डिजाइन नहीं किया है, इसके ऊपर एक मल्टीपल डिजाइन हो चुका है, अपना एक्स कॉइन का मल्टीपल डिजाइन हो चुका है पीएलसीयू नया का, ये चीज को आपको समझना है। और ये एक दूसरे के जो ऊपर नेटवर्क यानी जो भी कनेक्ट करने के वजह से, या फिर हम हर एंगल से, कोई अगर मैंने 2 दिन पहले की मीटिंग में बताया था, आप अगर वापस सुनेंगे तो भी आपको पता चलेगा, आप क्लासिक में भी पैसा बनाएंगे, हम पीएलसी में भी पैसा बनाएंगे, और हम एक्स में पैसा बनाएंगे, ये चीज को आपको समझना है। हम कहीं भी रहेंगे तो भी पैसा बनाएंगे, सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपडेट के लिए कम ज्यादा टाइम हो सकता है, सर क्लासिक में आप थोड़ा सा जल्दी बना सकते हैं, थोड़ा लेट हो सकता है, पीएलसी में आप थोड़ा जल्दी बना सकते हैं, थोड़ा लेट हो सकता है, नया एक्स में आप थोड़ा जल्दी बना सकते हैं, लेट हो सकता है, लेकिन 100% बनेगा हर जगह पे। यूं अपना 5 साल पुराना जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, जो अपना प्लैटिनम कॉइन, उसमें भी हम सब लोग पैसा बनाएंगे, और वो भी अच्छे लेवल से बनाएंगे। मैंने पहले ही बोला आपको, प्लैटिनम कॉइन इतना आसान पार्ट नहीं है, जो जिसके लिए कंपनी 5 साल दिया, हम जो नया टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो कुछ दिन के लिए कंपनी लेके आ रही है, महीनों के लिए, साल के लिए, लेकिन 5 साल अगर जिस सिस्टम के लिए कंपनी दिया हुआ है वो प्रोजेक्ट छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, जो बड़ा काम करके जाएगा, बड़ा काम करके जाएगा, इस चीज को समझना है। क्योंकि जिसके पास अगर ब्लॉक लिसेस है, जिसके पास अगर प्लैटिनम कॉइन है, और अगर वो मिंट करने के बाद वो अगर मल्टीप्लाई कर रहा है, बहुत लोग है ना उसमें भूल गए, कोई लोग है ना उसका अकाउंट तक ओपन नहीं कर रहे, कोई लोग ऐसा है कि उसको मिंटिंग नहीं कर रहे,
वो लोगों का आज पता नहीं चलेगा, आने वाले समय पता चलेगा क्योंकि हमने कितना बड़ा नुकसान किया, कितना बड़ा नुकसान होने लगा। क्योंकि प्लैटिनम कॉइन में सबसे ज्यादा बेनिफिट क्यों होगा मालूम है, क्योंकि प्लैटिनम कॉइन लोग तो पहली बात तो लोगों को फ्री मिला है, ये चीज को पहले समझना है। प्लैटिनम कॉइन लोगों को फ्री मिला हुआ है और उसके लिए लोगों ने क्या किया, फार्मिंग के लिए पैसा लगा हुआ है, सिर्फ फार्मिंग के लिए। जैसे हम आज भी फार्मिंग के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो प्लैटिनम कॉइन में भी लोगों ने फार्मिंग के लिए पैसा लगाया है जो 10 साल के लिए काम करेगा। उसमें से किसी का 4 साल खत्म हुआ, किसी का 3 साल खत्म हुआ, किसी का 5 साल खत्म हुआ, जो भी रहे, लेकिन बचे हुए साल उसको अभी भी टाइम है क्योंकि उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और वो मल्टीप्लाई करने के लिए मौका कितना बड़ा है, क्योंकि सालों साल उसका इनकम जनरेट होने वाला है, 10 साल तक होने वाला है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हमको ब्लॉक प्लेसेस भी फ्री मिला है, प्रॉपर में मिला, ये चीज को समझना है। बहुत सारे लोग का आज भी कंफ्यूजन है, मैंने ब्लॉक प्लेस कितने लिया, मैंने 1-10 लाख में 2 ब्लॉक लिया, 1-10 लाख में 1 ब्लॉक लिया, ये लोग बात करते हैं। लेकिन आपने 1-10 लाख में या 1-20 लाख में आपने कोई भी ब्लॉक नहीं लिया है, आपने सिर्फ फार्म परचेस किया है और उसमें आपको ब्लॉक प्लेसेस 100% फ्री मिला हुआ है, ये लोग भूलते हैं, ये चीज को समझना है। तो ये सबसे बड़ी बात क्या है, अगर बाकी जगह पे देखेंगे ना, हम अगर कहीं पे दुकान में जाते हैं और वहाँ पे सेल लगेगा ना, तो हम वो सेल के लिए क्या करते हैं मालूम है, जो भी चीजें परचेस करते तो जिसके परचेस करने के लिए जितना पैसा दिया वो ध्यान में नहीं रहते लोगों, लेकिन उसके ऊपर अगर छोटा मोटा प्राइस दिया जाता है ना, वो फ्री दिया जाता है ना, वो ध्यान में रहता है। लेकिन प्लैटिनम कॉइन के बाद में अगर बात करें ना, तो वहाँ पे लोगों को अलग ढंग से सोचते हैं, फ्री मिला है उसको नहीं बोलते, जिसको लिया वो उसका, जिसके लिए पैसा दिया ना वो बात नहीं करते, जो जो फ्री मिला है उसके बारे में तो बात ही नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है, यानी आपको प्लैटिनम कॉइन भी फ्री मिला है और ब्लॉकलिस भी फ्री मिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ आपको, ये सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होगा ना, तो प्लैटिनम कॉइन जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगा जितना बड़ा पैसा जनरेट करके देने वाला है। क्योंकि उसका वैल्यू एक तो फ्री में मिला हुआ कॉइन है, और उसका वैल्यू अगर $10, $20, $50, $100, इसको $1,00,000 करने की जरूरत नहीं है, $100, $200, $500, $1,000 भी बनेगा ना, तो भी आपको मोटा पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी ज्यादा है। या फिर जैसे पॉइंट में कॉइन मिल रहा है, आधा कॉइन मिल रहा है, एक कॉइन मिल रहा है, लेकिन वो आपको क्वांटिटी बहुत बड़ी है, क्वालिटी भले कम रहे, यहाँ पे क्वालिटी है और वहाँ पे क्वांटिटी। तो क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण आप छोटा भी अगर उसका रेट कम ज्यादा करेगा ना, तो भी उसको मल्टीप्लिकेशन इतना बड़ा मिलेगा, यानी 50-50, 100-100 करोड़ भी लोगों को पैसा मिलने वाला है वो ऐसा प्लेटफॉर्म में आने वाले समय, क्योंकि उसको कंपनी उस हिसाब से डिजाइन कर रही है जो आने वाला फ्यूचर रहेगा। जैसा बीच में मैंने आपको बोला 2-3 दिन पहले, हमेशा मीटिंग में बोलता हूँ मैं, सर के साथ जब हमारी पूरी यूनियन कम्युनिटी बैठी थी उस दिन, 15-20 दिन पहले की बात है, जब ऑफिस में हम फोटो भी आप लोगों को शेयर किया था, उसी टाइम सर ने बोला है प्लैटिनम कॉइन को एक स्ट्रैटेजी मैंने इस तरह बनी हुई है। मैं वो स्ट्रैटेजी आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको इतना श्योर बोल सकता हूँ कि प्लैटिनम कॉइन और अपना ब्लॉक प्लेसेस का इनकम जो होने वाला है वो यही साल में 2023 में आपको 8% इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा। ये चीज को आप सब लोगों को समझ रहे हैं, इसीलिए प्लैटिनम कॉइन का अगर किसी ने बोले अकाउंट कहा है कैसा है, तो उसको ढूंढना अभी स्टार्ट करो, एन टाइम भी मत सको, ये चीज को समझना है और उसको सही ढंग से मेंटेन करो, सही ढंग से उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पैसा और लाइफ टाइम बोले तो हमारा जीवन, और पीढ़ी पीढ़ी बोले तो हमेशा के लिए, ये चीज को समझना है। हमेशा हम बोले लोगों को ब्लॉक प्लेस का इनकम हमको हमेशा के लिए मिलने वाला है, ना कि लाइफ के लिए मिला, लाइफ टाइम बोले तो अपना खुद का जीवन। और अगर बात करेंगे हमेशा के लिए, तो पीढ़ी पीढ़ी मिलने वाला है, तो ये चीज को समझना है। बोले उसको लेट हुआ है, लेकिन वो अच्छा और लंबे समय तक इनकम देने वाला है, ये चीज को समझना है। उसके बाद आप क्लासिक की बात करेंगे, इसको मदर करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको मदर करेंसी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं बोलने के लिए इतना बोलूंगा, ये आने वाले एक साल के अंदर होने वाला है, आने वाले एक साल लमसम यानी दिसंबर जनवरी में ये 100% होने वाला है। और मदर करेंसी में कन्वर्ट होने के बाद आप इसको सोच नहीं सकते, जो मैंने बोला था पीएलसी पुरानी पॉलिसी की बात करेंगे, जो हमारा मीटिंग आप बार बार सुन सकते हैं, ठीक है। अभी मार्केट की वजह से उसका रेट कम ज्यादा हुआ है, बोले वैसे हुआ नहीं है, कुछ समय हुआ कुछ समय के बाद नहीं हुआ है, लेकिन गलत कुछ नहीं बोला है, अभी नहीं हुआ है लेकिन आने वाले समय में होगा, क्योंकि उसका डिजाइन जो कंपनी किया हुआ है उस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि हमारा जो नया पीएलसी वो पीएलसी कॉइन नहीं है, ये चीज को आपको समझना है, क्योंकि ये टोकन है, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ टोकन है, पीएलसी कॉइन नहीं है। लेकिन पीएलसी क्लासिक यानी पुराना पीएलसी ये ओरिजिनल कॉइन, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिजाइन किया हुआ है और वो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, उसको सिर्फ वो शिफ्टिंग करके नए ब्लॉकचेन के साथ नए टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्ट करेंगे, बराबर है। लेकिन वो जो ब्लॉकचेन है जो नई टेक्नोलॉजी के साथ जब शिफ्ट हो जाएगा यार, ये मदर करेंसी में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉइन का रेट आपको जैसा मैंने पहले ही बोला है, बहुत सारे वीडियोज में बोला है, बहुत सारे मीटिंग में बोला है, ये $1,00,000 भी बनेगा, $2,00,000 भी बनेगा, $5,00,000 भी बनेगा और $10,00,000 भी बनेगा, लेकिन उसको समय लगेगा, लेकिन बनेगा 100%, ये चीज को समझना है। और ये मेरी कहने की बात ही नहीं है, ये अलेक्स सर की कहने की बात है, अलेक्स सर कंपनी की जुड़ी हुई ये सब सिस्टम की बात है, ये चीज को समझना है। और क्यों बनेगा,
यही कारण, क्योंकि उसको नॉलेज, उनको नॉलेज है वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे, उनको पता है आने वाले समय में क्या करना है, इस चीज को आपको समझना है। क्योंकि जैसे अगर बात करेंगे अलेक सर की बात करते, अलेक सर की अगर पीछे 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले जो अभी जो लो अपना पैनिक मिस चल रहा था उस टाइम की बात करता हूँ मैं आपको। जब अलेक सर के अगर आपने वेबिनार सुने, आज भी आप सुन सकते हैं, नहीं तो मैं कोई ना कोई वेबिनार आपके बीच में लेके आऊंगा फिर वापस, जहाँ पे अलेक सर ने ये बातें कही है। क्या कहा है, उन्होंने बोले आने वाला ये समय रहेगा का PLCU, यानी जो क्लासिक आप बात करेंगे, जो लास्ट वाला ओल्ड पूरे PLCU की बात करेंगे, वो आने वाले समय में जब भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप करेंगे दिन में एक एक दिन में 500, 1000, 2000, 3000 पॉइंट बर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। और हमें अभी एवरेज आज आप लोग को मैंने थोड़ी देर पहले मैसेज ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ये मीटिंग से पहले जो अपनी टेक्निकल टीम से आया हुआ है, तो वो क्या है मालूम है, जनवरी महीने में, अभी जनवरी महीना 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, अभी 31 तारीख लास्ट डेट है, तो कल तक का अपडेट आपने बीच में आ चुका है, लगभग 700, 750, 800 कॉइन पर डे एवरेज की सबसे बात करेंगे, पर डे स्वैपिंग हुआ है। अरे पर डे स्वैपिंग होने के बाद क्या होता है, स्वैप करते हम लोग अगर क्लासिक लेके नया PLCU में तो 100% बर्निंग में जा रहा है। तो 700-800 कॉइन पर डे का एवरेज के हिसाब से ये महीने में अपने कॉइन स्वैप हो चुके, इस चीज को आपको समझना है, 700-800 कॉइन। और अभी तक लोगों को समझने के लिए 15 दिन निकल गए, हम ही सोच रहे थे 15 तारीख तक कितने सवाल जवाब चल रहे थे, लोग का स्वैप करने तो बात अलग ही रहेगा, लेकिन सवाल जवाब के ऊपर ही लोग पड़े हुए थे। आज अभी लोगों को थोड़ा समझना आना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन समझ कितने लोगों का आया मालूम है, 5%, 10% सब लोगों को समझ में नहीं आया अभी तक। जब ये 10% का 20%, 30%, 50%, 100% जब ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो सर अलेक्सा जो बोल रहे ना वही होने वाला है, हजारों में, हजार हो सकता है, डेढ़ हजार हो सकता है, 2000 हो सकता है, एक एक दिन में अपने कॉइन्स स्वैप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बोलेंगे सर आप अभी नहीं हुआ, अभी इतने आगे कैसे होंगे, यही कारण है। दो चीजें, बहुत सारे लोग आज भी समझ नहीं रहे, वो होल्डिंग पे रखे हुए, बहुत सारे लोगों का कॉइन्स लास्ट मोमेंट हमने सब क्या किया था, फार्मिंग परचेस करे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कॉइन लोड करना स्टार्ट कर दिया, और उसकी वजह से अभी कॉइन का जो मेन फ्लो है ना, अभी आने वाले एक साल में पूरा कंटिन्यू रहने वाला, आने वाले एक साल में ज्यादा कॉइन मिंटिंग होकर आते रहेंगे, पूरे मार्केट में ज्यादा कॉइन आते रहेंगे, क्योंकि उस टाइम में ज्यादा लोगों ने कॉइन अपने फार्म में ऑलरेडी अपलोड कर चुके, और उसके वजह से जो मिंटिंग रेशियो चल रहा है, जो अभी एवरेज अगर बात करिए पर मंथ के हिसाब से या डेली के हिसाब से, वो ज्यादा कॉइन अभी मार्केट में आ रहे, और ये रेशियो चलेगा लमसम एक साल तक, और प्रेशर रहेगा मार्केट में, प्रेशर रहेगा क्लासिक का हमेशा कॉइन आते रहेंगे, क्योंकि हम जितना भी बर्निंग करते रहेंगे तो भी मार्केट में कॉइन जनरेट होते रहेंगे, क्योंकि मिंटिंग फैक्टर नहीं रुकेगा, और मिंटिंग फैक्टर को कंपनी खुद भी नहीं रुका सकती। तो जिन्होंने भी अगर जो भी लेवल पे कॉइन, अगर किसी ने 2 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, 50 कॉइन, 100 कॉइन जो भी अगर वहां पे मिंटिंग के लिए छोड़ दिए, तो उसका मिंटिंग होना ही होना है, और वो एवरेज के हिसाब से कंटिन्यू होना है। तो इसके वजह से आने वाले जो लगभग एक साल तक ये मिंटिंग रेशो जो है अपना कंपनी के हिसाब से जो मार्केट में आने का, वो 100% आता रहेगा, और इसके लिए प्रेशर हमेशा मार्केट में रहेगा आने वाले 6 महीने के लिए, आने वाले 7 महीने 8 महीने के लिए, 1 साल के अंदर। तो ये प्रेशर जब तक रहेगा तब तक क्या होगा, मिंटिंग अपना जो हो रहा है उसके साथ साथ बर्निंग भी होता रहेगा जो मार्केट में, और बर्निंग बढ़ता जाएगा, जैसे अभी 700-800 है, आप अगले साल अगले महीने में अगर एवरेज देखेंगे ना, फिर कंपनी की तरफ से आपने बीच में आएगा, फिर आप उसको बढ़ते हुए देखेंगे, फिर उसके आगे बढ़ते हुए देखेंगे, तो ऐसा डेली एवरेज रहेगा मिंटिंग जो है, जैसा आएगा वैसा बर्निंग होते जाएगा, क्योंकि उसके लिए कंपनी दूसरा ऑप्शन रखा नहीं है। एक तो दो चीजें आपके पास, या तीन चीजें बोल सकते हैं हम, एक तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो तीसरी बात है अपन स्वैप कर सकते हैं, ये चीजें होने वाली। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग जहाँ पे होल्ड करने के बाद कितना पैसा बनेगा और यहाँ पे स्वैप करने से कितना पैसा बनेगा, इसका कंपेयर करेंगे, आपके पेपर के ऊपर अगर लिख के लेंगे तब आपको पता चलेगा, 100% पहला पार्ट जाएगा अपना स्वैपिंग के लिए, और सेकंड पार्ट जाएगा अपना होल्ड के लिए, और थर्ड पार्ट जाएगा आपका विड्रॉल के लिए। ये तीन ऑप्शन आपके पास है, लेकिन नंबरिंग यही सबसे रहेगा। क्यों? क्योंकि हम स्वैपिंग करेंगे तो उसका पैसा जनरेट हो रहा है, उसका जनरेट हुए पैसे से हम वापस क्लासिक लेके रख सकते हैं, या नए क्लासिक जब मिंटिंग होकर आते हैं तो उसमें से हम होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन लोगों के पास रहेंगे, और यही कारण अपना क्लासिक का भी रेट मल्टीप्लाई करेगा, PLCU का भी रेट मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि PLCU जितने ज्यादा बर्निंग होते जाएंगे तो PLCU जो है 2%, सिर्फ 2% मार्केट में आने वाले पहले साल, सेकंड ईयर में 5%, उसके बाद 10%, उसके बाद 20%, उसके बाद 100%, यानी ये हिसाब से जो रेशियो निकाला है, वो रेशियो के हिसाब से कंपनी उसके साथ और कुछ ना कुछ अटैचमेंट करती जाएगी। जैसा
अभी जैसा पीएलसी जो 20,000-19,000 डॉलर जो भी चल रहा है उसको आने वाले एक साल में ये कंपनी नए टेक्नोलॉजी के साथ ज्वाइन करेगी, अपने ट्रोन ब्लॉकचेन के साथ ज्वाइन करेगी, वो टाइम पे ये जो टोकन पीएलसी है वो ओरिजिनल कॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो भी नाम कंपनी अभी आने वाले समय आपको बताएगी जो भी रहेगा, और उसमें ये पीएलसी कन्वर्ट हो जाएगा। यानी हम क्लासिक जो बनाएंगे वो मदर करेंसी में बनेगा, वो अलग पार्ट रहेगा, और पीएलसी जो है अपना टोकन है अभी वो एक नए टेक्नोलॉजी के साथ नए कॉइन के साथ कनेक्ट होगा जो ट्रोन ब्लॉकचेन के साथ काम करेगा, वो एक $1,00,000 में कन्वर्ट होगा, वो $1,00,000 में कन्वर्ट होगा। जैसा अभी $20,000 चल रहा है तो एक साल के आज जो भी उसका रेट रहेगा, लेकिन जब भी हम उसको कन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो स्वैप करने के लिए जाएंगे नए टेक्नोलॉजी के साथ, वो $1,00,000 में कन्वर्ट होगा। ये चीज को आपको समझना है, यानी अपना क्लासिक $1,00,000 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये चीज को आपको समझना है। पीएलसी जो है नया वो अपना $1,00,000 में कन्वर्ट होने जा रहेगा जो आने वाले 1 दिसंबर-1 जनवरी में। तो ये चीज आप देखेंगे ना तो इसमें क्या होने वाला है, धीरे धीरे करते करते क्या करेगी कंपनी, जैसा स्टेप बाय स्टेप एक साल के बाद कॉइन एक्स्ट्रा आना मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा पीएलसीयू, तो उसको फिर कंट्रोल करने के लिए नए टेक्नोलॉजी के साथ अगले 5 साल के लिए कंपनी उसको स्वैप करने का एक ऑप्शन रखेगी, जो लोग जाना चाहते वहां पर जा सकते हैं। इस तरह काम बनने वाला था। इसकी वजह से क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ये सब सिस्टम जुड़ी हुई है, जिसके वजह से एक कॉइन की वजह से दूसरा कॉइन, दूसरे कॉइन की वजह से तीसरा कॉइन, तीसरे कॉइन की वजह से चौथा कॉइन, इसका एक दूसरे का क्या होगा, डिमांड क्रिएट करता जाएगा, क्योंकि वो स्वैपिंग के माध्यम से बर्निंग कर रहे हैं, तो बर्निंग करने से वो कॉइन मार्केट में चला जाएगा। जैसा अभी क्लासिक जो भी है वो मार्केट से हटा रहे, और उसके किसके क्योंकि उसका डिमांड क्रिएट करना है, और उसके बदले अपने को पीएलसी दे रहे जो 5 साल में डिवाइड करके आ रहा है, और जो जैसा आ रहा है उसको डिमांड क्रिएट करने के लिए उसको यूटिलाइज कनेक्ट किया हुआ है एक्स कॉइन के लिए। तो एक्स कॉइन को आपको एंट्री करना है या बाहर आना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीएलसी जो नया है वो देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसका यूटिलाइज हो रहा है। फिर उसके माध्यम से फिर पीएलसी जनरेट होते मार्केट में, जैसे जैसे आते रहेंगे, जैसा 2%, 5%, 8%, तो वो जब मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे लेवल पे, फिर उसको डिमांड क्रिएट करने के लिए फिर कंपनी क्या करेगी, उसको $1,00,000 में कन्वर्ट करेगी। तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या किया है, ये पूरा सिस्टम कंपनी कंट्रोल के लिए रखा हुआ है, और यही कारण है यहाँ पे क्या होगा, डिमांड क्रिएट करेगा, और ये डिमांड 100% आम सब लोग, क्योंकि कम्युनिटी जब जितने ज्यादा दिन जाएंगे मार्केट में, जितना ज्यादा दिन समय रहेगा उतना ज्यादा समय में क्या होगा, क्वांटिटी में लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपने डिमांड क्रिएट करने के लिए खाली सिर्फ अपने को कम्युनिटी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए कंपनी को, ना आपका पैसा चाहिए ना आपका कुछ चाहिए। तो ये एक साल आने वाला, एक साल आने वाला, 2 साल यानी जनवरी तक भी खत्म हो चुका है, तो 2023 की बात करते हैं, 2023 और 2024 ये टाइम पे कंपनी आपने लोगों के बीच में इतने अच्छे अच्छे प्रमोशन लेके आने वाली है, इतने अच्छे अच्छे हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 100 करोड़ मिलियन डॉलर या मिलियन यूरो लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों को खर्चा करना है, हम लाएंगे भी और मिलेंगे भी हम लोगों, इस चीज को आपको समझना है। लेकिन ये प्रमोशन इतने जबरदस्त रहने वाले का, यहाँ पे सबको बड़ा पैसा बनने का मौका मिलेगा, और कंपनी को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए हमारे में, कम्युनिटी चाहिए, कंपनी को बाकी कुछ नहीं चाहिए, पैसा आप ही लेके आओ और आप ही लेके जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कम्युनिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी ही कंपनी का मेन ताकत है। जो हम अभी जो सोच रहे हैं, जितने लोग अभी यहाँ पे है उससे कई गुना ज्यादा कम्युनिटी, यानी कंपनी का टारगेट है ये आने वाले 1-2 साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस सिस्टम के अंदर एंट्री होनी चाहिए, ये टारगेट लेके कंपनी मार्केट काम करेगी। खाली पैसे की बात नहीं करेगी, खाली कॉइन की बात नहीं करेगी, तो कंपनी का मेन लक्ष्य आने वाले 2 साल में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम करोड़ों में लोग यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और जो करोड़ों में अगर एंट्री यहाँ पे हो जाती है तो कंपनी के जितने भी प्लेटफॉर्म, जितनी भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी वो बहुत बड़ा हंगामा मार्केट में करेगी, और वही ताकत कंपनी को आगे लेके जाएगी, क्योंकि कंपनी को आपका कॉइन का पैसा, आपका फार्म का पैसा वो नहीं चाहिए, कंपनी को सिर्फ कम्युनिटी चाहिए, जो कंपनी 5-7 साल ये सिस्टम में दिया हुआ है उसमें जो भी कंपनी डेवलप किया है, कंपनी का जो भी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है वो है अपने टेक्नोलॉजी के पीछे जो कंपनी ऑलरेडी लगा चुकी है, और वो टेक्नोलॉजी अभी कंपनी का पैसा बढ़ाने का काम स्टार्ट करेगी आने वाले 1-2 साल के बाद, ये मेन लक्ष्य कंपनी। तो कंपनी के लिए काम करेगी, हम हमारे लिए काम करेंगे, और दोनों को एक दूसरे का फायदा ये होने वाला है, हम सब लोग बड़ा पैसा बनाएंगे। तो इसीलिए मैं बोला यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ करना है क्या करना है, कंटिन्यू रहना है, सतर्क रहना है, और जो भी अपडेट आएगा वो हम खुद के लिए और हमारे लोगों के लिए सिर्फ अपडेट कंप्लीट करके आगे लेके जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे पैसा लगने की जरूरत नहीं है, आप पैसा लगाएंगे पैसा बनाएंगे अलग पार्ट होगा, लेकिन एक्टिव इनकम जैसा कंपनी अभी 90 डेज का प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया था, कंपनी को अपने लीडर्स लोग जो है, जो कम्युनिटी है अपनी जो एक्टिव काम करने वाली,
इनको डेवलप करना है। अगर ये डेवलप होंगे, क्योंकि हमको इन्वेस्टर नहीं चाहिए, आप ये इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतना मिलेगा, आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतना मिलेगा, ये बातें नहीं चाहिए कंपनी को। कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए लीडर्स लोग चाहिए, जो माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज्यादा कंपनी को इस सिस्टम में लेके आएंगे। जितने लोग ज्यादा लेके आएंगे उतना ये प्लेटफॉर्म आगे जाएगा, इतना बड़े लेवल पे जाएगा, क्योंकि वहां से कम्युनिटी अपने को पैसा बना के देने वाली, कंपनी अपने को पैसा बना के नहीं दे रही। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कंपनी सिर्फ टेक्नोलॉजी अपने को दे रही है, और जिस माध्यम से हमारे लीडर्स लोगों को या हमारे जो भी लोग हैं उनको रेफर इनकम पैसा जनरेट कर रही है। कंपनी का एक रुपया भी लेन देन आपने आप ही कंपनी नहीं रखा है, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक कंपनी कॉइन जो आपने हाथ में नहीं रखा है, कॉइन टोटली मार्केट के ऊपर कंपनी दे चुके हैं, और वहां से जो भी लेन देन करेंगे कम्युनिटी आपस में लेन देन करेगी और उससे पैसा जनरेट करेगी। ये इस तरह से पूरा स्ट्रेटेजी बनी हुई है। तो इसके वजह से कंपनी के पास ना कि एक रुपए की लायबिलिटी किसी के पास है, ना कंपनी किसी को एक रुपए किसी का लेन देन करना है, क्योंकि कंपनी कोई भी कनेक्शन रखा नहीं है शुरू से लेके आज तक, और आगे भी नहीं रखेगी। तो इसके वजह से यहाँ पे जो भी पैसा अगर जनरेट करने का काम है तो वो कौन करेगा, कम्युनिटी करेगा, और इसीलिए अपने को कम्युनिटी चाहिए। और ये कम्युनिटी बढ़ाने के लिए जो भी चीजें करनी है वो सब चीजें कंपनी यहाँ पे अभी ये 2 साल के लिए पूरा 100% अपना एफर्ट्स लगाने वाली है। और यही हम लोगों के लिए, जितने भी लोग ये 2 साल के अंदर इस सिस्टम में जुड़े रहेंगे उनके लिए बहुत बड़ा पैसा जनरेट करने का मौका यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो भी अपना क्लासिक के बारे में हम जो बात कर रहे थे, इस सिस्टम को मैं इतना ही बोलूंगा, जैसे मैंने एक्चुअली आपको सब समझाया, कल समझाया, परसों समझाया, हर दिन आपको समझा रहा हूँ। क्लासिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टैकिंग की सबसे कंपनी बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, किसी के पास नहीं, 5 साल लगातार उसमें आपको कोई भी ब्रेक नहीं है, लगातार 5 साल, एक बार आपको काम करना है 5 साल तक इनकम लेते रहना, एक बार आपको स्वैपिंग करना है 5 साल तक आपको इनकम लेते रहना, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको जनरेट किया है। और मैंने कल बोला था आपको, आपने कितना कॉइन स्वैप किया तो कितना पैसा आपको डेली आएगा, उस हिसाब से आपने मैंने बोला था। अभी उसका जैसे जैसा कॉइन का रेट मल्टीप्लाई करेगा ये पिक्चर जो है वो चेंजेस होता जाएगा। आज आप देख सकते हैं, आज कल $200 $225 में काम बनने वाला था, उस पर आज आप $300 $325 देना पड़ेगा। और अगर आगे बढ़ेगा, मैंने 2 मीटिंग पहले की बात है, मैं उसी टाइम पे बोला था यहाँ पे बहुत ही जल्दी क्लासिक थोड़ा सा कॉइन रेट थोड़ा सा कम से कम रेट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो जितना जल्दी होता है उतना स्वैपिंग करना जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग ये था, नहीं अभी ये 0 हो जाएगा, नहीं अभी ये $100 भी आएगा, $100 छोड़ दो, अभी निकल गया $100 ऐड हो गया, तो दिमाग में जो भी आज भी मैं बोलूंगा उसका रेट कम होगा या उसका रेट बढ़ेगा ये सोच में मत रहो। जब भी आपके हाथ में अगर कॉइन का अरेंजमेंट होता है या जब भी अगर आपके हाथ में अगर कॉइन लेने की ताकत बनती है, विद इन सेकंड उसको स्वैप करो, कोई टेंशन मत लो। क्योंकि कुछ लोगों ने $500 में भी लिया है, किसी ने $5,000 में भी लिया है, किसी ने $10,000 $50,000 $100 में भी लिया, $1,00,000 में लिया, वो भी स्वैपिंग कर रही। तो आप ये मत देखोगा अभी एक्सचेंज के ऊपर उसका $2 कम ज्यादा होगा, $50 कम ज्यादा होगा, उसके बाद लेंगे, शायद वो नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर जाएगा तो आज जो 200 है कल जाके 2,000 में लेना पड़ेगा, फिर आपका कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो मैं स्वैपिंग के लिए मैं बोलूंगा जितना जल्दी आप कर सकते हो उतना जल्दी करो, इतना स्वैपिंग करो, और अपना अपने खुद के लिए अपनी फैमिली के जो आने वाला सालों साल की बात करेंगे, जो 5 साल 10 साल की, वहां पे हम अपनी फैमिली को एक सिक्योर कर सकते हैं 100% गारंटी के साथ। यहाँ पे पैसा जनरेट करेगा ये प्लेटफॉर्म जो आपको पर मंथ एडवांस में, ना कि लेट, एडवांस में आपको पैसा देना जनरेट करना है। क्योंकि हम जब भी शॉपिंग करेंगे विद इन सेकंड आपको क्या मिल रहा है मालूम है, विद इन सेकंड आपको आपका महीने का जो भी प्रॉफिट है वो जनरेट करके दे रही, तुरंत जो भी रहेगा तो अपना कॉइन से जो भी रहेगा तो आपको तुरंत विद इन सेकंड करके दे रही, यानी एक महीना एडवांस। कोई दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हम बैंकिंग में जाएंगे कहाँ पे भी जाएंगे, हमको पहले क्या करना पड़ता है, वेटिंग करना पड़ता है 1 दिन 2 दिन 5 महीना 2 महीना ये कह रहे हैं जो भी स्ट्रेटजी रहेगी उस हिसाब से। लेकिन ये वर्ल्ड का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जो भी पैसा अगर वहाँ पे जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे उसका जो भी आपको 2% उसको 12 महीने डिवाइड होकर विद इन सेकंड आपके वही अकाउंट में आपको शो कर रहा है जो आप विद इन सेकंड विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही ताकत को आपको समझना है, यानी उसके लिए आपको वेटिंग नहीं करना है, ना कि वेटिंग रखना है। तो ये हिसाब से आप ये जनरेट करने वाला है, हम तुरंत उसका विड्रॉल कर सकते हैं, अपना खर्चा कर सकते हैं, अपने काम जो भी करना है वो कर सकते हैं, ये चीज को समझना है। उसके बाद बात आती है अपनी बात करेंगे इसके लिए शॉपिंग के लिए। और एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने कल बताया था हम अगर 1 कॉइन स्वैप करेंगे तो अपने को कितना पैसा आएगा, 2 कॉइन स्वैप करेंगे तो अपने को कितना पैसा आने वाला है, या 50 कॉइन या 100 कॉइन या 500 कॉइन अगर स्वैप करें तो कितना पैसा आने वाला है, ये डिजाइन आपको कागज पे लेने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि आप जितना जल्दी स्वैपिंग करेंगे, आज आप देख सकते हैं मैंने कल बोला था 100 गुना से भी ज्यादा पैसा जनरेट करने का मौका था, आज आप ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि $100 बढ़ने से आपको ऐसा लग रहा है कि $100 बढ़ रहा है,
लेकिन $100 नहीं बढ़ाया, $20,000 या $19,000 जो भी काउंटिंग है उसको डिवाइड करेंगे $300 ने, तो उतना परसेंट यानी अगर मल्टीप्लिकेशन कम हुआ है, यानी लगभग मेरे हिसाब से आज के डेट में लगभग 80 गुना यानी 80 गुना पैसा भी जनरेट होगा, यानी 20 गुना पैसा, $100 बढ़ने से आपका 20 गुना पैसा माइनस हो चुका है, 20 गुना। यानी आपको एग्जाम्पल, आपको 1 लाख मिलने वाला था या 20 लाख मिलने वाले थे, तो उसके 20 गुना कितना होगा, 4 लाख माइनस हो गया, ये चीज को समझना है। या 1 करोड़ मिलने वाले थे उसका 20 गुना कितना हुआ, 20 लाख माइनस हुए, सिर्फ $100 बढ़ने से। ये चीज को आपको समझना है, $100 बढ़ने से, $100 इसमें इन करने की वजह से हम जब डिवाइड करेंगे $20,000 को, तो आपका लगभग 20 गुना अपना प्रॉफिट कम हो चुका है, 20 गुना, जो 100 गुना होने वाला था वो 80% हो चुका है, 80 गुना हो चुका है। ये चीज को समझना है, यानी इतना छोटा कैलकुलेशन इतना बड़ा कैलकुलेशन बिगड़ देता है, ये चीज को समझना है, यानी $100 की वजह से। तो ऐसे अगर मल्टीप्लाई होता जाएगा तो अपना उतना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। आज आप समझ सकते हैं, अगर हम एक पॉइंट में अगर 5 गुना 6 गुना पैसा बनने का अगर सामने देख रहे, लेकिन वहां पे हम पैसा भी उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा और उसी हिसाब से मिलेगा, लेकिन 5 गुना 6 गुना से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल में आज भी अगर बात करेंगे, लाइव रेट की भी अगर बात करेंगे, कम से कम 70-80 गुना से भी ज्यादा पैसा जनरेट करने का मौका अपने हाथ में आज भी है। इस चीज को समझना है और क्लासिक के बारे में सोच समझ के आप जितना जल्दी हो सकता है उतना आप अपने ताकत लगा के अपना जो पॉइंट परचेस करके, या आपके पास खुद के पास अगर पॉइंट रहेगा तो स्टॉप करके इतना बड़ा प्रॉफिट का एक हिस्सा बन सकते हैं और आप अपने फैमिली के लिए एक सिक्योर कर सकते हैं। इतना ही बोल सकता हूँ कि अपना फर्स्ट पेज हुआ। सेकंड पार्ट आता है अपना एक्स पॉइंट के बारे में। एक्स पॉइंट के लिए मैंने जो अपना पार्ट है जो स्टेबल के हिसाब से जो कंपनी बोले 100% स्टेबल रहेगा आने वाले 2-3 साल के लिए, और उसी हिसाब से वैसे आपको जनरेट करके देगा। ये बहुत बड़ा मौका है, जब लोगों का भी फोन मिलना स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोगों को मिल रहा है, तो इसके वजह से अभी जो आने वाले हफ्ते में जैसे अभी देख सकते मीटिंग हो जाएगा और एक्स कॉइन का जो अपना डैशबोर्ड वाला वीडियो वाले वो अगर ओपन हो जाता है तुरंत अभी आने वाले एक हफ्ते के अंदर, तो ये प्लेटफॉर्म वहाँ पे हंगामा मचाना स्टार्ट होने वाला है। इस चीज को समझना है, क्योंकि एक्स कॉइन से जब लोग 100% फार्म लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो फार्म में फिर वापस 100% कॉइन भी रखें, तो इससे क्या होगा, मार्केट से कॉइन हट जाएंगे, अपना जो एक्सचेंज है उसका प्रेशर है वो 100% कम होने वाला है। और आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद, आने वाले 2 हफ्ते के अंदर आपको इंटरनल एक्सचेंज स्टार्ट हो रहा है, यानी आपके डैशबोर्ड के ऊपर ही आपका एक आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉइन को एक दूसरे में, जैसा एक्स कॉइन रहेगा या उसके बाद अगर आपका पीएलसी रहेगा जो एक दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कॉइन देके दूसरा कॉइन ले सकते हैं, यानी उसके लिए आपको एक्सचेंज के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे काम कर रही कंपनी, जो आने वाले 2 हफ्ते में, जैसे नेक्स्ट 2 हफ्ते में, पहले हफ्ते में शायद एक्स कॉइन से अपना विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा और 1 हफ्ता और जाएगा उसमें कंपनी का जो टेक्निकल काम चल रहा है, कंपनी का 3 हफ्ते का टारगेट है आने वाले 3 हफ्ते में, लेकिन 2 हफ्ते से लेकर 3रे हफ्ते में इंटरनल एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन विड्रॉल की बात करेंगे तो आपका विड्रॉल जो डैशबोर्ड वाला विड्रॉल है वो आपका जनरेट हो जाएगा अभी नेक्स्ट वीक में, जो अभी सर का मीटिंग हो जाने के बाद आपको तुरंत पता भी चलेगा। ये नया जो क्लोजिंग रहेगा वो क्लोजिंग में हमको ये यूटिलाइज करने को मिलेगा, यानी डैशबोर्ड वाला जो भी अपना कॉइन एक्स कॉइन अगर पेंडिंग है किसी का जो अपना पे आउट करेगा या किसी का अगर जो अपना जो रैंक बोनस का आया हुआ कॉइन है बोनस वगैरह उसका भी कॉइन जो सब है वो विड्रॉल होना स्टार्ट करेगा नेक्स्ट वीक से, जो अभी आने वाले 2-4 दिन के अंदर की बात है। और वहां से हम फार्मिंग भी लगा देंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक अपना ये कॉइन का डिमांड क्रिएट हो जाएगा और वहां से अपना सब लोग जो भी माइंड से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे पैनिक है इसको यूटिलाइज क्या करना कैसा करना उसकी वजह से। तो ये काम तो अभी कुछ दिन की बात है, 2-4 दिन की बात है, तो ये अपडेट जल्दी मिलेगा आपने को। विड्रॉल की बात आते हैं तो डैशबोर्ड से आप लोग को विड्रॉल मिलने वाला है, कंपनी जा कम से कम एक्सचेंज रहेंगे लेकिन ज्यादा काम हम एक्सचेंज पे नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम हमारा 98% काम डैशबोर्ड पे होने वाला है। ये चीज को समझना, यानी जो लोग अगर एक्सचेंज में रहेंगे ना उसको भी अपने डैशबोर्ड पे वापस आना पड़ेगा, वो भी कंपनी ऑप्शन देने वाली, हम डैशबोर्ड का जो कॉइन है वो वापस अपने एक्सचेंज पे ऊपर जो कॉइन है वो भी हम डैशबोर्ड पे ऊपर वापस लेके आ सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके बीच रहेगा और वहां से हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी नए टेक्नोलॉजी जो कंपनी मार्केट में लेके आ रही है, जो आपको कंपनी को टाइम गया है, यहाँ पे जैसा हम अभी स्वैपिंग कर रहे हैं तो स्वैपिंग करने के बाद आपको ना फार्मिंग की जरूरत है ना आपको वॉलेट की जरूरत है, हम डायरेक्ट उसमें स्वैप कर सकते हैं और अपना काम निपट सकते। ऐसे आने वाले कुछ दिन के अंदर, आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन जो कंपनी हम यूटिलाइज करें उसको भी गायब करेगी कंपनी, जो परेशानी है मार्केट में वो भी नहीं रहेगा जो बात करेंगे, तो उसको भी कंपनी हटाने वाली है और उसको डायरेक्ट डैशबोर्ड से कनेक्ट करके बहुत सारी चीजें कंपनी करने वाली है, जहाँ से आपने को बहुत सारा बेनिफिट सबको होने वाला है, बहुत सारी चीजें अच्छी यहाँ पे जनरेट करने वाली है।
उसके बाद अगर बात करेंगे जो अपने यस कॉइन का जो प्लेटफॉर्म है, जो आने वाले बच्चे हुए 19 महीने बाकी, ये चीज को समझना है, 19 महीने सिर्फ अपने हाथ है, हाथ में है कि जब हम फार्मिंग ले सकते हैं यस कॉइन का, उसके बाद आपको 19 दिन महीने के बाद आपको यस कॉइन का फार्मिंग आपको नहीं मिलने वाला, मार्केट में मिलेगा ही नहीं। 2 साल का प्रोजेक्ट था, लगभग 5 महीने अभी कम्प्लीट हो चुके हैं आज के डेट में, अभी अपने पास 19 महीने बाकी है। 19 महीने में जितने भी हम फार्म परचेस कर सकते हैं उसको हम कॉइन लोड कर सकते हैं और उसको अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मिंटिंग के माध्यम से। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आज का जो 31 तारीख है, कल का 1 तारीख है, कल का शाम तक लेट नाइट तक अपना जो प्रमोशन चल रहा है उसका लास्ट डेट है। यानी आज अगर बात करेंगे अपने 11,000 का जो फार्म छोटा सा, उसमें हमने 0.00133 यानी 133 इतना कॉइन रखने का कैपेसिटी मिल रहा है। लेकिन अभी कल नेट नाइट के बाद यानी परसों सुबह से अपने को ये कॉइन 11,000 का जो फार्म है उसमें सिर्फ हम 0.001 इतना ही कॉइन रख सकते हैं, इतना ही कॉइन रख सकते हैं, ये चीज को समझना है। यानी ऊपर का 33 वो माइनस हो जाएगा, यानी हाफ साइज हो जाएगा, जैसा 2 कॉइन ये कॉइन के बदले आधा कॉइन एग्जाम्पल, तो इसी हिसाब से अभी अपडेट होगा 2 तारीख से सुबह से, यानी 1 तारीख लेट नाइट से। तो लास्ट डेट है हमारे लिए आज का, कल का लास्ट डेट है, यहाँ पे हम फार्मिंग परचेस कर सकते हैं और हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि कॉइन रखने का अगर कैपेसिटी कम हो जाता है तो कॉइन कम रखेंगे और उसको प्रॉफिट जनरेट करेगा तो वो उस हिसाब से आएगा जिससे हम कॉइन रख सकते हैं। तो कॉइन की कैपेसिटी अगर कम हो जाएगी तो उसका आधा हो जाएगा, तो आपको जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो भी माइनस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो ये चीज को समझना है, क्योंकि हमारे लिए जो प्रॉफिट जनरेट करने का मौका है एक कॉइन में सिर्फ फार्मिंग है, ना कि कॉइन है, क्योंकि कॉइन का रेट फिक्स है। कॉइन का रेट क्या है, ऐसा नहीं कि आपने अभी $1,00,000 में कॉइन लिया वो बाद में $1,25,000 होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, या $1,10,000 होगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसका रेट फिक्स है। तो यक्स कॉइन को अगर आपको जनरेट पैसा जनरेट करना है, मल्टीपल पैसा अगर जनरेट करना है, तो एक ही कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फार्मिंग है। फार्मिंग के सिवा आप यक्स कॉइन में पैसा बड़ा नहीं बना सकते या मल्टीपाई नहीं बना सकते। तो फार्मिंग अगर आपको माइनस हो जाता है या माइनस अगर फार्म की कैपेसिटी कम हो जाती है तो कॉइन तो आपको लाइव रेट से लेना है $1,00,000 से और उसमें रखना है, तो जितना कॉइन बैठेगा उसका आधा कॉइन अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से आगे आप जाएंगे तो उसका और कम कम होता जाएगा, ये सब समझ आ रहा है। यानी आपके पास अगर कॉइन ज्यादा है तो रेट तो फिक्स है, तो कॉइन के ऊपर डिपेंड है, यानी कॉइन को कहाँ से बनता है, फार्म के माध्यम से, और फार्म कॉइन मिंट करके देता है, इसीलिए आपको कॉइन का क्वांटिटी बढ़ने वाला है। तो कॉइन का क्वांटिटी अगर बढ़ाना है तो उसके लिए फार्म की साइज ज्यादा होनी जरूरी, फार्म की कैपेसिटी ज्यादा होनी जरूरी, ये चीज को आपको समझना है। जब तक फार्म की कैपेसिटी आपके पास ज्यादा नहीं रहेगी तो आप मल्टीपल बेनिफिट या ज्यादा बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आज मैं इतना ही बोलूंगा, आप कॉइन नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन कम से कम ज्यादा से ज्यादा फार्म लेके रखना है। जितने ज्यादा आपके पास फार्म रहेगा, बाद में आप कॉइन का रेट तो बढ़ने वाला है नहीं, जैसे अपनी पीएलसी क्लासिक की बात करेंगे, कोई किसी ने $80,000 पे लिया, किसी ने $50,000 पे लिया, किसी ने $1,00,000 पे लिया, ये बात तो यहाँ पे होने वाली नहीं, क्योंकि एक कॉइन आप आज भी लेंगे तो भी $1,00,000, आने वाले समय में लेंगे तो भी $1,00,000 है, तो कॉइन का रेट नहीं बढ़ने वाला है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, फार्म का साइज कम होते जाएगा और भी कम होने वाला है, अभी जो कम होगा उसके बाद भी कम होने वाला है, ये चीज को भी समझना है। तो कल के डेट में जितने चांसेस है, जितना आपका कैपेसिटी है, उतना ज्यादा ज्यादा कॉइन कल के डेट में लेना, सॉरी फार्मिंग कल के डेट में ले सकते हैं, उसके बाद जो भी नया प्रमोशन आएगा उसके भी साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज को समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपना कल का दिन है और वहां पे हमको क्या करना है, जो भी चीजें करनी है वो सब कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं ये भी बोलूंगा, कल का मीटिंग आलेख सर का रहेगा तो अच्छी बात है, हमारा मीटिंग भी कल का बदले हम परसों रखेंगे, मेरा ये भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कल अपने को लोगों को नुकसान नहीं करना है। कल अगर हमारा 5 साल कम्प्लीट हो रहा है तो कल के दिन हम छोड़ के परसों के दिन मीटिंग लेते हैं, ठीक है। मेरा कितने लोगों का ऐसा कहना है कल के बदले परसों मीटिंग लेना है, जरा हैंड रेस करेंगे, जो अपना 5 साल कंप्लीट होने वाला जो मीटिंग है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा चलेगा, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्लोजिंग का टाइमिंग पीरियड है वो, हम कल का मीटिंग अगर आलेख सर का होगा तो कल का हमारा मीटिंग नहीं होगा, और आलेख सर का अगर मीटिंग नहीं होता है तो हमारा मीटिंग होगा लेकिन शॉर्ट में होगा, क्योंकि ज्यादा लंबा समय हम कल नहीं लेंगे, क्योंकि सबको क्लोजिंग करना है। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है, तो मेरा भी दिमाग में वही आया, क्योंकि जो क्लोजिंग की हिसाब से बात करेंगे हम अगर यहाँ पे 2-4 घंटा जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे और डिस्टर्ब भी रहेंगे। तो हम जो 5 साल कंप्लीट हुआ जो मीटिंग 11 कल 1 तारीख है, कल हमको कंप्लीट हो रहा है, तो हम 2 तारीख को नए सुबह के साथ एक नए टेक्नोलॉजी के साथ जो भी अपने पास आएगा, तो दोनों काम बनेगा, जो नया प्रमोशन रहेगा उसको भी प्रमोट करेंगे और मेरा जो अपना 5 साल कंप्लीट हुआ जो अपना लोगों का जर्नी के साथ हम बात करने वाले, तो उसको हम 2 तारीख को रखते हैं, कल के दिन हम छोड़ देते हैं, क्योंकि कल के दिन सब लोग डिस्टर्ब रहेंगे, अपने अपने काम में रहेंगे, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना अपने को, तो कल क्लोजिंग कर लेते हैं और परसों के दिन हम उसको अपडेट करते हैं जो मीटिंग के लिए, तो ये भी सही रहेगा सबके लिए। उसके बाद अगर बात करेंगे अपना
ये स्टोन के बारे में जो मैंने बोला का प्रमोशन बहुत कीमती है और उसमें से हम जो भी चीजें कल के दिन में हम अपडेट करेंगे तो ज्यादा ज्यादा लोगों का उसको फायदा देने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारे जो संतोष जी, उनको मैं फिर वापस मीटिंग में कंसल्टेशन करता हूँ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको उन्होंने सुना भी था, आपको आप लोगों ने उनको सुना भी था, दो तीन दिन पहले की बात है। फिर वापस उनको थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे हम क्योंकि उसको एक अच्छा अचीवमेंट बोले तो आज के रेट में उन्होंने 20 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा इनकम उनका अभी जनरेट हुआ है, 20 लाख रुपीज यानी 40 लाख का टोटल उनका इनकम था, उसमें से आज अभी उनको 20 लाख रुपीज वापस इनको बोनस यहाँ भी जनरेट हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए और उनके लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही बहुत सारे लोग है दिन में दिन तरक्की करते जा रही है, बहुत अच्छे उनको इनकम जनरेट होते जा रहे, तो एक बहुत खुशी की बात है। उसके वजह से हम उनको पहले सुनेंगे, उसके बाद हम आगे मीटिंग को लेके जाएंगे। तो मेरे तरफ से जो भी अपडेट था, मेन अपडेट जो भी था वो आज के दिन में मैंने आपको दे चुका हूँ। बाकी कुछ अगर नया अपडेट अपने बीच में आएगा तो मैं फिर वापस उसको लेके आऊंगा आपके बीच में रखने के लिए कल की मीटिंग में। साथ साथ हमारा जो मैंने कल बोला था 50 जो सीट से उसमें जो भी कुछ बाकी अभी ज्यादा तो लोगों का अभी आया नहीं, 5-6 लोग ही आ जाए तो बाकी लगभग 40-45 सीट अभी भी बाकी है जो हम इसमें क्रूज में एंट्री कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे क्रूज में एंट्री करनी है, उसमें आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज वहाँ पे जनरेट होगी, बहुत सारी चीजें मिलने वाली, मैं वही बताऊंगा बार बार। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मीटिंग में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने प्रोग्राम में एंट्री करेंगे तो वो लोग आने वाले 2 साल में बहुत सारा पैसा बनाएंगे। इतना ही बोलता हूँ और यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू। और उसके बाद जो भी आज के गेस्ट है लेकिन अभी वो नहीं है और उनका फोन भी थोड़ा आउट ऑफ कवरेज है, बाकी के लोगों को लो ना, वो आएंगे तब लेंगे। ठीक है। ओके सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज इतना अच्छा गाइडलाइन किया जो कि आज हमारी मीटिंग में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और ज्यादा जो हमारी डेली की मीटिंग रहती है सर, तो इसमें 400-500 लोग रहना डेली, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो अपना वीकली मीटिंग रहता है सर उसमें भी बाकी के इतने लोग कभी रहते नहीं बाकी के लीडर्स के, लेकिन हमारे इतने जुड़ रहे हैं लोग, 500-500 प्लस डेली अटेंड हो रहे हैं। तो सच में आपने ये जो सीरीज स्टार्ट किया था सर, जो आज 31वां दिन इसका है, तो सच में इससे सच में अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि ये सच हो रहा है। और आप आज आपने जो अपडेट दिया है सर, मैं 1 मिनट में सबको वहां पे बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पे नौकरियां मिलने नहीं वाली क्योंकि सब रोबोटिक्स होने वाला है। दूसरी बात, 1,000 करोड़ यूरो का टर्नओवर यहाँ पे डियर अलेक्स हमारे करने वाले हैं, तो इससे हमारे सभी पार्टनर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और सर ने आपने ये बताया कि PLCU क्लासिक ये अभी ग्रोथ हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं 24 आवर्स में इसका $100 बढ़ चुका है, यानी कि यहाँ पे हमने बहुत सारा नुकसान कर दिया। तो सर ने ये भी बताया कि आप जितना जल्दी और जितना ज्यादा से ज्यादा आपको जितना हो सके वो PLCU क्लासिक आपको यहाँ पे स्वैपिंग करना है और परचेसिंग जो है PLCU X इसका जल्द से जल्द कल हो सकता है अगर हुआ तो, लेकिन जल्द से जल्द अपने डैशबोर्ड पे PLCU X से अपन परचेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और विड्रॉल का भी बोला है सर ने, अगर PLCU X का विड्रॉल चालू है, अगर किसी को कम्युनिटी को मेरे जरिए भी विड्रॉल यहाँ पे हो सकता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सर करने वाले। और सबसे अच्छी बात सर ने ये बताई यहाँ पे, जो कि अभी अर्निंग करने वाला प्रमोशन चालू है PLCU X का, जो कि हमारे पास अभी 19 महीने ही बाकी है, जो कि हम PLCU X का फॉर्म लेके यहाँ पे मनी अर्न कर सकते हैं। और सबसे लास्ट डेट है 1 फरवरी, जो कि PLCU X के फॉर्म ज्यादा मिंटिंग कैपेसिटी से मिल रहे हैं, तो हम 1 फरवरी तक कल तक जितना ज्यादा है वहाँ पे परचेस कर सकते हैं, लेकिन 2 फरवरी से वो 50% कम हो जाएगा। और 1 फरवरी का जो सर को 5 साल हो रहे प्लैटिनम नोड को, ये मीटिंग अपनी कल की जो है कैंसिल कर दी क्योंकि कल डियर एलेक्स की रहेगी, तो हम उसके बाद में परसों वो लेने वाले, हम उसका शेड्यूल आपको बता देंगे। और 4 मार्च का कन्वेंशन को आपको मालूम है, आर्य वंडर की तरफ से सर ने वहां पे एक पैकेज दिया है, तो आप सभी को वहां पे इन्वाइट किया है कि आप आइए। ये सब अपडेट हमने सर से आज सुना है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और संतोष कौर जी अभी हमारे बीच में नहीं है, तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो
जो अमल क्षीरसागर सर है उनको हम वानर सेना बोलते हैं, जो कि राजेंद्र उपाध्याय जी श्रीराम है, तो उनके टीम से आज आ रहे हैं लाला उइके। तो लाला उइके मैं आपको यहाँ पे आया अनम्यूट करता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी रहते हुए सिर्फ आपने 10 मिनट में खत्म करना है। तो लाला उइके वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सर। मैं मिस्टर एलेक्स रेनॉल्ड्स सर का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है सर? क्या सर, क्लियर आवाज है सर आपका? सर मैं मिस्टर एलेक्स रेनॉल्ड्स सर का सर खूब खूब धन्यवाद करता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है सर 140 देशों में सर, क्या मैं उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ सर। और मिस्टर इस भारत में लाने वाले मिस्टर उपाध्याय सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने इस देश में नहीं लाते रहते तो मेरे जैसा जो मैं इस सिस्टम से दूर दूर तक नहीं कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सर मैं कम से कम 16 से 17 साल ड्राइविंग कर रहा था सर, 16 से 17 साल से 6,000 या 7,000 रुपए से मैं मेरा घर चला रहा था, और मेरी जिंदगी इतनी खराब गति से चालू थी क्या, 2 टाइम खाने से सिवाय और कुछ नहीं मिल रहा था, और जिंदगी में काटना चालू था, जगना कुछ नहीं चालू था। और कुछ दिनों के बाद हमारे मिस्टर सूरज वाघमारे सर, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी के बारे में फेसबुक में वो टेक्नोलॉजी डाले, और उन्होंने लिखा कि मैं दुबई में एक ऐसी टेक्नोलॉजी सीखा हूँ क्या, उस फेसबुक के माध्यम से मैंने देखा, और देखने के बारे में मुझे पता लगेगा इस टेक्नोलॉजी में कुछ तो भी अलग है करके। और मेरे सूरज सर ने मुझे, मैं एक पांटले पे बैठा था और उन्होंने बोले कि चल अमोल सर के घर में, वहां पे एक टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज बताता हूँ करके। मैं गया वहां पे अमोल सर के घर में, और वहां अमोल सर ने मुझे इस चंद्रपुर शहर में, अमोल क्षीरसागर सर ने ये टेक्नोलॉजी शहर में लाई, उनके घर में गया मैं और उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा ऐसा सिस्टम है करके। मुझे कुछ उतना समझ में नहीं आया, पर थोड़ा सा मैंने कुछ तो भी समझा, और मेरा बड़ा भाई मनोज सोदारी जो इस सिस्टम में है, वो उसकी पढ़ाई बहुत होकी है, तो उसको मैंने बताया कि भाई देख एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, मेरे दोस्त ने बताया, तू चल मेरे साथ और बता कि वो टेक्नोलॉजी सही है क्या नहीं। हम दूसरे दिन और गए, वहां पे जाने के बाद पता चला क्या, जो अमोल सर है मेरे भाई के दोस्त निकले, और सूरज सर मेरे दोस्त निकले। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी बताने के बाद हमने घर में आए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1 महीने पहले एक टेक्नोलॉजी खरीदे थे और उस टेक्नोलॉजी में हम फंस गए थे, क्योंकि हम अवेयरनेस की दुनिया में जग रहे थे, क्योंकि हमको कुछ जिंदगी काटना नहीं था, जगना था। और एक बिजनेस किए थे, उसका नाम था फार्मासिटी। हम 1 ही महीनों में 3 बिजनेस कर रहे थे, पर मेरा भाई बोले कि अपन देखते हैं करके, 1 तो बिजनेस सक्सेस मिलेगा, और 2 बिजनेस उस 1 महीनों में फ्लॉप हो गया, और हमारा बिजनेस जो है प्लैटिन वर्ल्ड आज इतना जबरदस्त ग्रोथ किया कि सर मैंने 9 महीने में इस सिस्टम में डायमंड अचीवमेंट किया है सर। और मुझे समझ में आया क्या, इस सिस्टम के साथ मैं आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोच सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 6,000 या 7,000 रुपए कमाने की थी, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है कि बेटा ये अपना काम नहीं है बिजनेस करना, अपना काम सिर्फ एक ही है, सिर्फ नौकरी करना। क्योंकि मुझे घर से संस्कार ही मिले हैं कि बेटा अपना नौकरी करना है, बिजनेस करना अपना काम नहीं है। मेरे पापा के पास पैसे हो के भी मैंने पापा से मांगा था कि भाई मेरे को पैसे दो, मैं बिजनेस करता हूँ, पर वही जो अपना सिस्टम रहता है, मेरे पापा रिटायर्ड हो गए, अकाउंट में पैसा था और धीरे 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 वो अकाउंट से पैसा खत्म हो गया। खत्म होने से कारण मैं ड्राइविंग करने लगा और अपना घर चलाने लग गया। उस सिस्टम को ढूंढते ढूंढते मेरे को एक सिस्टम मिल गया जो मैं थोड़ी सी शुरुआत करके और अपना ये नहीं क्या जीवन बिता सकता हूँ। तो उतने में मेरे पास 2 सिस्टम डूब गए थे और तीसरा सिस्टम के लिए पैसा नहीं था, तो मेरे पास एक ही था, ये मेरी माँ। मेरी माँ के पास गया मैं, माँ को बोला कि एक सिस्टम आया है मेरे पास, एक बार मेरे पास भरोसा कर अपना जीवन बदल जाएगा। उस दिन बोले ठीक है, पप्पा तो नहीं बोल रहे थे मत दे इसको करके, पर मम्मी ने बोली बड़ा दिल करके ये ले करके, उसने अपने गले का मंगलसूत्र मेरे हाथ में रखा और जा करके मैंने उस मंगलसूत्र को गिरवी रखा, और सर जी उस टाइम पे $20,000 चलता और मैंने 55,000 का लोन किए थे, और 1 महीने के बाद मेरे बोला गया ज्यादा से ज्यादा 70,000 या 75,000 रुपये महीना आएगा। मुझे सर जी कम से कम 1.5 लाख रुपये महीना आया था, और इस सिस्टम से
समझ में आ गया भाई मुझे इस सिस्टम में काम, बोले तो पूरे जोर शोरों के साथ करना है, मेरे को पैसिव इनकम में नहीं रहना है, एक्टिव इनकम करना है, ये तो मेरा पैसिव इनकम है, आज ना कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पर मैं बन गया टेक्नोलॉजी से, मेरे को इस ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और टेक्नोलॉजी को सेल करना है बस, और कुछ नहीं करना है, मेरे को एक गिनीज बुक रिकॉर्ड करना है क्या कुछ, जैसा मैंने 9 महीने में डायमंड अटैचमेंट किया, तो मेरे को 3 महीने में 2 महीनों में अपने बलबूते पे मेरे नीचे वाले अपलाइन को उनको अचीवमेंट करना है, क्योंकि उनका सक्सेस एक बार हो गया तो मेरा सक्सेस ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं मिस्टर उपाध्याय सर का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, अमोल सर का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, हमारे सूरज सर का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, और मनोज सोदारी जो मेरे बड़े भाई है उसका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ, क्या इस सिस्टम के साथ मुझे लाए और मेरी जिंदगी की सोच बहुत बड़ी करके दी, कि जो मैं 7,000 रुपए से कमाता था आज करोड़ों में खेल रहा हूँ और करोड़ों कमा रहा हूँ। इस सिस्टम में मेरी डायमंड रैंक अचीवमेंट हो गई 9 महीने में, आज लास्ट दिन है, मैं 1 फरवरी 2022 को जुड़ा था, आज 2023 चालू है, 31 तारीख, मेरे को पूरा 1 साल हो गया इस सिस्टम में जुड़ के, मैं इतनी बातें बोल के धन्यवाद करता हूँ। सर थैंक यू, बहुत अच्छा आपने गाइडलाइन किया, सब जो भी आपने जर्नी बताई, और सही में आप अच्छे तरह से काम करें हम सर के माध्यम से, अपने कमेटी के माध्यम से, मैं इतना ही बोलूंगा जो अपना प्लेटफॉर्म जो आपने मन में ठान लिया है अगर वो करते रहेंगे तो आप कब ट्रिपल प्लेटिनम डायमंड बनेंगे, और कंपनी का 200 करोड़ का जो अचीवमेंट है वो आपके झूल में लेके जाएंगे, मैं इतना आपको श्योरिटी देता हूँ। सिर्फ आप जिस जोर से काम करें, जिस सोच से काम करें, वही सोच अपना हमेशा रखना, बाकी कुछ नहीं देखना। थैंक यू सर। लाला उके सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको, सच में एक बात कहूंगा कि आपको सच में बहुत अच्छे अपलाइन लीडर मिले हैं, जो कि अमोल सर है, वो सबका ख्याल रखते हैं, आप जल्द से जल्द आपका जो मुकाम है वो हासिल करोगे, और मिलते हैं जल्दी दुबई में। ओके, और हमारे जो नेक्स्ट आगे वाले जो गेस्ट है वो यानी कि हमारे बड़े भाई कंटिन्यू मिस्टर राजेंद्र जी को सपोर्ट करते है, वो उनकी छाव बन के हमेशा उनके साथ रहते है। अगर हाँ आज भी राजेंद्र जी दुबई में है, लेकिन हमारे बड़े भाई नासिक में रहते हुए भी उनको हमेशा सपोर्ट करते, उनको ऐसा ही नहीं बिजनेस में भी नहीं लेकिन पर्सनल लाइफ में भी वो हमें सपोर्ट करते, और हम उन्हें देख के उन्हों को फॉलो करते। ऐसे हमारे बड़े भाई जो कि सच में एक ग्रेट लीडर है, यहाँ पे मैं उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ, मिस्टर नंदकिशोर शिरोडे सर, तो आप यहाँ पे अनम्यूट है, आप आपकी जर्नी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दीपक भाई, सही में आज मेरे को जो मौका दिया, ये मौका सही में रंग लाने वाला है, क्योंकि राजेंद्र सर जो लेके चले हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना भाई, आप आगे चलो हम तुम्हारे पीछे हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले अनेक सर को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरे देशवासियों को जो उनका सच था वो उन्होंने हमारे सामने रखा, और उनके साथ साथ हमारे राजेंद्र जी जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, इन्होंने जो हमें उंगली लेके सिखाया, और जो उंगली लेके जो सिखाया वो उसके बाद में जो हमने चलना सीखा, तो मेरा जर्नी मैं शॉर्टकट में बताता हूँ सर जी। मेरे को भी 1988 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो काम ये हमें मिला है ऐसा काम हम जिंदगी भर कभी नहीं देखे थे, क्योंकि हम नॉन बैंकिंग सेक्टर से काम करने वाले लोग थे, हमको ये टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था, लेकिन ये नॉलेज हमारे बड़े भाई तो नहीं लेकिन मेरे से छोटे होने के बावजूद भी जो हमें उंगली लेके जो चले हमारे राजेंद्र उपाध्याय सर, इन्होंने हमको मेरा जर्नी 3 अप्रैल 2020 में मैं ज्वाइन हुआ था, अप्रैल में मेरा जो ज्वाइनिंग हुआ, तो उस टाइम में दोपहर में 3 बजे का जूम मीटिंग होता था, दोपहर में 3 बजे का मीटिंग और रात को 7 बजे का मीटिंग, ये दोनों मीटिंग हम लोगों को शेयर करते थे, और मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने का इरादा करते थे, और जब वो लोग आते थे तो उनको टेक्नोलॉजी का बहुत से नॉलेज न होने के बावजूद वो सुन तो लेते थे, लेकिन बाद में उनको हमें दोपहर में जितना भी टाइम मिलता था वो फोन से हम उनको कांटेक्ट करते थे, और उनको पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते थे, हमको जो भी कुछ दिक्कतें आती थी तो हम राजेंद्र सर को बोलते थे, और वो उनका जो भी क्वेश्चन रहता था वो सॉल्व हो जाता था। जब हम सर के पास में जाते थे तो हमें कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा वो प्लान प्रेजेंटेशन होता था,
क्योंकि जिसको पूरा ए से लेकर वो झेड तक जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। लेकिन उनका एक तरीका है, भाई ए से लेकर वो झेड तक जब सिखाएंगे तभी हम सीखेंगे। तो सीखने के बाद में हमको जब हम सीखे बाद में हमको पीछे देखने का हमको यही राय नहीं, क्योंकि जब भी काम करने का जब मौका मिलता है तो काम करते रहो, ऑटोमेटिक अपना काम बनते जाएगा। दोस्तों बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्या होता है टाइम पे बोलने का, और उसमें भी जो लोग आज जो दास साहब अश्विन दास साहब जो अपने को प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो प्लान प्रेजेंटेशन जब भी अपन जब लोगों को बताएंगे तो एक ही बोलता हूँ, जब अपन जो लोगों को बताएंगे दो लोग तीन लोग हर आदमी कभी ये प्लान प्रेजेंट के इसमें लेके आते हैं तो अपना हजार का आंकड़ा और पास हो जाएगा। दोस्तों बात तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है लेकिन काम करने का जब टाइम आता है तब अपने को सोचना पड़ता है वह काम कैसा होगा। लेकिन अश्विन दास हो, राजन उपाध्याय सर हो, हमारे बालेवर साहब हो, आशीष वानखेड़े हो, उसके बाद में अली पटेल साहब, इन्होंने भी जो कारवा बनवाया है तो ये हमारे साथ के लोग है, ये इन्होंने नॉन बैंकिंग में काम करने वाले लोग थे, इन्होंने इतना सिलसिला लेके चल रहे है, सबको लेके चल रहे है, और ये जो काम हो रहा है ये सबको लेके जब चलते है तभी काम होता है। दोस्तों एक ही बोलता हूँ क्योंकि आज अपन जो भी ये हमारे सामने जो भी दिक्कतें आई थी वो पूरी सॉल्व हो चुकी है, और जो सॉल्व राजेंद्र सर ने किया है उसके बाद में हमको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मौका अपने को मिला हुआ है, जैसा अपन बोलते हैं ना अमृत का घड़ा आपके सामने रखा हुआ है, उससे अपने को कितना मत लेना है ये आपके ऊपर है। दोस्तों मैं ज्यादा बात न करते हुए मेरे को जो चांस दिया मैं यहाँ पे दो शब्द में खत्म करता हूँ, और थैंक्स करता हूँ राजेंद्र सर का जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, मेरी पूरी फैमिली उन्होंने चेंज कर डाली, ऐसे उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और दीपक सर ने मेरे को बोलने का मौका दिया उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सर। यस सर, सुरेश सर आपका सही में बहुत अच्छा यहाँ पे अपडेट है, और सबसे बड़ी आपका मेहनत रंग ला रहा है क्योंकि आज आप इस सिस्टम को बहुत अच्छे अच्छे लीडर आपके माध्यम से मिले, आपका खुद का भी तरक्की कर रही है, आपके लोगों की भी तरक्की हो रही है। जैसा एग्जाम्पल बात करेंगे, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जब जुड़े तब कोरोना का माहौल था जो अभी आपने बताया, और वो माहौल पे आप घर पे आते थे, जब कोई आने को भी अगर नहीं दे रहा था तो भी आप आते थे, सबसे बड़ी बात। और यही काम अगर बात करेंगे तो आपकी वजह से आज आप चाहे बालेराव सर जो भी है, आज आप सब आपके बाहर वाशी सब आपके उनको पहचान थे, लेकिन उनके स्पॉन्सर आप है, यानी उनको आपने ज्वाइन किया है, तो यानी आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं सब लोग यहाँ पे का शिवड़े सर ज्वाइन किया, और उनके साथ उन्होंने सिर्फ एक लिंक दे के अगर बालेराव सर को यहाँ पे ज्वाइन किया, और उनके दोनों की मेहनत की वजह से, उनके खुद की मेहनत की वजह से आज यह सिस्टम के अंदर ब्लैक डायमंड भी बन चुके और पूरी दुनिया के लोग उनको पहचाना भी स्टार्ट कर चुके। तो एक छोटी सी चीज है का किसी को हम अगर हाथ देते हैं, किसी को अगर हम सहारा देते हैं, किसी को अगर हम साथ में लेके जाते तो क्या हो सकता है। तो इसके वजह से आज बालेराव सर और बालेराव सर के माध्यम से फिर बाकी बहुत सारे लोग है, जैसे अली बड़े सर है, आशमी वानखेड़े सर है, या बाकी बहुत सारे टॉप लीडर्स की अगर बात करेंगे जो लिस्ट है, हम यहाँ पे नाम लेने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इतना बड़ा काम ये एक छोटी सी चिंगारी काम कर सकी ऑलरेडी मेरे साथ शिरोडे सर ने की थी, जो चिंगारी उन्होंने लगाई, और उसके बाद ये एक से बढ़कर एक तोप जैसे बड़े बड़े मेहनत करने वाले लीडर्स इसमें अगर इस सिटी में आए, और आज पूरा इंडिया का नक्शा हम लोगों ने चेंज किया, और उसकी वजह से उनका खुद का सबका भी लाइफ चेंज हो चुका है, उनके साथ साथ लोगों का भी लाइफ चेंज हो चुका है, और आने वाला समय बताएगा ये हिस्ट्री बहुत बड़ी क्रिएट होने वाली जो हमारे इंडिया के लिए कमरे के काम कर रही है। तो थैंक यू सर, आपने सही में एक अच्छा काम किया। उसके बाद अगर बात करेंगे नेक्स्ट, शिरोडी सर बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको देख के फॉलो करते हैं, और सच बोलने को आप दीपक भाई बोलने को बहुत कुछ था लेकिन वो बोलते ना क्योंकि अभी इतना टाइम हो चुका है और लोग बैठे हुए हैं, लोगों को ज्यादा अपने को सुनना है, क्योंकि अपन तो हर टाइम बोलते रहेंगे लेकिन बाकी लोगों को भी चांस देना है, और उनको भी दो तारीख को जो भी टॉप लीडर्स है उनको 2 तारीख को बहुत बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि वो मीटिंग अपना लंबा चलेगा, बाकी कोई चीज में नहीं रहेगा, क्योंकि 2 तारीख को हम चलेगा उस टाइम में ज्यादा बात करेंगे। थैंक यू सर। ओके और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। यहाँ पे आने वाले जो नेक्स्ट गेस्ट है वो यानी कि सच में हमारे भगवान श्री राम, हम उनको कहते उनका भाई बन के, यानी कि मैं उनको श्री राम के भाई लक्ष्मण की उपमा देना चाहता हूँ, जो जैसे ही सर ने भी सोचा नहीं था कि मैं दुबई में जाऊंगा और उधर इतना टाइम मुझे रहना पड़ेगा, उधर सेटल हो जाऊंगा, जब से सर दुबई में है उन्होंने उस वक्त से सर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, उनके साथ रहे, जैसे श्री राम के साथ लक्ष्मण थे
वैसे ही लक्ष्मण का काम करने वाले हमारे प्यारे और सब कम्युनिटी के प्यारे दुबई के, जो कि खुद के दम पे दुबई गए थे, आज दुबई में बहुत अच्छे सेटल हुए, ऐसे हमारे बड़े भाई, ऐसे हमारे प्यारे मिस्टर नितिन साळुंके सर, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करता हूँ। आप हमारे सर को संभालते हैं, आपका बहुत बड़ा काम है, प्लीज आप आइए और आपकी जर्नी यहाँ पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच राजेंद्र दीपक सर, मुझे बोलने का मौका मिला। 7 महीने पहले सर को मिला था मैं दुबई में, वो टाइम में सर 5 पाम होटल में रहते थे। मुझे दुबई में 12 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, लेकिन मेरा खुद का बिजनेस होने के बावजूद भी एक चीज वहाँ पे। दीपक आवाज आ रहा है ना? यस सर, क्लियर आवाज है सर। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है, क्लियर है सर। 12 साल दुबई में रहते हुए भी एक चीज नोट की कि सर जो होटल में वो टाइम में रहते थे 5 पाम होटल, कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी वो होटल में स्टे नहीं करते थे, क्योंकि उतना वो होटल का रेट हाई था। सर जो फ्लाइट से दुबई आए थे बिजनेस क्लास फ्लाइट से, वो बहुत लोगों का सपना होता था बिजनेस करने के बाद भी वो पूरा नहीं होता था। वो सब चीजें मैंने देखी और बहुत लोगों का मौका नहीं मिलता है एलेक्स सर को देखने के लिए। तो मेरे ग्रेट अपलाइन ने मुझे सर के साथ पहले दिन एलेक्स सर से मुलाकात की थी, तो वो टाइम में मुझे वो वैल्यू पता नहीं चली थी कि मुझे सच में क्या मिला है। मैं ऐसी खाली नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे बहुत शौक था पहले से ही, मुझे ये पता था कि जिंदगी में कुछ करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक सहारा है, उसके सारे लाइफ चेंज हो सकती है। तो एक जुनून था, एक पैशन था नेटवर्क मार्केटिंग का, तो इसी सारे में वहां पे गया था सर को मिलने के लिए। तो पहले ही मेरी मुलाकात एलेक्स सर से हुई थी, लेकिन उसका मुझे वैल्यू नहीं पता चला था। जैसे धीरे धीरे थोड़े 1 वीक हो गए, 2 वीक हो गए, उसके बाद पता चला कि मुझे क्या मिला है। फिर सिस्टम को समझ के लिया, और वो टाइम में एज ए इन्वेस्टर करके आया था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस था दुबई में, तो एज ए इन्वेस्टर वो स्टार्ट किया था मैंने। वो एज ए इन्वेस्टर इनकम जो है वो तो चालू रहेगा, उसके बाद फिर मैंने सिस्टम को पूरा स्टडी किया, उसके बाद एज ए नेटवर्किंग ये काम कर रहा हूँ, तो वो करते करते आज डायमंड रैंक अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सर के साथ रह के जो सीखने को मिला मेरे लाइफ में 10 साल में, जो दुबई में मुझे नॉलेज नहीं मिला, वो नॉलेज मैंने यहाँ पे रह के सर के साथ रह के हासिल किया है। थैंक यू सो मच राजेंद्र सर, दीपक खिड़के सर, कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। यस नितिन सर, आपका तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि जिस दिन मैं दुबई आया लगभग 1 साल होने को आया है, उस दिन से पहले दिन से मेरे साथ है, और हमेशा 24 घंटा जब तक मेरा दिन फ्री नहीं होता तब तक वो मेरे 24 घंटे साथ में रहते। और आभारी इसलिए रहूंगा 100%, इसलिए आप खाली मेरा जो वर्किंग का काम है वो ही नहीं करते, तो मेरे फैमिली के काम भी जो रहेंगे, छोटे मोटे फैमिली के भी अगर मेरे कुछ काम है तो वो भी आप मेरे को हेल्प करते, और ये इसलिए हेल्प करते, और इसलिए मैं आपका आभारी हूँ, इसलिए क्योंकि आप मेरे दुबई में रहने के बाद मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी वजह से मेरा सॉल्व होता है। इसकी वजह से मेरे को कभी लगता ही नहीं कि मैं बाहर कंट्री में हूँ, क्योंकि हमेशा हर जगह पे हर जरूरत पड़ेगी हर जगह पे आप बोले वहाँ पे आलेख सर के माध्यम से कुछ बात करनी है तो भी, फिर बाद में अगर मार्केट में कुछ भी अगर लेने के लिए जाना है, घर का काम हो या बाहर कुछ भी होगा, तो हर जगह पे सर और सर का गाड़ी मेरे साथ खड़ी रहती है, और मेरा वहाँ पे जाने के बाद क्या करना है मेरे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बात सब वही करते, क्योंकि उनको मैं खाली बता देता हूँ मेरे को ये चाहिए बस, तो वो बात वो करते, इसलिए मेरे को ये कभी महसूस नहीं हुआ है कि मैं दुबई में हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे को तकलीफ होने वाला, तो ये बहुत बड़ा पार्ट है जो मेरी लाइफ का है, जो मेरी जरूरत है वो आपके माध्यम से अभी पूरी हो रही है, तो मैं आपको लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, ये मेरा आपसे वादा है, और आपको आगे लेके जाने के लिए मेरा हमेशा आपके साथ रहूंगा। जैसे आप अगर मेरे साथ दे रहे तो मेरी भी एक जवाबदारी है कि मैं आपको साथ में लेके आगे बढ़ूँ। तो आपका डायमंड रैंक हुआ है आपके लिए बहुत बहुत बधाई, और जल्दी उनका भी ब्लू डायमंड रैंक भी अचीवमेंट होने को जा रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो ये सब लोगों के लिए जो भी आपने मार्गदर्शन किया वो सही है, अच्छा आपके तालिब रहेगा, क्योंकि आप 12 साल से इसमें है और आप खुद बोल रहे हैं, और मेरे को भी पता है कि आप 12 साल में यहाँ पे जो नहीं सीख पाए उसे कई गुना ज्यादा आपको यहाँ पे इस कम्युनिटी के माध्यम से जोड़ने की वजह से, मेरे साथ रहने की वजह से आपको वो सब चीजें मिली हुई है। और जो लोग अलग सर को मिलने के लिए तरसते हैं, जो लोग अलग सर को मिलने के लिए एक बार दो बार जाने की कोशिश करते हैं, आप हर टाइम मेरे और आलिक सर के बीच में होने के कारण आपको हर टाइम आलिक सर को मिलने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी आपके लिए खुश होती।
तो थैंक यू आपके लिए। कंटिन्यू, आगे कौन? या नितिन भाई, आप सच में बहुत बड़ा काम करते हैं, केयर कीजिए हमारे इंडिया के लाडले राजेंद्र भाई की, ठीक है? और अभी सर हमारा यहाँ पे ये सेशन है यहाँ पे समाप्त होता है, और अगला सेशन जो है हमारा वो है क्वेश्चन एंड आंसर का। तो यहाँ पे अगर एक मिनट, यहाँ पे जो आपने ये रहेंगे अपने कर्नाटक से, आपने बोरा सेट्टी सर है क्या? देखो जरा बोरा सेट्टी। हाँ सर, मैंने उनको बोला है लेकिन वो नहीं दिख रहे मीटिंग में। इराना सर अगर आप होगे तो एंटरटेन करो ना, कोई नाम से अलग नाम से होगा तो उनको बोलो। उनको अनम्यूट करो जरा। ओके सर आप, हाँ ओके, नमस्ते। हाँ हाँ दीपक भाई, मेरी वॉइस सुन रहे हैं? यस सर, ये रहे मेरी वॉइस सुन रहे हैं? ओके यस, आ रहा है सर, आ रहा है आवाज। पहली बात राजेंद्र जी, आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं, आपने 5 साल कंप्लीट किया कल, और मैं उसमें भी एक पार्ट था उस वक्त। आपको भी 5 साल हुए, आपको भी 5 साल हुए, ये भी बस। थैंक यू सर। और उस वक्त का अलग सर का फोटो है जो लिया था, yes, yes. बहुत पतले थे अलग सर, मैं मोटा हूँ उतना ही हूँ। एक यादगार मेमोरी है, इसलिए निकाल के रखा था मैंने, दिखा है वो बोल के। सो बहुत बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको, आपने एक झंडा गाड़ दिया पूरे वर्ल्ड के एक शानदार नेटवर्किंग मार्केटिंग में, जो जो आप बगैर। सबसे बड़ी बात सर, एक मिनट आपको ब्रेक करूंगा, आप ये ना मेरा सबूत है का हम और साथ में जुड़े थे, और साथ में ये यहाँ पे दुबई में आए थे, तो सब लोगों के लिए, बहुत सारे लोग 99% लोग यहाँ पे नए जो मेरे 5 साल पहले नहीं थे, लेकिन आप एक पहले ऐसा इंसान है यहाँ पे जुड़े हुए जो 5 साल पूरे मेरे को देखते है, भाई मेरा 5 साल यहाँ पे कम्प्लीट हुआ है, क्योंकि आप मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म के लिए, इसी प्रोग्राम के लिए फर्स्ट टाइम साथ में थे। Yes. बिल्कुल सर, वो भी पामर प्लांट इसमें ही हुआ था, पहला मीटिंग हुआ yes. था, और हम बहुत खुशनसीब है उस वक्त जो उसमें अटेंड किया, और जो जो उस वक्त अलग सर ने जो बोल रहे थे हम लोगों को, वो सारा साकार करने में वो भी दिन रात लगे हुए हैं, तो हम उसको भी शुभकामनाएं देते हैं जो 6 साल कंप्लीट कर लिया। तो और राजेंद्र जी का तो अभी बात क्या है, तो ये आप रॉकी भाई जैसा बन गए, जैसा कि पूरे वर्ल्ड में आपका नाम छाएगा और आपका हिस्ट्री लिखा जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक ऐसी चीज होती है, तो उसमें कहीं से कहीं तक पहुंच सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, स्काई इज लिमिट है। तो आपने वो प्रूव करके दिखाया, और मैं 5 साल आपका सारा ऑब्जर्वेशन किया, कितने आपने दर्द झेले, कितने आपने लोगों का गलत छुलत, अच्छाई बुराई जो भी है आपने एक्सेप्ट किया, सुना, सब दिमाग में दिल में रखा, और उसके बावजूद भी आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो फिर 5 साल ये ऐसी एक घड़ी आ गई हम सब लोग जो सामने देख रहे हैं, जो मैं लोगों को जो इधर बैठे हुए उस लोगों को भी वही बोलना चाहता हूँ, और बीच में मैंने आने के बाद 4 साल जो छोड़ के गलती किया, वो गलती आप जो अपडाउन डेली देखते हैं, नेगेटिव होते हैं, लोगों का सुनते हैं तो आप भी नेगेटिव होते हैं, तो आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती मत करो। और उसके बाद जैसे ही मैंने 10 महीने पहले अप्रैल टिपटॉप होटल में फिर से राजेंद्र उपाध्याय जी को मिला, और प्रोजेक्ट के अपडेशन जो भी है वो उसने मैं लिया राजेंद्र उपाध्याय जी से, तो फिर मैं मेरे मिसेस को भी लेके गया था, क्यों मैं जान चुका था बाहर से भी एक ऐसी तूफान आने वाली है पूरे वर्ल्ड में, जो प्लैटिन वर्ल्ड की जो उपाध्याय सर लगातार चला रहे हैं इतने ऊपर नीचे होने के बावजूद भी, तो ये मेरे को आपको मेरे मिसेस को भी मिलाना था, क्यों जब वो परमिशन देंगे तभी हम दौड़ पाएंगे बाहर। तो ये 10 साल में जो आप मेरे अपलाइन भी है और मेरे डाउनलाइन भी है, उस वक्त हमने ऐसा स्ट्रक्चर लगाया था हुबली में, मेरे गांव में आप आए थे और 15 दिन आप मेरे साथ रहे, मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को, और अच्छे मित्र भी आपको मानता हूँ, और आपको एक मैं रोल मॉडल के रूप से भी देख रहा हूँ, क्योंकि वो लायक आप बन चुके हैं, क्यों आपने उतना झेला है और उसके अपने सारा कर्म निकाल दिया है, तो भगवान ने आपको आप सारी मतलब शुभकामनाएं के साथ सारी सक्सेस आपको हासिल किया है जो लोग देख रहे हैं, तो आप जो जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ डरिए मत, जो भी है वो अप डाउन्स होते रहेंगे, ये तत्काल बोलते हैं, हम लॉन्ग रन के लिए खेल रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल प्रोफाइल नहीं था हम लोगों का, हम बहुत बड़े लीडर्स थे सभी, राजेंद्र उपाध्याय में भी कोई कमी नहीं है, जो आज बैठे हैं जितने भी लीडर्स हैं उस महान शक्तिमान है, जैसे हनुमंत को भी पता नहीं था
जो विष्णु ने बताया कि आपको इतना शक्ति है तो संजीवनी उठा के ला लिया हो, तो ऐसा आपके में भी है, लेकिन आप लोग डरते हैं और लोगों का सुनते हैं ज्यादा, नेगेटिविटी ज्यादा लेते हैं, उसी को पॉजिटिविटी ले लीजिए और रास्ता मत बदलिए। क्यों, इतना बड़ा प्रोफाइल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जो 5 साल से हम दोनों इसको ऑब्जर्व किए हैं मैं बोलता हूँ। और जैसा ही टिपटॉप होटल में राजेंद्र जी को मैं उधर रुक के उसका मीटिंग अटेंड करा के मेरे मिसेस को और मैं खुद अटेंड करके, उसके बाद दो घंटे सर ने दिए हमारे लिए, तो उसके बाद बात करके अपडेट लेने के बाद मैंने शुरू किया ये 10 महीने की जर्नी में। मेरा पर्पल डायमंड अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी लगातार मेरा चैलेंज था सर से, सर का मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपकी साथ चाहिए, तो आप साथ है तो मैं जो लास्ट रैंक है उधर तक ही आप जाओगे, आपकी इक्वल में एसेट नहीं बना सकता लेकिन वो रैंक तक पहुंच सकता हूँ, दोनों एक इक्वल में जाएंगे, ये चैलेंज और था मेरा एक वादा था। वो रूट पे मैं वो रोड मैप पे चल रहा हूँ और सर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है, गुड लिसनर इज गुड सक्सेसर मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी है आपका मीटिंग सुनता हूँ, अलग टेलीग्राम में ज्वाइन हुआ हूँ, सब जगह से इकट्ठा करके जितना हो सके अपनी टीम को मैं ट्रेन करता हूँ और ये टेक्नोलॉजी के बारे में समझाता हूँ। तो आज पर्पल डायमंड से अभी नियर बाय नियर रेड डायमंड तक हूँ, अभी ज्यादा दिन नहीं लगेगा, वो भी हो जाएगा, फिर ऐसा बढ़ते बढ़ते फिर आपकी एंड की रैंक तक मैं भी आपके साथ में ही खड़ा होऊंगा। फिर उस दिन हम लोग एक सेलिब्रेशन बनाएंगे शुरुआत से अभी तक बोल के ट्रिपल प्लैटिन डायमंड तक, तो वो दिन भी आएगा, वो दिन हम देखेंगे एंजॉय करेंगे। और आपको एक रोल मॉडल जो जो देख रहे हैं उनको उसका एक ही पॉजिटिव थॉट लेके चलना है, और आप सब आपके आपके घर में एक राजेंद्र जी का एक फोटो लगा लो और उनको जैसा ही कोई साला 10 लोग नेगेटिव बोलते हैं तो एक बार उसको देख लो, तो अपने आप में आपका रोड मैप पटक से चेंज हो जाएगा। तो इतना ही मैं आज बोलना चाहता हूँ। तो हमारा रॉकी भाई को मैं एक सलाम देना चाहता हूँ, ताकि आपने इतना सारा अचीवमेंट इतना पेन लेके और 5 साल लगातार, 5 साल मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जिंदगी है, 5 घंटे रुकने के लिए आज सोचते हैं लोग, तो 5 साल अपने एक जगह रुका तो ये बहुत बड़ी कठिनाई है, उसी एक सक्सेस की एक फार्मूला है, और वो सक्सेस फार्मूला आपने झेल लिया, आपने पा कर लिया और आप आज रोल मॉडल बन गए, और आपको सलाम चाहिए चाहिए, क्योंकि ये सलाम ऐसे ही नहीं मिलती है। तो आपने जो किया है उसके प्रति बिना लोग आज जो नया आ रहे पैसा देख रहे, आपका पैसा ऐसा ही किसी को नहीं आता सर, पैसा जो झेलता है, जो कर्म अपना पूरा करता है तभी लक्ष्मी उसके पास आके बैठ जाती है। तो ऐसा ये सब मैं आपके जो भी 5 साल से देख रहा हूँ, जो मिले आप मुझे, तो उस बार टिप टॉप के बाद मैं फुल प्लेज हूँ। और मिसेस भी आज डायमंड है, ब्लू डायमंड जा रही है, बेटा भी आज डायमंड है, ब्लू डायमंड जा रहा है, तो ऐसा लगातार जर्नी चालू है, तो ये जारी चलता रहे और हम सबके साथ है। लोग कितना भी नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, और जितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के दिन में ज्यादातर नेगेटिविटी पीएलसी अल्टीमा और प्लैटिन वर्ल्ड बोल रहे, तो जितना नेगेटिव बोला जा रहा है उतना ही पॉजिटिव तूफान आने वाले दिन में आने वाला है, यही तय है, यही सच है। जो नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए लोग, एक दिन सचिन तेंदुलकर के घर पे भी पत्थर मारे थे, और ऐसा ऐसा चीज हमने सचिन अमिताभ बच्चन को भी घर से बाहर निकाले थे, तो सारा चर्चा होना चाहिए। आज भी मोदी को ज्यादा गाली देने वाले लोग है, तो फिर भी वो चलकर आप अपने काम करते रहो, वो बोलने वाले बोलते रहे, तो वही हमारा प्लस पॉइंट भी होगा, हमें ये भी सोचना नहीं, क्योंकि पॉपुलैरिटी ऐसे ही नहीं मिलता आज के दिन में। तो ये सब हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है, और अलेक्स सर उसके लायक है, और अलेक्स सर को आज मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं चाहिए, उसका कम्युनिटी एक रिचेस्ट पर्सन बोलना चाहिए, ऐसा वो देखना चाहते है। मैं अलेक्स सर को 2-3 बार मिला हूं, तो मैं भी फील कर रहा हूं, तो मैं सभी को यही बोलता हूं, जितने भी इधर लोग है, तो आप लोग क्या करो कि जब भी आपको नेगेटिविटी आता है, दिमाग में आता है, कोई टॉस देता है, दिन भर वो होता है, तो ये ट्रांसफार्मर को आप एक बार देख लो राजेंद्र उपाध्याय जी को। आपको 5 साल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने स्ट्रगल एरिया में आए थे, स्ट्रगल पीरियड में आए थे, रफ रोड में आए थे, स्क्रैचेस में ये लोग आए थे, आपको 4 लेन 6 लेन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना के दे चुके हैं, आपको सिर्फ 2 साल देना है, बस 2 साल भी ज्यादा हो रहा है मैं बोल रहा हूँ, 2 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुंचाओगे, उसके बाद आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं जाती है, तब तक राजेंद्र उपाध्याय जी को आप देखते रहिए,
एज ए मैं उसका मित्र, उसका जो भी मैंने ऑब्जर्व किया उस हिसाब से मैं आप सबको इधर एक शेयरिंग के लिए मुझे मौका दिया है तो मैं मिल रहा है, और मैं अपने आप को भी एक शुभकामनाएं दे देता हूँ ताकि पहले दिन से हम लोग साथ में काम किए तो अभी हम सब मिलके इस नाव को पार कराएंगे। लोग बोलने वाले बोलने दीजिए, करने वाले करने दीजिए, लेकिन बेहतर से बेहतर हो रहा है। एक एग्जांपल आज का चलांग ये देख लीजिए, $100 बढ़ गया सड़क से क्लासिक, ज्यादा बढ़ गया 150 बढ़ गया, अभी 370 हो गया अभी, हाँ 370 समथिंग हो गया। तो ये होती है क्रिप्टो मार्केट। अभी क्रिप्टो एसेट बोल रहे हैं हम, फिर से वापस उसको इन्वेस्टमेंट में लाके फिर पैसा लाने का, पैसा लेने का सोच रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए, इसका फॉर्मूला जो है गोल्डन रूल है सर, जो बोलते हैं 4 साल होल्डिंग, 4 साल ट्रेडिंग, 4 साल स्टेकिंग, उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा सेलिंग सेलिंग सेलिंग। लेकिन क्या कर रहे लोग, लाख रुपए का माल जाके 10,000 में बेच रहे, तो पैसा हाथ पकड़ के लीगली सर रोक नहीं सकते। इसके लिए आपको समझा रहे और अजय राजेंद्र भी बच्चे जैसा समझा रहे, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपकी जमीन लेते हो 10 लाख में, तो कोई 5 लाख में भेजा है, बेचते हो, बिड लगाते हो 5 लाख में। आप एक मोबाइल लिए हो 1-1.5 लाख में, तो 50,000 में बेचते हो, या 10 ग्राम गोल्ड लिया था, चेन लिया था, उसको आपको 50,000 में लिया, तो 20,000 में कभी बेचे हो? क्यों बिड नहीं लगाते? ऐसा इधर बिड लगा के हमारा भी गलतियां बहुत है, हम अपने को भी एक पार्ट मानना जरूरी है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग सोच के, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी में आपको एसेट बढ़ रहा है, वो एसेट का वैल्यू जब आएगा तब आप बड़ा प्रॉफिट कमा के निकलो, कोई नहीं आपको रोक सकता। क्यों? ओपन डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है। तो ये सब मैं बोलते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और बात करते रहेंगे हम लोग रहेंगे, ताकि अभी एक हफ्ता में जर्नी में था, आज ही आया हूँ, तो थोड़ा थ्रोट भी प्रॉब्लम है, तो इतना सारा मैं बताया। फिर शुभकामनाएं देनी थी राजेंद्र सर को, इसलिए 5 साल यहाँ पे दो चीजें का आपको अपडेट करनी है, आपका काम कहाँ पे चल रहा है, आप कितने डायमंड आपको जो टीम है वो बताना है, और साथ साथ अमिताभ बच्चन का जो छोटा सा किस्सा है वो आपने कमेंट को क्लियर करना है। यस सर। सो मैं अपनी आपको खुश नसीब मानता हूँ, ताकि मैं पिछले 2014 से क्रिप्टो को ऑब्जर्व कर रहा था, और उसमें से अमिताभ बच्चन जी का बहुत सारा पार्ट है, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में बहुत छोटा अमाउंट लगा के बड़ा अमाउंट कमाने वाले में से, इंडियन सुपरस्टार सेलिब्रिटीज एशिया का बड़े डॉन में वो गिना चुन जाता है। तो मैंने उसके मेरे मित्र के लिए से जाके, और मैं अकेला बंदा हूँ जो इस कंपनी के बारे में अमिताभ बच्चन जी के कान में भी डाल चुका हूँ, और अलेक्स सर का UR No. 1 बुक देके उसका ऑटोग्राफ भी लेके आ चुका हूँ। और सर कैसा, वो सेलिब्रिटी होने के नाते सडनली हाँ नहीं बोल सकते, उसके जो ऑडिटर्स ये रहते उनके हाथ में वो दिया हुआ है। हो सकता है अमिताभ बच्चन जी भी कल इस हमारे एक टेक्नोलॉजी की बड़े नाव में चढ़ जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो भी चल रहा है, वो भी डिस्कशन में है, और मेरे नीचे लगभग अभी 6 से 7 डायमंड्स है, और दो ब्लू डायमंड है और एक ग्रीन डायमंड है। ये सारी सिर्फ अप्रैल से सर के मिलने के बाद, टिप्टॉप होटल के इवेंट देखने के बाद मेरे अंदर में एक जो एनर्जी जागी, और मैंने जो उस निर्णय लिया, उस निर्णय का ताकत है इस अप्रैल से लेके जनवरी में इतना सारा मेरे टीम में अचीवर्स बने, और इतने पर्ल्स है, इतने जेड है, और इतने सफायर है, और सभी इतना तेजी से डायमंड पहाड़ पे दौड़ रहे हैं। तो इतने जल्दी ज्यादातर मेरे टीम में मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा डायमंड बनने वाले हैं अभी आने वाले 3-4 महीने में। तो वो सारी तेजियां चल रही है, और मेरे टीम में कोई रुकावट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है। क्यों? मैं पहले दिन से डाल रहा हूँ, आपको 3 साल देना है, 3 साल तक देखना नहीं, आप एसेट बना रहे हो, आज से दिमाग चेंज करो, पैसे को पैसा डबल ट्रिबल वो छोचो मत, एसेट बना रहे हो आप लोग, ऐसा एसेट बना रहे हो जो ओरिजिनल एसेट है, तो उसके पीछे आपको जाना है। तो कोई मुझे भी डिस्टर्ब नहीं करता, मैं सर को और कंपनी को भी डिस्टर्ब नहीं करता, हम अपने आप में निर्णय ले चुके हैं, वो निर्णय की ताकत आपको समझ में आएगी आने वाले साल के अंदर, और सर के साथ साथ मैं भी उस पिन के पहुंचने के लिए जो भी पॉजिटिवली एक लगातार फोर्सफुली कर सकता हूँ वो मैं करने को तैयार हूँ। और सर भी मेरे से कभी कभी बीच बीच में फ्री होते हैं तो डिस्कशन करते रहते हैं, और अभी मेरे तरफ से 40-50 लोग साउथ इंडिया से दुबई आ रहे हैं,
जो मैंने अभी आपको एक सर के साथ फोटो दिखाया, देखो वो फोटो में अलग सर को पतला तो नहीं बना सकते हम, लेकिन वो मोमेंट में जो लिया वो एक यादगार अभी आपको हिस्ट्री रहेगा। ऐसा आप ज्यादातर ज्यादा आपकी टीम में दुबई लेके आइए और एक इवेंट अटेंड कीजिए, तो आपको भी एक निर्णय लेने की ताकत आएगी। क्यों मैं 4 साल गैप के बाद भी टिपटॉप होटल नहीं जाता, ऐसा ही एक रूम में मिल के आता तो वो एनर्जी 3 घंटे का मेरे अंदर भी नहीं जाती थी, जो स्टार्ट टू लेके एंड तक और फ्यूचर में जो होगा वो सारा उस पर बताया गया था। सो मैं आपको यही विनती करता हूँ, ज्यादातर ज्यादा ये 3-4 दिन में आप लिस्ट आउट फाइनल कीजिए, सर को पेमेंट कीजिए, पासपोर्ट भेजिए, वीसा सब बना के रेडी टू फ्लाई आप रेडी हो जाइए, और मेरी तरफ से भी 40-50 अभी लिस्ट आ रही है सर, मैं आपको भेज के सारा कंक्लूजन में ला लूंगा, और फिर ऐसा मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो आज अच्छा हुआ, तो हमारा 5 साल हमें वापस याद आ गया, तो जो शुरुआत थी अभी जर्नी सक्सेस जर्नी स्टार्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। यस सर आपका मेरे साथ 5 साल से मैं देख रहा हूँ, और हम साथ में ही लोगों को लेके आए थे, लगभग 125-26 लोगों को लेके आए थे हम लोग साथ में, उसमें से कुछ गिने जिसमें फिर वापस आ गए, बाकी लोग अपने अपने जगह पे वही के वही है, तो जो साथ में है वो आगे भटक रहे सही। साथ जैसे राजू अन्ना भी थे जो अपने कर्नाटक का स्टार्टअप किया था, राजू अन्ना के माध्यम से जो आपके साथ ही थे वो भी अच्छा अभी लग चुके अपने काम में, कंट्रोल का काम चल रहा है, और 2-3 बार मेरे साथ वापस भी आए जो दुबई आए थे। यहाँ पे आप जो बोल रहे थे बात सही है, जिसका भी काम अगर पेंडिंग है अपने टूर के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों का वीजा आ चुका है, हम अभी कल के दिन अपना क्लोजिंग होने के बाद ना कि कल नहीं भेजना स्टार्ट करेंगे, परसों के दिन 2 तारीख को हम वीजा जितने भी लोगों का आए वो भेजना, अपना अपना जो ग्रुप बनाते उसमें ग्रुप में वीजा आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वीजा कलेक्ट हो चुके हैं जो आ चुके हैं, तो बहुत सारे काम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी लोग अगर पेंडिंग में चल रहे तो उनको मैं जल्दी करूंगा, जितना जल्दी हो सकता है अपना पेपर दो ताकि अपने वीजा वगैरह सब जल्दी रेडी हो जाए, आप अपना सीट बुक कर सके। तो थैंक यू सर, आपने जो भी मेरे साथ जर्नी के लिए स्टार्ट किया, और ट्रिपल प्लैटिन डायमंड जल्दी से जल्दी पहुंचने का, यानी हिसाब से पूरे मैं ये नहीं बोल सकता, बाकी कमेटी भी मेरे साथ में ही है, लेकिन आपका जो काम का तजुर्बा है उसके हिसाब से मैं इतना ही बोलूंगा, शायद मेरे बाद ट्रिपल प्लैटिन डायमंड आप ही रहेंगे इंडिया, ऐसे मैं बोल दो गारंटी, क्योंकि आपसे बार बार मिलता रहूंगा, वो बिल्कुल नहीं रहूंगा उस लेवल पे आपका काम चल रहा है देख रहा हूँ, क्योंकि 10 महीने के अंदर आपने पर्पल डायमंड क्रॉस कर चुकी है, अभी रेड डायमंड मेरे हिसाब से आने से पहले शायद आपका रेड डायमंड भी हो सकता है, तो बाकी बात ही कितनी बची फिर। और एक बात अश्विन कुमार दास को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन वो हमारे टीम को संभाल रहे हैं, और मैं उनका भी ऋणी हूँ, और रोज मैं देखता रहता हूँ, बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अश्विन कुमार दास जी को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आज संतोष कुमार जी पर्पल डायमंड बने उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए रोने वाले रो रहे, अचीव करने वाले करके 20 लाख रुपए आज उसने कमा लिया एक दिन का इनकम, जैसा हम भी इलियास पेप जैसा 100 करोड़ 15 अगस्त को जो इलियास पेप ने कमाया, हम भी ऐसा एक हमारा भी फ्रीडम का दिन आ रहा है नजदीक में है, तो हम सब उस फ्रीडम का दिन के लिए काम करेंगे। थैंक यू सर। यस सर, यस सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट दीपक। यस सर, इराना सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें भी आज मालूम पड़ा कि सर और आप 5 साल पहले डियर एलेक्स को मिले थे, मैं आपका इंट्रोडक्शन करके दिया था लेकिन उस दिन आप नहीं थे, कि बोला सबसे फास्टेस्ट उन्होंने अपना अचीवमेंट किया है ब्लू डायमंड पर्पल डायमंड, तो सच में हमें गर्व है आप पे और मिस्टर राजेंद्र जी पे, और हम पूरे अभी 250+ लोग थे, तो ये होता है रिच माइंडसेट, अगर किसी एक्टर को फिल्म फेयर में अवार्ड मिलता है तो वो सबसे पहले शुक्रिया उस जो उसके अपोजिट वाला था उसे करता है कि हाँ मैं आपको देख के ही सीखता हूँ, वैसे ही इराना सर आपका ये रिच माइंडसेट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने अभी लिख के रखूंगा और सबको बोलूंगा, ये होता है रिच माइंडसेट, ऐसी जोड़ी बना के रखिए और एक मेक को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इराना सर ने बोला कि मैं आपको मेरा आइडल मानता हूँ, मैं आपको मेरा लीडर मानता हूँ, ये सच में सच माइंडसेट बना है सर आपका, ये बात हमें आपकी तरफ से सीखने को मिली, और सर ने बोला है कि सच में कि आप ही मिस्टर राजेंद्र के जी बाद में ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड बनोगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं दुबई में जल्दी। इसके बाद में दीपक जी आपको शुभकामनाएं। या इसके बाद में हम मुकेश कुमार, इनका बहुत बार हैंड राइज हो रहा है तो उनको अनम्यूट करते, आप बात कीजिए मुकेश कुमार सर जी।
यस, उनके बाद आली सर है अपने, आली सर को भी, ब्लैक डायमंड आली सर, उनको भी थोड़ा सा मौका देना है इनके बाद। ओके सर, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, आवाज आ पा रही है? गुड मॉर्निंग, यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, यस सर। अभी पूर्व वक्ता ने जो बोला है मैं एडमिट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ, एंटिसिपेट भी करता हूँ उनको। एक ही बात को बार बार दोहराना तो ठीक नहीं है समय का अभाव की वजह से, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी को जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही हुए है सफल जिंदगी में, और उन्हीं ने इतिहास रचाया है। हमारे लाडले राजेंद्र सर, इनका भी आसान सफर नहीं था जो पूर्व वक्ता ने कहा, इनके लिए दो लाइन मैंने कही है अभी। और एक और बात विशेष तौर पे करना चाहूंगा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल कम्युनिटी, आज का दिन खास है, आई विश, और आपको मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगा, अभिनंदन भी करना चाहूंगा, आपका स्वागत भी करना चाहूंगा, आपके आपसे अपनी कम्युनिटी के लिए आशीष भी चाहूंगा कि जो शक्ति, जो ताकत, जो स्ट्रेंथ आपको मिली है वो स्ट्रेंथ हमारे कम्युनिटी को दे और सब लोग आपकी तरह सफल हो। आपके मार्गदर्शन में इस सिस्टम पर हमें चलना है, दौड़ना है और बाद में पर लगाकर उड़ना भी है। गली गली, शहर शहर खोज खोज कर और खोद खोद कर लोगों को निकाल लाएंगे, और जितने लाचार, मजबूर, मुफलिस, बेरोज, बेजार और जरूरतमंद है उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। हम संपूर्ण प्रतिबद्धता के साथ ये कहते हुए इस कार्य को ऊंचाई पर और एक मंजिल पर लेकर जाएंगे। मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि संपूर्ण उम्मीद है कि हमारे इस सिस्टम पर कोई चले तो आपके कहे मुताबिक हमें सिर्फ 2 साल में संपूर्ण फाइनेंशियल फ्रीडम या आजादी मिल सकती है। बस हमें 2 साल मन में इच्छा शक्ति और दिमाग में इरादा को रखना है। अब जहां तक इच्छा शक्ति और इरादे की बात होती है तो इच्छा तो कोई भी चीजों का होता है। हमारी भी कुछ साल पहले इच्छा हुई थी जब हम विश्व सुंदर के पेपर पे पढ़े थे, पेपर में देखे थे विश्व सुंदरी को, तो हमारी भी इच्छा हुई थी लेकिन इरादा नहीं था। अभिषेक जी का इरादा था। आज हमारे बाजू में भी ऐश्वर्या बैठी हुई है, मतलब सारा ऐश्वर्य हमें दे रही है, लेकिन वो ऐश्वर्य हमको, उसका खलल नहीं है, उसका कोई रोष नहीं है कि हमको ऐश्वर्य नहीं मिली, अभिषेक जी की तपस्या भरी थी। तो इच्छा शक्ति का सौदा हो सकता है, इरादों का सौदा नहीं होता। इच्छा शक्ति तब तब टूट जाती है जब विपरीत परिस्थिति आती है, कठिन परिस्थिति आती है, लेकिन इरादा और बुलंद हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो आज हमने प्रबल इरादों के साथ में ये ठाना है, ये माना है कि हमें आगे बढ़ना है। जिनके इरादे नेक है, कुछ करने के है, वो यहाँ से मन मुताबिक अपना धन पा सकते हैं और ऐश्वर्य पा सकते हैं, आपकी तरह अपना नाम रोशन और जीवन सार्थक और धन्य कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोग एनालिसिस करते होंगे, मोर एनालिसिस इज मोर काज ऑफ पैरालिसिस। कुछ लोग अपने पृथक्करण करने वाले दिमाग को अभी भी बंद कर दे तो वो सफल हो सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। और इस सिस्टम पर सफल होने के लिए मैं कहता हूं कि और ज्यादा कुछ अपना दिमाग लगाने की गरज नहीं है। सक्सेसफुल आदमी आप जैसे लीडर को यदि फॉलो करे तो और ज्यादा कुछ करना नहीं है। बस ये कहूंगा कि 1000 miles जर्नी बिगेन विद द सिंगल स्टेप। कोसों दूर, हजारों मील लंबी रास्ते की शुरुआत बस एक कदम से होती है, और हमें जरूरत है उस कदम को एक आगे बढ़ाने की। और जहां तक सवाल है कि हम अपने मंजिल को पा सकते हैं और इसके लिए जरूरत है, तो एक पेशेंस, एक करेज, एक धैर्य रखने की, ये आसान नहीं होता जिंदगी। हमने देखा है महाभारत कालीन त्रेता में, द्वापर में, महाभारत कालीन के समय में हमने देखा है कि कौरव सेना के सामने जब अर्जुन आए थे तो आप सब जानते हैं जैसे कि अर्जुन के पास में काफी डिवाइन वेपन्स थे, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र था, अग्नि देवता का दिया हुआ अग्नेस्त्र था, और बहुत सारे वेपन्स थे उसके पास,
बावजूद भी जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए आया तो बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर वो भी डर गया, रुक गया। तब 18 अध्याय का गीता पाठ श्री कृष्ण भगवान ने श्री अर्जुन जी को बताया कि जीत के आगे डर है, तू डर किससे रहा है, तू धर्म के लिए लड़, अधर्म के लिए नहीं। और उस समय में हमने देखा कि जब अर्जुन जैसा इंसान डर सकता है तो हम और आप क्या, स्वाभाविक है। डरना और जीतना ये जिंदगी का एक पहलू है, ये लाजमी भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने कम्युनिटी से कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं, जीता हुआ अर्जुन या हरा हुआ दुर्योधन, इसका फैसला आपको करना है। आप किन फिलोसॉफी पे यकीन करते हैं मुझे नहीं पता, पर मेरी एक फिलोसॉफी है और वो ये है कि जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है, हमें यहाँ कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे पैरों पर चलकर या घुटनों पर रेंगकर, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ती है, हर चीज की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ओके, थैंक यू, मैंने ज्यादा समय लिया है, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। ओके, थैंक यू, हम फिर से कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं आपके 5 साल कम्प्लीशमेंट के लिए। थैंक यू राजेंद्र सर, वेरी वेरी थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ पे लोगों को दिए और बहुत सारा नॉलेज भी उसमें से लेने जैसे बहुत कुछ है, तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू। उसके बाद दीपक सर, अली सर आए। ओके अली सर, दीपक सर मेरा साउंड आ रहा है, दीपक सर साउंड आ रहा है मेरे को, मेरा साउंड आ रहा है? यस 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 फादर, आ रहा है। अभी अभी मैं सफर में हूँ, रनिंग में हूँ, जस्ट अभी मैं रायपुर से वापस महाराष्ट्र में आ रहा हूँ, कल वर्धा में प्रोग्राम है, डेली हर शहर में प्रोग्राम हो रहा है, परसिस्टेंट कंसिस्टेंट प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम की बात ना करते हुए मैं सबसे पहले हमारे जो छोटे भाई है जो डबल प्लैटिन डायमंड और ट्रिपल प्लैटिन डायमंड, जो हमारे इंडिया के आनबान शान है, जिन्होंने 5 साल ये रथ को चला, ये बहुत काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं उनको 5 साल पूरे होने के बावजूद उनको मैं शुभकामना दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये मंजिल ऐसे ही नहीं हासिल होती, जब मैं बता रहा हूँ ना ये कितने मतलब कितने दिन कितने रात किस किस तरीके से मतलब किस लेवल पे उन्होंने पार किया, ये बहुत बड़ी मतलब सोचने जैसी बात है। आज तो ठीक है सभी लोग यहाँ पे आ गए तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग मिलके इस कार्य को हम आगे लेके चलेंगे। तो मेरा आज एक ही मैसेज है कि कोई भी चीज को करना है तो परसिस्टेंट करो, कंसिस्टेंट करो, जैसा राजेंद्र उपाध्याय पिछले 5 साल से कर रहे। तो मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग लगभग 200 लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप परसिस्टेंट कंसिस्टेंट ज्यादा नहीं है, 5 साल नहीं, सिर्फ 2 साल भी करोगे उनको तो 5 साल लगे। मैं पिछले 33 महीने से कर रहा हूं, मैं ब्लैक डायमंड हूं, इसी 4-5 महीने में मैं प्लैटिन डायमंड जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इतना समय उपाध्याय सर को लगा, उतना समय मुझे लगा। अभी डॉक्टर जो कर्नाटक से आए थे उन्होंने भी अच्छी बात की, अभी लिल्लारी सर उन्होंने भी बात की, मतलब जो समय सर को लगा और जो समय हमें लग रहा है आने वाले लोगों को वो समय नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ परसिस्टेंट कंसिस्टेंट, अगर साल दो साल, दो साल में यहाँ पे काफी सारे इस मीटिंग में जितने भी लोग मुझे सुन रहे ना, परसिस्टेंट कंसिस्टेंट करोगे तो आप यहाँ पे ट्रिपल प्लैटिन डायमंड आराम से जाओगे। बट आपको समर्पित होना पड़ेगा, आपको ध्यान से झूम मीटिंग सवेरे शाम सुनना पड़ेगा, जो भी सीनियर आपको बता रहे कि उस चीज को आपको मानना पड़ेगा, और आने वाले 4 तारीख को पहले दुबई आना पड़ेगा तभी ये संभव है, उसके सिवा ये संभव नहीं है। ज्यादा कुछ मेरा मैसेज नहीं, मैं सफर में हूँ, सर ने बोला कि अली सर को भी बोला, और कल मैं शायद मैं ड्रेस पे नहीं था, कल मैं एक मेरे दोस्त है बिलासपुर के, उन्होंने प्लैटिन वर्ल्ड के माध्यम से बेनिफिट कमा के एक बहुत सुंदर सा डायमंड हाउस बनाया, उस डायमंड हाउस में मैं मीटिंग लेने के बाद रात के शायद 10:30-11 बजे थे, तब मैं कपड़े निकाल के बैठा था, तब अचानक मेरे को उपाध्याय सर बोले थे कि मीटिंग में आ जाओ, तब मैं बनियन पे था, तो मैंने बहुत जल्दी एक मतलब रग ओढ़ने का कोशिश किया था, और मेरे साथ में मेरे 2 बॉडीगार्ड, मेरे 2 भांजे भी साथ में थे। तो कल मैं ड्रेस पहना था लेकिन आज मैं पूरा ड्रेस कोड पे हूँ और आपके सामने हूँ। तो बोलने का मतलब जैसी परिस्थिति हो, जैसा ही वातावरण हो, आपको हिलना है, आपको मिलना है, आपको झुलना है, आपको नतमस्तक होना है, एजुकेशन लेना है, आपको पेशेंस रखना है, और उपाध्याय सर ने 5 साल पेशेंस रखा है। इसका मतलब समझ लो जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, 5 साल पेशेंस रख के एजुकेशन लेके आज वो मंजिल पे मतलब पास हो रहे। तो इसका मतलब अगर हम उनको एक आइडियल मान के अगर हम उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी लोग मुझे आज झूम मीटिंग में सुन रहे ये सभी लोग 2 साल में आजादी की तरफ जाएंगे। आजादी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, आपका परिवार, आप, आपके जितने भी आस पड़ोस में है सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाएंगे। इतना ही मेरा मैसेज आपको रहेगा, ज्यादा तो कुछ नहीं है, मेरे वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि मेरे को सफर बहुत काटना है। कंटिन्यू कुछ लोगों के सवाल जवाब है, वो कंटिन्यू सर आप सवाल जवाब करेंगे, और फिर से मेरे तरफ से सर को आशीर्वाद भी, हार्दिक बधाई भी, और मैं सर आपके साथ में हूँ। थैंक यू वेरी मच।
सर यस सर, थैंक यू सर, आप साथ में देख रहा हो, डायमंड पीछे पीछे चल रहे मेरे साथ में, नहीं अभी आगे भी निकल जाना है सबको, ट्रिपल रेडी डायमंड बनने के बाद भी कंपनी कुछ ना कुछ आपने को लेके आएगी, टेंशन नहीं सर। तो सही में आप और अपने आशीष सर जो भी अपने बहुत रात दिन रात मेहनत करे, जैसा मैं मेरा दिन दिख रहा हूँ, जैसा मैं उस टाइम पे दिन रात मेहनत करा था, सेम वही हिसाब से आप लोग यहाँ पे दिन रात मेहनत करे, टीम को गाइड करे, और इसका फल आपको 100% मिलेगा सर, जो भी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। परमात्मा कहीं ना कहीं है, ये दो साल ऐसे है ना सर, पूरा जो भी लोग मेहनत करेंगे वो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक पहुंच सकते, इतनी बड़ी तैयारी कंपनी की तरफ से हो चुकी है, जो भी नए लोग जुड़ेंगे, आज भी अगर कोई नया जुड़ता है और सही रास्ते पे अगर मेहनत करता है ना, तो भी वो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड ये दो साल बन सकता है, इतनी बड़ी ताकत अभी अपने हाथ कंपनी की तरफ से आने वाली, जैसे अभी गौरव सिटी सर बोले, जितनी निगेटिव हुई है उतना बड़ा तूफान यहाँ पे आने वाला है, और सही में आने वाला है, जो आप लोगों को आने वाले 15 दिन 1 महीने के अंदर मार्च महीने तक सब चीजें सामने दिखने वाली है, इतना बड़ा तूफान आलेख अपने साथ लेके आ रहे कि यहाँ से बहुत बड़ा काम बनने वाला है, बहुत बड़ा, यानी हम सब लोग पैसा बनाएंगे, ये चीज को आपको समझना है और सबको आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, आप दिन इधर से उधर करके मीटिंग करे, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, थैंक यू सर। अभी संतोष पवार सर आए शायद, उनको अनम्यूट करो, उनका कुछ मोबाइल का रिचार्ज हुआ था, बैटरी गई थी। ओके सर, ओके, हाँ संतोष जी अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। हाँ नमस्ते सर, आवाज आ रहा है? संतोष जी बोला, हाँ अभिनंदन सर तुमसे पहले गोष्ट। थैंक यू सर, थैंक्स एंड सर, हे सगळं फक्त तुमच्या आशीर्वादाने आणि तुमच्या सपोर्टने झालंय, त्याच्यामुळे तुम्हाला कधीच आयुष्यामध्ये विसरणार नाही, आणि त्याचबरोबर माझे म्हणजे लवली टीम, म्हणजे माझ्या टीमचं एवढं माझ्यावर प्रेम आहे सर, की मला वाटत नाही म्हणजे कुठल्या सिनियर सोबत एवढं चांगलं वागत असतील, तर माझ्या टीमसाठी पण मी माझ्या टीमचं पण खूप आभार मानल, की वेळोवेळी सगळ्यांनी साथ दिली आणि साथ कधीच नाही सोडली, आणि सगळ्यात महत्वाचं सर सिनियर आणि ज्युनियर दोघांचा जर साथ असला ना, तर आयुष्यामध्ये कुठल्याही गोष्टीमध्ये अचीवमेंट मिळवण्यासाठी कुठलीही गोष्ट कधीच कम पडणार नाही, आणि माझं सर्व श्रेय मी तुम्हाला देईल सर, कारण हे सर्व तुमच्या आशीर्वाद आणि तुमच्या सपोर्टने झालंय, तर आणि जवळपास सर आज मी एकच वाक्य सांगेल, की मी माझी जर्नी जी स्टार्ट केली ना, तर मी थांबू दिली नाही सर आतापर्यंत, आज माझी संतोष सर सॉरी, हाँ थोड़ा सा हिंदी में बताएंगे तो मजा आएगा, क्योंकि कुछ अच्छी बात बोल रहे हैं, आपका इम्प्रेशन में मालूम चल रहा है पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हिंदी में प्लीज। ओके सर, ओके, हेलो, हाँ सर, मैं संतोष पवार प्रॉपर, मैं औरंगाबाद से हूँ, और जस्ट मैंने अभी स्टार्ट करके 1 साल कम्प्लीट हो गया है, और इस सिस्टम के अंदर अगर जो भी आज मैंने अचीवमेंट पाया है, इसका श्रेय जाता है मेरे गुरु, मेरे महागुरु, मेरे भगवान राजेंद्र उपाध्याय सर, उनको मैं आज आई लव यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनका अगर उनका सपोर्ट ना होता, अगर उनके साथ ना होता, तो ये सब चीजें मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता था सर, जो आज अचीवमेंट किया मैंने, और उसके बाद में मैं अपनी प्यारी टीम को आई लव यू कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, सब लोगों ने मुझे मिलके साथ दिया, किसी ने साथ नहीं छोड़ा, सुख में दुख में अप में डाउन में कितना भी स्ट्रगल हुआ, लेकिन मेरे टीम का एक सिंगल पर्सन भी मुझे छोड़ के नहीं गया, और ये सब उन सब लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ में, जो आज मैं इस मुकाम पे हूँ, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी तरफ से, कि सबकी वजह से आज मुझे एक मुकाम पे पहुंचा हूं, और उसके बाद में जो जर्नी मैंने स्टार्ट किया, ये जर्नी में जिस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं आज पीएलसी के साथ में वर्किंग करूंगा, उसी दिन मैंने कंप्लीट कर दिया था कि लाइफ में कभी कितना भी दिक्कत आए, कितना भी स्ट्रगल हो, लेकिन मैं नहीं हटूंगा, अगर सब छोड़ के चले गए तो भी डटा रहूंगा, लेकिन आगे बढ़ूंगा, ये सब चीजें अपने दिमाग में रख में मैं चलता हूँ सर, क्योंकि अगर मैं कोई डिसीजन ले लूं, मैं डिसीजन जल्दी नहीं लेता हूं, लेकिन अगर डिसीजन ले लिया तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, मैं बस अपने फोकस पे ध्यान देता हूं सर, क्योंकि माय गोल इज माय पैशन, ये मेरा ब्रीद वाक्य है, क्योंकि मेरा गोल ही मेरा पैशन है, बाकी कुछ नहीं है।
और मेरी टीम में आज कल की डेट में एक न्यू डायमंड बने हैं ज्ञानेश्वर राठौड़ सर, जो बहुत जल्दी वो भी फास्टेस्ट डायमंड बन गए। उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। उसके बाद में आज मेरी टीम से सर टोटल 20 लोग डायमंड बन चुके हैं, 5 लोग ब्लू डायमंड है, उसके बाद अभी ग्रीन डायमंड 3 लोग बनने जा रहे हैं, और उसके बाद में सर 60-70 लोग ऐसे हैं जो एमराल्ड है, यानी कभी भी डायमंड बन सकते हैं। तो मेरा टारगेट है कि हर दिन एक डायमंड क्रिएट करना अगले 70 दिन तक, तो ये टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, और वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो चीज मैंने ठान ली वो मैं करके ही दिखाता हूँ सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अलेक्स सर को कि जिन्होंने दुनिया के सामने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अगर देखा जाए तो ये सिस्टम में असली में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो का नॉलेज आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन सर ने डटे रह के यहाँ पे क्रिप्टो सबके खून में रग रग में भर दिया। इसलिए मैं अलेक्स सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद मानूंगा, और मेरे गुरु राजेंद्र उपाध्याय सर जिन्होंने इंडिया के लिए इतना अच्छा काम किया कि इंडिया में बहुत सारे लोग स्ट्रगल में थे, उनमें से मैं भी एक था, क्योंकि मैं भी एक जगह पे मैं जॉब करता था मल्टीप्लेक्स में, और जॉब करते करते मैं इस सिस्टम में जुड़ गया, लेकिन आज मेरे गुरु की कृपा है उपाध्याय सर की, कि उनकी वजह से मैं यहाँ पे आज पर्पल डायमंड वो भी 325 दिन के अंदर बन गया। और बस सर इतना ही बोलना चाहूंगा आज मैं आज के लिए। थैंक्स सर। यस सर, यस सर, वापस एक बार आपको और आपकी टीम को बधाई मेरी तरफ से, बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं आपका, दिन रात मेहनत करे आप लोग, जैसे बाकी आज बड़ी सर चाहे कोई भी लीडर नहीं कर सकता। ओके थैंक यू दीपक, बाकी किसी को आज सवाल जवाब कुछ रहेगा तो क्लियर करो। संतोष सर को पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, ग्रुप पे तो आप सबको बधाई आ रही है, आपकी पार्टी बाकी दुबई में लेंगे। अभी किसी का क्वेश्चन होगा तो आप हैंड राइज कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो यहाँ पे हैंड राइज कर सकते। ओके डॉक्टर मुंडे साहब, आपको यहाँ पे अनम्यूट करते हैं, लेकिन समय का भी थोड़ा आप ध्यान में रख के फटाफट अपना बात कंप्लीट करना। सर आवाज आ रही है? आ रहा है सर। नमस्ते, पहले तो ये जो अचीवमेंट करने वाले लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई, उसमें से नंबर आपका है, और पूरा 5 साल हो रहा है आपका जो जर्नी है। कुछ लोग विटनेस यहाँ पे है जो विराना सर ने शेयरिंग किया है और बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आज मैं जो बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ वो नितिन साळुंके सर के लिए आया हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी आपके हाथ में लगी है सर, और एक आप एक ऐसा धागा हो जो हर एक फूल को माला में मतलब गूंथते हो या माला बनाते हो उसका, जो एक फूल अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसकी कुछ हैसियत नहीं होती है, लेकिन जब वो माला बनती है तो भगवान के गले में जाती है, तो ये सबकी एक औकात अच्छी बन जाती है, एक अपना वजूद बन जाता है। वो हेल्प करने के लिए आप पूरी कम्युनिटी को बहुत अच्छा एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हो और सबके लिए एक एनर्जी हो, आपको बहुत बहुत बधाई। और जो नितिन साळुंके सर ने बात किया उनका जो डायमंडशिप का अचीवमेंट हुआ है वो उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। और उन्होंने एक्चुअली आपके साथ में तो आए हैं, आपका हेल्प हो रहा है, लेकिन उन्होंने जब मुझे दुबई में मेरा फोन गायब हो गया था या गुम हो गया था, और तब भी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, मेरे टैक्सी से वो फोन गया था, और वो टैक्सी का बिल मैंने ऑनलाइन कर दिया था लेकिन उसका बिल नहीं लिया था, और ऐसी सिचुएशन में मेरे पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होने के बावजूद नितिन सर ने आपके फोन के बाद 10 मिनट में दुबई में आकर आपके होटल में मिलकर जो प्रॉम्प्टनेस दिखाया, और मेरा फोन जब उन्होंने ढूंढ के निकाला और मुझे फोन करके बताया कि सर आपका फोन मिल गया है और कल जाके वो फोन आपका आपके पास में आएगा, खाली वो ड्राइवर को आप जो भी टैक्सी का बिल होता है वो दे देना। सर ये जो बात होती है वो आज नितिन सर हम पहचानते हैं एक दूसरे को, लेकिन उस दिन हम एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। उस टाइम
जब हमारी कोई पहचान नहीं होती है उस टाइम जो आदमी एक दूसरे से बिहेविंग करता है, एक दूसरे से जो बर्ताव करता है वो उसका नेचुरल स्वभाव होता है, वो बहुत हेल्पिंग नेचर है उनका, बहुत अच्छा नेचर है। और एक अच्छे नेचर का आदमी आपको मिला है जो आप संभाल के रखिए, और वो दुभाषी का काम आपको, ट्रांसलेटर का भी काम आपको एलेक्स सर के साथ में करते रहेंगे, और उसके जरिए उनका भी डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका भी डेवलपमेंट होने में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर अभी नहीं रहेगा, क्योंकि हर बार जब आप दुबई में जाओगे तो वहां पे नितिन सर रहेंगे और वो हेल्पिंग टूल आपके साथ में हमेशा रहे, और उनकी उत्तरोत्तर प्रगति हो और सबको मतलब ऐसा जो प्रोग्रेस मिल रहा है, जो अपने अपने अचीवमेंट्स हो रहे हैं वो उनको भी मिले। और संतोष पवार सर को हर चीज जो उनका एनर्जी लेवल होता है उसी हिसाब से मिल रही है, उनको भी मैं स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ, उनको भी स्पेशली उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और ऐसा ही आपका भी प्रोग्रेस हो जाए ऐसा ही मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। और सर मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं फिर के सर और आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं डॉक्टर मुंडे पुणे महाराष्ट्र से हूँ और 2020 अक्टूबर से मैं यहाँ पे ये सिस्टम में काम कर रहा हूँ, और जूम के जरिए मुझे बहुत हेल्प मिला है। ये जो यहाँ पे लोग हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सारे लोगों को यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो अली साहब ने जैसा बोला कि जूम मीटिंग में आना पड़ेगा, जूम मीटिंग में सीखना पड़ेगा, जूम मीटिंग के जरिए लोगों को सिखाना पड़ेगा, तभी जाके अचीवमेंट 100% मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सिस्टम अपना बहुत स्ट्रांग है और अपना लीडर भी बहुत स्टेबल है, बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए अगर कुछ कमी है तो हम में है, अगर हम वो कमी अगर निकाल देंगे तो पूरी सिस्टम हमें आगे जाने के लिए, हेल्प करने के लिए रेडी है। मैं इतना ही बोलूंगा और यहाँ पे रुकूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, मुझे सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और सही बात कही, क्योंकि ऑलरेडी नितिन सर दिन रात मेरे साथ सही भी काम करे, जब भी जरूरत मेरे को, अगर 2 बजे तक काम चला तो 2 बजे मेरे साथ रहते, 3 बजे तक काम चला तो भी 3 बजे, 6 बजे तक काम चला रात को तो भी 6 बजे तक मेरे साथ रहते, और इसके वजह से उनके घर में बहुत सारी बातें होती है, तो बातें करते करते जब बेबी से झगड़ा हुआ ना तो उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया मैं एक बार आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन ऊपर सर को नहीं छोड़ सकता। ये आज तक बातें हो चुकी है, तो ठीक है, थैंक यू उनके लिए भी और आपके लिए भी। ओके बहुत शुक्रिया। अभी हम नेक्स्ट बुलाते हैं गंगा प्रसाद सर, आप यहाँ पे अपना शेयरिंग कर सके। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, क्लियर है सर आवाज? सर आपके 5 साल इस कंपनी में पूरे होने पे आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और आपके सफल होने की भी बधाई, और आपकी सफलता का राज भी आज आपके एक मित्र ने बताया जो कर्नाटक वाले थे। अब लोग बोलते हैं सफलता यूं ही मिल जाती है, किस्मत में मिल जाती है, लेकिन सफलता आपको किस्मत से नहीं आई, यूं ही नहीं मिली है सफलता, यदि यूं ही मिल जाती तो सारे के सारे लोग सफल हो जाते, असफल कोई भी नहीं रहता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अभी हमारे एक भूतनाथ जी को देखे आपने, अली भाई पटेल को, रात दिन यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और वो जब सफल हो रहे तो कोई लोग जलने लगते, तो यार जलना नहीं है, हमें संघर्ष करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो, तो संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है सर, उस सफलता का मजा अलग आता है। ऐसे अचानक मिल जाए धोखे से तो उसका मजा नहीं आता, क्योंकि उसका सम्मान नहीं होता। तो दोस्तों मैं चाहूंगा सभी लोग मेहनत करें ईमानदारी जिम्मेदारी से, और अच्छे पद पे पाए और ट्रिपल प्लेटिन डायमंड बने, और आप भी सर जल्दी जल्दी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और सभी से नमस्कार लेता हूं। यस सर, थैंक यू सर, अच्छा अपडेट दिया आपने भी, और अच्छा लोगों से बात की, और मेरे लिए भी आपने जो बात की उसके लिए मैं आपका नेक्स्ट कौन है अभी दीपक? हाँ सर, अभी मदन सर आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं, आपका शेयरिंग। सर वेरी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर। सर मेरा सर माय क्वेश्चन था एक्चुअली, बिकॉज़ अभी बोले दीपक से ये क्वेश्चन कुछ पूछना है। सर अभी ये कैशबैक ऑफर बोल रहे हैं ना आप, ये 100% कैशबैक ऑफर अलेक्स सर भी बोल रहे थे कि आने वाले में, उसके बारे में बता सकते हैं कि कैशबैक ऑफर क्या हो सकता है? वो बोले कि जो भी स्पेंड करेंगे हम लोग, ओके व्हाटएवर वी स्पेंड
सभी सर का अभी जो भी नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगा सर का जैसा भी आपको टाइम मिलेगा उसमें सब चीजें क्लियर हो जाएगी और वो कैशबैक वाला वो स्टार्टअप भी हो रहा है अभी अगले वाले एक दो चार दिन के अंदर कभी भी कल भी हो सकता है दो दिन के बाद भी हो सकता है लेकिन ये हफ्ते में 100% होगा। उसके लिए कोई क्या जानकारी क्या है सर वो कैशबैक वो आएगा सर जैसे देखो अभी कंपनी जब नए के साथ स्टार्ट कर रही है तो उसके बारे में जानकारी अलग सर पहले देंगे उसके बाद हम उसके ऊपर क्लियर करेंगे आपको क्लियरेशन देंगे। ओके अलग सर के माध्यम से अभी किसी का कुछ शेयरिंग रहेगा तो आप आ सकते या फिर राजेंद्र पटेल सर आपको अनम्यूट किया है आप बात कर सकते आपके तरफ से सर नमस्कार। ओके सभी जी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र पटेल बालाघाट एमपी से बोल रहा हूं और लगभग इस कंपनी में काम करते हुए 7-8 माह हो चुका है और मैं सभी लोगों से विनती करता हूं कि अपनी अपनी डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग में बैठाने की कोशिश करें। हम तो पूरे जूम मीटिंग में परिवार के साथ बैठ के जूम मीटिंग सुन रहे हैं और राजेंद्र उपाध्याय सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो जूम मीटिंग में इतनी अच्छी टेक्निकल चीजें और सभी चीजों की जानकारी हमें मिल रही है और आज क्लोजिंग थी तो मेरी क्लोजिंग अच्छी रही लगभग 70-80 हज़ार का बिजनेस मेरा आज हुआ है लॉगिंग और कल और कुछ होगा लास्ट क्लोजिंग में। तो मैं सभी भाइयों से बोलता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वर्क करें अच्छा करें और ये पहली कंपनी है जिसमें इतने लोग करोड़पति बन रहे हैं तो कमीशन भी अच्छा है तुरंत कमीशन जनरेट हो जाता है तुरंत विड्रॉल हो जाता है इससे अच्छा काम तो मैंने आज तक के नहीं देखा और बहुत बढ़िया काम है सर और हम लोग सब साथ में मिलके अच्छा काम करेंगे और अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। थैंक यू सर। यस सर थैंक यू सर बहुत अच्छी बात की आपने भी। और नेक्स्ट कोई राजेंद्र सर बहुत बहुत थैंक यू। अभी नेक्स्ट कोई है सुशील सर है आप ओके तो सर अभी ये जो आपने जूम कॉल जूम शेड्यूल का जो किया था सर सीरीज चालू तो लगभग आपने इतना अच्छा यहाँ पे समय निकल के या नीरज जेड आप अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए एक बार। हाँ आप बात कर सकते। हेलो नमस्कार सर बोलिए सर। सर मुझे जानकारी ये चाहिए था सर मैं जो डॉलर सेल करते हैं। हेलो हाँ बोलिए ना आवाज आ रही है आवाज सर तो जरा ये जानना था मुझे कि जो हम अपना डॉलर सेल करते हैं जैसे हमारे पास कुछ भी जो भी कॉइन है तो लेने और देने वाला डॉलर का क्या रेट मिलता है अपने को मुझे सर्टिफाई करेंगे सर। सर ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया और अभी भी वही बताऊंगा सर वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा और लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा उसको अपन यहाँ पे नहीं शेयर कर सकते ना। नहीं सर शेयर की बात नहीं मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे सीनियर लोगों को अपना कॉइन देते हैं तो हमें वो 84% माइनस करके 84 के हिसाब से हमें वो पेमेंट करते हैं जैसे अभी उनको कॉइन दिया हमने उनको कॉइन अगर हमने दिया है अपना विड्रॉल करने के लिए अभी जिससे अभी विड्रॉल नहीं हो रहा P2P हो रहा है तो सर ये ज्यादा लंबा समय नहीं है कुछ दिन की बात है अपडेट पूरा अपडेट हो जाएगा टेंशन नहीं रहेगा तब तक अगर आपको होता है तो ठीक है नहीं तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। नहीं पेशेंस की बात नहीं सर खाली इतना जानकारी था कि सीनियर लोग जो है उसको 84 के हिसाब से पेमेंट करते हैं और 10% माइनस करके तो वही जानना था सर। ये गलत काम नहीं करना चाहिए पहली बात तो ये लोग क्या देखो अभी क्या कुछ लोग क्या है मुर्गी काट के खाते हैं और कुछ लोग अंडा खाते हैं वो उसके ऊपर है अगर उनको समझना चाहिए कि हम अगर लोगों को क्लियर बताते हैं कि हम $1,00,000 से अगर लेन देन करने आए तो आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं बात आती है सिर्फ डॉलर की तो जो रेट चल रहा है उसमें से थोड़ा सा इधर उधर ज्यादा भी लंबा नहीं होना चाहिए ना जो जिनके करो तकलीफ होना चाहिए। मैं वही जानकारी ये चाहिए था कि अगर हम एक्सचेंज इसको लेके जाकर अगर बेच रहे हैं तो समथिंग आपके हिसाब से मतलब हम एक से नहीं बोल रहे हैं आप समथिंग पहली बात तो सर देखो एक्सचेंज पे जाएंगे तो वहाँ भी अपनी कंपनी की तरफ से अगर बात किया तो उसको स्टेबल के हिसाब से बात किया हुआ है तो उसको 19-20 होगा मैंने पहले बोला है ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन लीडर्स लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो बार बार मैं सबको बोल रहा हूँ आप
क्यों उसको कम रेट में बेचने का कोशिश करे ताकि कंपनी को और आपको सिस्टम को क्यों डिस्टर्ब करे, ये चीज को समझना है। और आपको भी अगर बेचना है तो आप कम में क्यों बेच रहे, जिसको भी बेचना है वो सामने वाला का 10% मांग रहा है लेकिन हम क्यों दे रहे, ये चीज को आप क्यों नहीं समझते। जब आपने परचेस किया तो $1,00,000 से लिया तो आप कम में क्यों बेच रहे। वही सर, वो उनका क्या कहने का है, कंपनी गलतियां उस लीडर की नहीं है जो कम रेट से मांग रहे, गलतियां उसकी जो कम रेट से बेच रहे। कम रेट से बेचने का सर ये है कि उनका क्या करेंगे, मतलब कि अगर कॉइन हम दे रहे हैं किसी को, अब किसी की आईडी अगर लगाने का है, हाँ उसमें तो हम 88 के हिसाब से डॉलर खरीद रहे हैं, 87, 88, 89 भी जाता है, जो लाइव रेट रहता है। लेकिन जब विड्रॉल करने का बात आता है, अगर उससे किसी की आईडी लग रही है, अगर डॉलर खरीदे जाएंगे तो 88 के हिसाब से मिलने वाला है, तो अगर उसमें तो 10% बोलते चार्ज बोलते, एक्सचेंज पे भी लेके जाओगे तो 10% कटता है क्या, एक्सचेंज पे लेके जाने को अपने कॉइन 10% कटता है क्या सर? नहीं 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 कटता। 10% कितना परसेंट जाता होगा सर? 3% अगर अपने वॉलेट से और एक्सचेंज 3% जो कमरे का रूल है उससे ज्यादा नहीं, 3% और वहां से विड्रॉल करेंगे INR में कन्वर्ट करने तक कितना परसेंट टोटल चार्जेस जाता है सर? देखो सर, ऑलरेडी लोग वो करते नहीं लेकिन बोलते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि वो एक्सचेंज पे लेके जाता है और वहां पे कटिंग करता है, लेकिन ये क्या आपने वही बताया, वो अपने अपने अलग बातें जो लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो उसको अपन यहाँ भी नहीं शेयर कर सकते। आपको जो चाहिए तो आप लीडर से या टॉप लीडर जो भी रहे उनसे बात कर सकते हैं या मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसको गाइडलाइन करूंगा। वही चाहिए सर, मैं क्या है अभी कुछ लोगों को, हमारा तो सर PLCC पड़ा है लेकिन हमारे जो डाउनलाइन है उनके पास X पड़ा हुआ है, तो X का समझ रहा हूं आपको, मैं कुछ बातें ऐसी होती है सर जो बाकी लीडर को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हम, और जो गलत कर रहे हैं उनको अपन यहाँ पे देख बता नहीं आपको कौन गलत कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से मैं इतना डायरेक्ट क्लियर बताया कि हम $1,00,000 से लेन देन कर रहे हैं, तो आप देने वाला भी गुनहगार, देने वाला भी गुनहगार, दोनों तरफ से बात करूंगा। सी तो मैंने अभी एक बार भी विड्रॉल ही नहीं किया, यक्स का हमने जिसका मिंटिंग किया मतलब आईडी लगाया उनका मिंटिंग आ गया, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको विड्रॉल करके किसी भी तरह से देना है, 100% देना है सर, 100% मेरा वही कहना है, मैं दे भी रहा हूँ और बहुत लोगों ने मेरे से लिया भी है, वो बात नहीं है, लेकिन मैं किसी को भी अगर कोई भी जितने भी अभी ग्रुप में लोग है, कितने लोगों का कितना बड़ा बड़ा विड्रॉल करके दिया मैंने, लेकिन किसी को भी $1,00,000 के नीचे का विड्रॉल नहीं दिया मैंने, $1,00,000 से दिया। तो हमारा कहने का मतलब वही है कि अगर हम अपने सीनियर को दे रहे हैं तो सीनियर को समझना चाहिए, ठीक है सीनियर हमारे भागदौड़ कर रहे हैं, हमें नहीं बोलते कोई अगर ऐसा गलत काम कर रहा है तो आप दूसरे के साथ आप कोई भी रहेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा कोई भी अगर आपको सपोर्ट कर रहा है उससे आप कनेक्ट हो सकते, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लीडर्स या आपके टॉप लीडर अगर गलत कर रहे हैं तो आप दूसरे के साथ कनेक्ट होकर आपका काम कर सकते, मैं पहले से क्लियर बता रहा हूँ, अगर वही टीम अपने लोगों को संभालने को नहीं आ रही तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो सर अपने सीनियर अपने को संभाल नहीं रहे, मेन प्रॉब्लम यही है, तो रीजन यही है कि क्या हमें अपने डाउनलाइन अगर वो मीटिंग नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको टीम छोड़ के जाने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको अगर आपका लेन देन की बात कर दी तो उनके साथ मत करो, बाकी बहुत सारे लोग मार्केट में जैसे आगे मैं हूँ, मैं अभी कंपनी की थोड़ी बात लेन देन करो, थर्ड पार्टी से कर रहा हूँ ना, तो आप भी कर सकते हैं या बाकी कौन लोग कर रहे उनसे भी कर सकते हैं, और जिसको नहीं जमा तो लास्ट में खुद आपके सामने बैठा हूँ मैं करके दूंगा बात खत्म। हमारे डाउनलाइन ने हमसे यही सवाल प्रॉब्लम ये हो गया, हमारे डाउनलाइन ने कहा कि सर कि हम मीटिंग में आते हैं सर बोलते हैं, सर मैंने आपका सवाल का दो ही बातें किया क्लियर, आपस में करने का कोशिश करो, नहीं बनता है तो मैं रूल्स जो मार्केट के उसके सिवा मेरे से आगे आगे ही नहीं होता है पीछे भी नहीं होता है, ये सब लोगों को अभी तक पता है, जो मार्केट चलेगा वही हिसाब से काम बनेगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आपको $90,000 से पे आउट दूंगा, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आपका 10% नहीं 20% कटेगा, जो रूल्स है वो रूल के समय आपसे कुछ बात नहीं करूंगा, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा मार्केट में 80 अगर डॉलर का रेट चल रहा है तो आपको 84 85 से कभी भी आपको विड्रॉल नहीं दूंगा, ये भी चीज को समझ रहा हूं मैं, उससे जो मार्केट रहेगा 1-2 रुपए कम ज्यादा, इससे ज्यादा कम नहीं हो, ये ज्यादा समझ लो। जी सर, ओके सर, नीरज सर, आपका जो क्वेश्चन रहता है तो आप क्या करते हैं क्वेश्चन को रिपीट वही बार बार करते हैं क्वेश्चन, तो आपको सर का नंबर दिया है स्पेशली कि आप कभी भी 24 आवर्स सर को कॉल किया करो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं रविंद्र सोनोनी जी, आपको अनम्यूट किया है, कृपया आप अपना। पहली बात तो क्या सर, ये जो आपका क्वेश्चन होता है ना वो एक्चुअल अपने सिस्टम के बारे में नहीं होता है, आपका पर्सनल मैसेज है जो आपको यहाँ पे नहीं बोल सकते क्योंकि अपना रिकॉर्डिंग चलता है, बाकी चीजें उसके लिए गलत हो सकती है, ये चीज को आपको समझना चाहिए, अब एज ए लीडर होकर कुछ फायदा नहीं आपका, ऐसा हो जाता है ना। उनका अनम्यूट करो।
आपकी जो सवाल होते हैं ना सर, वो सवाल लीगली नहीं होते, जो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। कंपनी बारे आप बोल लो ना मेरे को, आप कंपनी के अगर कटिंग कितनी होती है, ट्रांजेक्शन कैसे करना है, उसके बारे में आपको हजार बार बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे सवाल कर देगा जो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड चलता है, ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया में चलता है अपना ना, वो आपके लिए हमारे सबके लिए गलत हो सकता है ना। तो आपके छोटे से सब प्रॉब्लम की वजह से आप सबको प्रॉब्लम में लगाएंगे क्या? बात समझ आ रही है आपको? हम समझ गए सर। आप इंडिया में रहते हैं, आप कहाँ से आपको कैलकुलेशन बताने का बोलू? मुंबई से। हाँ तो इंडिया से है ना? हाँ सर, इंडिया से ही है ना। तो वही बता रहा हूँ आपको ना, अपन वो बातें यहाँ पे नहीं कर सकते ना जो चीजें। जी सर। ओके नीरज सर, क्लियर। इसलिए हमने आपको पिछली मीटिंग में भी सर का नंबर दिया था कि 24 आवर्स सर की सेवा है। आप डायरेक्ट अकेले प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मैं तो दुबई बैठा हूं, नहीं सर प्रॉब्लम आएंगे, चीज को समझो सर। आप सर आपका नंबर बराबर है, लेकिन क्या सीनियर को हंसमें कॉल करना अच्छा नहीं लगता? हमने खाली इसलिए क्वेश्चन समथिंग किया, मैंने किसी सीनियर को, लेकिन मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, तो उस बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। और मैं एक बार समझा, दो बार समझा, लास्ट टाइम को आपको क्या बोला, किसी से अगर नहीं बनता है तो आप मेरे से कनेक्ट करो। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट करना है, लेकिन आपके अगर आपस में नहीं बनता है, थर्ड पार्टी से भी अगर नहीं बनता है, अपनी कम्युनिटी छोड़ के अगर नहीं बनता है, तो फिर मेरे से कनेक्ट करो, इतना ही बोल रहा हूँ। ओके क्लियर क्लियर सर। ओके हाँ, अभी रविंद्र सर आप शेयरिंग कर सकते हैं, आपको इनवाइट किया आप। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हेलो सर। यस बोलिए सर। जैसे अपनी मीटिंग चलती है ना सर, तो मीटिंग में जैसे कोई लेट के रहते, सो के रहते, तो थोड़ा ड्रेस कोड में आने को, या तो अपना बैकग्राउंड अच्छा ना होता है। बहुत सारे लोगों ने आपके साथ बताइए, आप ही बता रहे आज सही बात है, लेकिन इसको अपन नहीं कर सकते सर कुछ, वो अपने अपने सोच है उसको कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमारे लोगों को इतना ही बोल सकते हैं, दो लोगों को चार लोगों को ज्यादा उसको पोस्ट बनाओ, और जो लोगों के वीडियो ऑन है उसको बंद करो, इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज्यादा अपन लोगों को ये नहीं बता सकते, वो अपनी अपनी सोच है। तो उसमें क्या होता है, जब अपन बताएंगे ना तो लोग उल्टा करते, ये चीज को समझना है, लोग समझते उल्टा करते। वो एक्चुअली क्या है सर, अपना यूट्यूब पे वो लिंक डालते हैं ना सर, तो सब ठीक है, लेकिन आप वही बता रहा हूँ आपको, आप बता रहे हो हाँ, सही बात है, और वो होना भी चाहिए, लेकिन लोग नहीं समझते ना, वो बात है ना। एक्चुअली उनको क्या होता है, ये यहाँ पे जो सीख रहे ना, वो जहाँ पे शिक्षा के लिए जाते है ना, वहाँ पे सब अपडेट करके लेके जाना पड़ता है आपको। बच्चों को स्कूल भी जाना चाहिए, अपने बूट भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, उसको ड्रेस भी चाहिए, ड्रेस कोड भी चाहिए, टाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, वापिस सीखने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पैसा कैसे बनाने का वो नहीं सिखाते, फिर भी हम खर्चा करते अपडेट रहते। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, जिंदगी का काम क्या है, जिंदगी पैसे की सुबह नहीं चलती, और उसके बारे में अपडेट हो रहा है तो भी लोगों को पता नहीं चलता, तो उसको हम क्या बोल सकते सर? पैसा कमाने के लिए भी थोड़ा सा टैलेंट चाहिए, थोड़ा सा अपने को जो भी समथिंग, लेकिन थोड़ा सा ड्रेस कोड में आए तो बहुत ही अच्छा सर। थोड़ा क्या बोला, ड्रेस कोड की जरूरत नहीं आपने को, अपना कोई ड्रेस कोड नहीं कंपनी का, लेकिन कम से कम अच्छे लेवल पे होना चाहिए, बस इतना ही बात। हाँ सर भाई, नहीं तो अपना वीडियो ओपन ना करे सर, वही बता रहा हूँ। तो दूसरी बात क्या कर सकते, देखो कोई अगर आपको तकलीफ दे रहा है ना, तो उससे बातें करने से बेहतर है अपना रास्ता चेंज करना, तो वही बता रहा हूँ आपको, लोगों को समझाने से बेहतर है उनका वीडियो देखना का बार बार, और उसको ब्लॉक करना, बस बात कर सकते। नहीं तो अगर ऐसा कोई आदमी दिखेगा तो उसको डायरेक्ट रिमूव कर देने का, बात ही खत्म, वापस वो अपने टीम में आएगा ही नहीं, या सिस्टम में बनेगा ही नहीं, बात करते। ओके सर। अगर कल से दीपक जो अपने भरत है वहां से, जो आप अगर यहाँ पे बाकी काम देख रहा है, तो आप दो तीन अपना जो स्टाफ है उसको लगा देने का, जो भी अगर यहाँ पे गलत दिखेगा उसको रिमूव कर देने का, जो ये अपने प्लेटफॉर्म के अंदर कभी ज्वाइन नहीं करेगा, एक बार रिमूव कर दे तो आपको भी पता है कि ये प्लेटफॉर्म में आप वापस एंट्री नहीं कर सकते, उस मोबाइल से उस आईडी से कभी नहीं कर सकते। तो वो लोगों के लिए एक बार कल बता देते हैं, पूरी कम्युनिटी आने के बाद कल बता देने का लास्ट में, और उसके नेक्स्ट डे से जो भी अगर कोई अगर सोते हुए देख रहा है, खाना खाते हुए देख रहा है, तो उसको डायरेक्ट रिमूव कर देने का, वो वापस अपनी टीम में नहीं आएगा, यही कर सकते। इसी ज्यादा वो नहीं बोल सकते वो ड्रेस पहनने के आना, को ड्रेस कोड लेना, टाई लगाना, ये नहीं बोल सकते, जो अपने से होता है वो कर सकते। ठीक है, क्लियर सर। ओके सर, थैंक यू सर। यस ओके, अभी लगता है लगभग सभी के क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सर, अभी हम मीटिंग को यहाँ पे एंड कर सकते। यस या ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मिस्टर राजेंद्र जी। हम अभी ओके सुशील सर, आप
बहुत बहुत बधाई और 5 साल पूरा किया आपने और आप हमारे रोल मॉडल हो चुके हैं क्योंकि हमने तो राजेंद्र उपाध्याय हम मार्केटिंग से रह चुके हैं 15 साल हमने पैन कार्ड क्लब करके कंपनी थी जिसमें एक एक रैंक करके हमारे 15 साल चले गए लेकिन 1 करोड़ पाने के लिए तो अभी तक हम सोच रहे हैं मतलब ऐसी हालत में थे और ये सिचुएशन अभी 6 साल से है आपको पता है और आप हमारे नासिक शहर से हो तो ये अभी महाराष्ट्र से हो हमारे लिए अभिमान की बात है और बस हम 2 महीना हो चुका है सफायर के पोजिशन में हूँ और बस 3 महीने है 3 महीने में डायमंड शिप हो जाएगा वो तरीके से प्लान हो रहा है और बहुत बढ़िया सही टाइम पे सही पोजीशन में ये कंपनी मेरे को मिली है तो पिछला थोड़ा इतिहास माइंड में कई कई लोग बता रहे हैं कुछ ऐसा हुआ कुछ ये हुआ तो भी हम डटे हैं सीनियर लोगों के गाइडलाइन से हम काम कर रहे हैं प्रदीप राठौर करके सर है ब्लू डायमंड उन्हीं के टीम से मैं हूँ और 2 महीने में जो रिस्पॉन्स जो तरीके से कंपनी का कमीशन चल रहा है जो तरीके से आप अभी लगातार मीटिंग होते जा रहे हैं मैं सीनियर लोगों से बोला कि हमें राजेंद्र उपाध्याय सर का जो मीटिंग होता है हमें लिंक दिया करो जैसे कि मेरे बहुत सारे लोगों को मैं लिंक शेयर करूँ मेरे अभी ये टीम में भी 3-4 लोग हैं अभी जो देख रहे हैं कुड़ाल से हैं मुंबई से हैं हर 2-3 जगह से हैं चल रहा है जो पॉसिबल हो सकता है बस सर सही जगह पे हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है और लग अभी अभी 1 महीना मेरी माँ भी गुजर गई अभी जस्ट 20 तारीख को मैं पूरा उनके लिए अस्पताल में था लेकिन वो दौरान भी मैंने करीबन 30,000 रुपया कमाया मैं जॉब पे नहीं था अभी तो जॉब पे नहीं हूँ 1 तारीख से मैं कल से ज्वाइन करने वाला हूँ थोड़ा बहुत कुछ कमिटमेंट है इसीलिए नहीं तो मैं छोड़ देता था तो भी ये विश्वास है कि भाई नहीं कुछ अगर वो मेरा बॉस भी बोलता है भाई कल से नहीं आना है तो भी मैं जाने के लिए मतलब वैसे खुश हूँ वो अगर बोलता है तो कमिटेड हूँ करके मुझे कुछ वहां पे ज्वाइन करना है बस ज्यादा नहीं कुछ बात करना है थैंक यू अलेक्स सर के लिए बोलना है और ये कंपनी के लिए और राजेंद्र उपाध्याय सर आपके लिए खास करके आप डटे रहें टिके रहें इसलिए शायद मेरा ज्वाइनिंग भी हो गया क्योंकि उसी कड़ी से हम जुड़े हैं और कोई तो बोलता है ना नेता होता है तो आगे वो आगे की सोचता है आप हमारे आइडल तो बन ही गए हो हमारी तो जान पहचान ऐसे नहीं है मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र वहां से आता हूँ नवी मुंबई से हूँ बस एक 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 पायदान करते जा रहे हैं आगे तो मिलेंगे ओके थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू यस सर थैंक यू सब लोगों को मेरा ये रहना है 2 तारीख का जो अपना स्पेशल मीटिंग होगा उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जो आज तक आपको मिली नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी को वहाँ पे लेके आना है ताकि उस दिन का प्रोग्राम उस दिन का जो सिस्टम है वो आपको सुनने को मिले और वो सिस्टम बहुत बढ़िया वो मीटिंग ही बहुत बढ़िया होगा जो 5 साल में ऐसी मीटिंग नहीं होगी ऐसी मीटिंग होगी इस चीज को समझना तो पूरा जर्नी कंपनी के बारे में हमारे बारे में आने वाले सिस्टम के बारे में सब चीजें और जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे उस दिन एक अलग अंदाज से सुनने को मिलेगा अलग अंदाज से आपको जानने को मिलेगा तो अपने लोग अगर वहाँ पे रहेंगे ज्यादा लोग रहेंगे तो आप उतना ज्यादा पैसा इस सिस्टम के माध्यम से बना पाएंगे वो एक मीटिंग यानी अपना पूरा महीने का मीटिंग या पूरे 5 साल की मीटिंग और ये उस दिन का एक मीटिंग एक अलग माहौल बना के जाएगा इस चीज को समझना है सबको तो थैंक यू ओके सर थैंक यू सर बहुत शुक्रिया सर आप इतना कंटिन्यूसली ले रहे और हमारी पूरे इंडियन कम्युनिटी की तरफ से और मिस्टर राजेंद्र की टीम की तरफ से सुशील जी आपने आपकी माता जी गुजर गई है तो उनको हम यहाँ पे विनम्र अभिवादन करते हैं और उस दिन सर ने ऐसे ही एक कोई तो था खुश करके उसका बच्चे का एक्सीडेंट हुआ यानी कि बीमार था तो उसे उसने रिक्वेस्ट की थी कि सर फंड राइज कर दो तो सर ने उसी सबको रिक्वेस्ट किया था तो लगभग कुछ तो भी 1 घंटे में 3.5-4 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था तो मिस्टर राजेंद्र जी आप ये भी काम करते हो साथ में यानी कि जो सोशल वर्क भी है आपका तो सच में ये फरिश्ते वाला ही काम है और सर जो आपने ये जूम सीरीज स्टार्ट किया था लगभग आज सक्सेसफुली और हम सब आपको हैट्स ऑफ करते हैं सैल्यूट करते हैं कि आपने ये करके दिखाया सर करके दिखाया क्योंकि ये सिंपल बात नहीं है कि कंटिन्यू 31 डेज आपने ये सिलसिला चालू रखा और मुझे आज एक उस्मानाबाद से लीडर का कॉल आया था बोले कल वो सरहद पे था
और वो वहाँ पे टॉर्च लगा के देख रहा है और वो वहां से भी अपने फैमिली के लिए अपने देश के लिए सेवा करके वो मनी अर्न करने की चाहत रख रहा है। वो जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो बोल रहा है कि किसी ने सोए हुए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और ऐसे लोग भी है जिनको हम आपकी जूम मीटिंग का इतना जरूरत है। और कोई यूट्यूबर ऐसे है कि वो हमारा यानी कि स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके चैनल पे ये डालता है और उसकी टीम कम्युनिटी उसकी टीम वहां पे बहुत सारा पैसा यहाँ पे अर्न कर रही। लेकिन आप इतना वर्क देते हो, अपने कम्युनिटी को इतना बताते हो, लेकिन इनको अभी तक इतना इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन जैसे ही नितिन सर ने बोला कि मैंने अलेक्स सर को मिलना मुश्किल है, लेकिन आपके वजह से मैं इतनी बार मिला, वो अहमियत उनको मालूम है। और ईराना शेट्टी को, और आज सच में हमें आज मालूम पड़ा कि ईराना शेट्टी और आप 5 साल पहले फर्स्ट टाइम जो स्ट्रेंजर थे इंडिया में अलेक्स सर को मिले थे, आज हमें पता चला, नहीं तो हम समझ सकते। तो ये 5 साल आपने जो दिए ये बहुत, यानी कि इतना हार्डवर्क कोई नहीं कर सकता, कोई 3 महीने भी नहीं रुक सकता, आपने 5 साल दिए इस कंपनी के लिए। तो सच में हम ऑल इंडियन कम्युनिटी आपको ऐसे ही प्यार करते और आपको चाहते कि हाँ आप कंटिन्यू यहाँ पे आइए और हमें यहाँ पे मार्गदर्शन कीजिए और जूम मीटिंग जो है ये कंटिन्यू आप लिया करो। और ये जूम मीटिंग में जो आपका 5 साल कंप्लीट हो चुका है सर प्लैटिनम नोड के साथ में, जो परसों का है वो कल का मीटिंग जो है सर वो कैंसिल रखने का और परसों करने का? नहीं नहीं, कल का यानी अपना खाली 5 साल का जो करने वाला था वो कल नहीं होगा, अपना रेगुलर मीटिंग होगा। अगर अलेक्स सर का लिंक नहीं आया तो अपना रेगुलर मीटिंग होगा, अलेक्स सर का मीटिंग होगा तो फिर अपना मीटिंग नहीं होगा। ओके ओके, तो सभी कम्युनिटी को ये ध्यान देना है, अगर कल डियर अलेक्स का रहेगा मीटिंग तो अपना नहीं होगा, जो अपना रेगुलर वाला थोड़े टाइम में अपन खत्म कर देंगे। और जो सर का 5 साल कम्प्लीट हो गया है उसका सेलिब्रेशन अपन परसों के दिन रखने वाले है, जो कि 2 फरवरी को। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको बहुत चाहते हैं, आप इतना हमें वक्त निकाल के कंटिन्यूसली आप दुबई में हो, डियर अलेक्स के साथ में रहते हो ऑफिस में जाके, और जितने भी लीडर्स है उनको मिलके इतना सारा अपडेट यहाँ पे देते हो। और इसका नतीजा आज ऐसा हुआ कि आज किसी का भी क्वेश्चन नहीं है, हर कोई खुश है। और जो आपने ट्रेन निकाली है, मैं तो बोलूंगा कि राजेंद्र एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम देंगे अपन, जो गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाली है। तो सच में इस राजेंद्र एक्सप्रेस ट्रेन में आप बैठ जाइए जितने जल्दी हो सके, अभी ट्रेन का स्पीड बहुत कम है, थोड़े ही दिनों में ये सुपर फास्ट निकलने वाली है। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको आर्थिक आजादी चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनना है, अगर आपको करोड़पति अगर बनना है सच में, तो मिस्टर राजेंद्र जी जो बोलते हैं आप उस पे एक्टिव रहो, उस पे काम करो, यहाँ पे बहुत सारा मौका अपने को दिया है अर्निंग के लिए। और ये सच में डियर अलेक्स ने बहुत बड़ा मौका दिया है हमें, तो हमें कंटिन्यूसली जूम मीटिंग में आना है। तो हम मिस्टर राजेंद्र जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हाँ, हम समझ सकते हैं कि पूरी इंडियन कम्युनिटी आप इतना समय निकाल के, इतना टाइम निकाल के हर रोज जूम मीटिंग को आते हैं और कंटिन्यूसली सब अपडेट लेते हैं, और आपके जो डाउनलोड है अपलाइन है आप पूरे कम्युनिटी को वहाँ पे गाइडलाइन करते हो, उनको आर्थिक आजादी प्राप्त करने के लिए हेल्प करते हो। तो हम समझ सकते हैं आपको फैमिली से आवाज आती है कि चलो खाना खाने, बच्चे भी बुला रहे, लेकिन इतना कीमती समय आप उधर ना देते हुए इधर देते हैं। तो हाँ, आप सभी कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आने वाले दिनों में मिस्टर राजेंद्र जी के ये राजेंद्र एक्सप्रेस में सबको यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, सब जन यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम बोल के। अभी हम मीटिंग को इन करते हैं, उससे पहले हम सबको यहाँ पे अनम्यूट करेंगे, द प्लैटिनम कॉइन टाइम इज सुपर नाउ करके हम यहाँ पे मीटिंग क्लोज करते हैं। प्लैटिनम कॉइन द टाइम इज सुपर नाउ।